स पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग होप सो so, आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं सो वेलकम टू सेकेंड अमेंडमेंट लेक्चर फॉर द सी ए फाइनल फर्स्ट अमेंडमेंट लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा अब अपन बात करेंगे सेकेंड अमेंडमेंट लेक्चर की जो कि सी ए फाइनल के लिए मे एंड नवम्बर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है और अगर आप सी एम ए की बात करेंगे तो जून एंड दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के लिए एप्लीकेबल है पहली चीज तो जिन लोगों ने हमारे ऑलरेडी जो बैच नए वाले लिए हैं फास्ट ट्रैक बैच एज वेल एज रेगुलर बैच उनके लिए ये लेक्चर नहीं है तो आप नहीं भी देखोगे तो आपको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके बैच में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं तो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी मे नवंबर टू वाले बैचेज लिए है उनके लिए ये अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखना है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीबीपी की तो पीजीबीपी में दो तीन छोटे छोटे अमेंडमेंट है पहला अमेंडमेंट तो यह है कि आपको पता है पीजीबीपी में एक सेक्शन हुआ करती है थर्टी सेवन दल सेक्शन यह सेक्शन बोलती है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर थर्टी से लेकर 36, 36 में कवर नहीं होता तो वो थर्टी सेवन में अलाउ हो जाता है अगर तीन कंडीशन है पहली कंडीशन वो खर्चा आपका होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए होना चाहिए दूसरा वो खर्चा आपका रेवेन्यू इन नेचर होना चाहिए और तीसरा वो खर्चा आपका लीगल होना चाहिए इन एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होते अब इन को लेके इन्होंने यहां पे इस बार एक एक्सप्लेनेशन जोड़ी है बिकॉज एक कंफ्यूजन था कि अगर हो सकता है कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो इंडिया में लीगल है बट इंडिया के बाहर इलीगल है इंडिया के बाहर के किसी लॉ में इलीगल है तो अगर इंडिया के बाहर वो एक्सपेंडिचर किया तो क्या अलाउ होगा या नहीं अलाउ होगा तो इसको लेके निर्मला सीतारमन जी ने इस पर क्लियरिफिकेशन दिया एक और चीज आपने सुना होगा वो फ्री सैंपल्स को लेके बहुत बड़ी दिक्कत थी कि ये जो डॉक्टर को फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है सिप्ला है मैकलॉड्स है उसके बाद रेनबैक्सी है ये जो फ्री सैंपल्स देते हैं ये फ्री सैंपल अलाउ है या नहीं अलाउ करके ठीक है इसको लेके आपने देखा होगा बहुत सारी दिक्कतें थी तो उस दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए इन्होंने यहां पे इस बार एक एक्सप्लेनेशन जोड़ी और यहां पे बोला कि कौन कौन सी चीजें हैं वो आपके इन एक्सपेंडिचर में आएगी तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे एक एक्सप्लेनेशन जोड़ी गई ये एक्सप्लेनेशन बोलती है कि फॉलोइंग एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज इन एंड नॉट अलाउड एज डिडक्शन ये एक्सपेंडिचर आपके इन माने जाएंगे और डिडक्शन नहीं मिलेगा कौन कौन से फर्स्ट पॉइंट फॉर द दनी पर्पज विच इज एन ऑफेंस या तो वो ऑफेंस है अंडर in और विच इज प्रोबिटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया मीन को एक्सपेंडिचर ऐसा है जो कि ऑफेंस है इंडिया के किसी लॉ में या इंडिया के बाहर के किसी लॉ में तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया के लॉ में ऑफेंस है इफ इट इज ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय अंडर एनी अदर लॉ आउटसाइड इंडिया आल्सो, तो वो भी तुम्हारा इन एक्सपेंडिचर माना जाएगा और आपको अलाउ नहीं होगा सो दैट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज इन एक्सपेंडिचर और वो आपको अलाउ नहीं होगा तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो ऑफेंस है या प्रोहिबिटेड है बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया वो तुम्हारा इल्लीगल माना जाएगा दूसरा पॉइंट जो लिखा है ना वो इसके लिए लिखा है जो ये फ्री सैंपल्स डॉक्टर को देते थे या डॉक्टर को आपको पता है कैप्सन लेबोरेटरी का केस लॉ था और वो कैप्स लेबोरेटरी के केस लॉ में मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है रेफरल फीस जो डॉक्टर को देते थे उससे रिलेटेड उन्होंने ये अमेंडमेंट किया देखिए क्या दे रखा है टू प्रोवाइड एनी बेनिफिट और परक्यूजिट मीनस आप किसी को कोई बेनिफिट दे रहे हो या परक्यूजिट दे रहे हो डॉक्टर को फ्री सैंपल देते हैं या रेफरल फीस देते हैं इन वॉट एवर फॉर्म टू एनी पर्सन वेदर और नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और एक्सरसाइजिंग अ प्रोफेशन मीन्स वो जो पर्सन है वो बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर हो सकता है किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो ही इज नॉट डूंग एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन लेकिन द एक्सेप्टेंस ऑफ सच बेनिफिट और परक्यूजेड बाय सच पर्सन इज इन द वायलेशन ऑफ एनी लॉ और रूल और रेगुलेशन और गाइडलाइंस वो पर्सन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेनिफिट और परक्यूजिट लेकिन वो वायलेट कर रहा है किसको किसी लॉ को वायलेट कर रहा है रूल्स को वायलेट कर रहा है रेगुलेशन को वायलेट कर रहा है गाइडलाइंस को वायलेट कर रहा है एज द केस में बी फॉर द टाइम बीइंग फोर्स गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ सच पर्सन मीन्स वो जो पर्सन है वो लॉ को वायलेट कर रहा है किसी रूल्स को वायलेट कर रहा है रेगुलेशन को वायलेट कर रहा है गाइडलाइन को वायलेट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में वो एक्सेप्ट कर रहा है वो वायलेशन कर रहा है तो आपके लिए वो एक्सपेंडिचर आपका इन एक्सपेंडिचर हो जाएगा और वो आपको अलाउ नहीं होगा एंड लास्ट पॉइंट टू कंपाउंड एनी ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया अगर मान लो आपने कोई ऑफेंस कर लिया लेकिन ऑफेंस करने के बाद आप क्या करवाते हो उसका कंपाउंडिंग फीस पे करते हो मीन आप उस ऑफेंस को कंपाउंड करा रहे हो तो कंपाउंडिंग के लिए अगर आप कोई पे करोगे तो वो लीगल एक्सपेंडिचर माना जाएगा जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं एग्जाम्पल ये है कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक बिल्डर ने क्या किया एक बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग बनाई उसमें लॉ बोलता है कि फॉर एन एग्जाम्पल आप 50 परसेंट ही एरिया स्पेस यूज कर सकते थे एक एफएसआई होता है ना क्या 50 परसेंट ही कंस्ट्रक्ट कर सकते थे बट मान लो उस बिल्डर ने क्या किया 70 परसेंट कंस्ट्रक्शन कर दिया तो उसने तो गलत किया है उसने बायलॉज को वायलेट किया है और जब बायलॉज को वायलेट किया है तो इस पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन ही आता है कि क्या बिल्डिंग को गिरा देंगे जैसे आपने नोएडा में ट्विंस टावर सुना था ट्विंस टावर में तो टावर को गिरा दिया था तो ट्विंस टावर को गिरा दिया था तो क्या बिल्डिंग को गिरा देंगे आंसर इज नो बहुत बार क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है आपको चांस देती है कि आप एक काम करिए इसको कंपाउंड करा दीजिए आपने ऑफेंस तो किया है आप एक काम करिए कुछ पैसा देखिए और इसको लीगल करा दीजिए ऐसा होता है ना बहुत बार तो यहां पे क्या किया उस एस ने फॉर एन एग्जांपल ट्वेंटी लाख रुपए का वहां पे कंपाउंडिंग फीस दिया और वो ऑफेंस कंपाउंड हो गया ठीक है चलिए बोला हम आपको अलाउ कर देते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में गाइस जो भी पैसा दिया है वो इन एक्सपेंडिचर माना जाएगा और वो आपको अलाउ नहीं होगा आपको पता है ऐसा केस लॉ भी था और उसो में ऐसा बोला हुआ था कि ये अलाउ नहीं होता अब इसको लॉ में लिख लिया तो इन में तीन चीजें आएगी अगर कोई भी ऑफेंस है प्रोहिबिटेड अंडर एनी इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया या किसी को कोई भी बेनिफिट दे रहे हो वो एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए वो वायलेशन ऑफ एनी लॉ है guidelines है है गाइडलाइंस ठीक रेगुलेशन है या फिर कोई भी एक्ट है रूल है तो उस पर्टिकुलर केस में आपके लिए वो इनलीगल एक्सपेंडिचर है और कंपाउंडिंग ऑफ एनी ऑफेंस है कंपाउंडिंग फीस है तो वो तुम्हारा इनलीगल एक्सपेंडिचर माना जाएगा डन उसके बाद एक और छोटा सा जो चेंज है वो ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता तो डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता दैट इज नॉट अलाउड लेकिन क्या उसका इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है इंटरेस्ट भी अलाउ नहीं होता पेनल्टी भी अलाउ नहीं होता लेकिन इनकम टैक्स में क्या क्या आएगा तो मैं बता दू इनकम टैक्स में इनकम टैक्स आएगा सरचार्ज आएगा एज वेल एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आएगा मीन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो भी एक इनकम टैक्स है वो भी एक इनकम टैक्स है क्योंकि एक बात बताइए हुआ क्या था एक बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था, था, हाँ था एंडल के डेबिट में डाल सकते हो अब हुआ क्या कि इस बार निर्मला सीतारमन जी ने लॉ में अमेंडमेंट कर दिया और बोला ऐसे कैसे इनकम टैक्स एंड इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको अलाउ नहीं होगा इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स चलिए

वो लोन किससे लिया है शेड्यूल बैंक से लिया है करके ठीक है लोन इज टेकन इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फ्रॉम द आइदर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टेट फाइनेंशियल स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या शेड्यूल बैंक या फिर एनबीएफसी से करके ठीक है इनसे अगर आपने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है के लिमिटेड और इन्होंने क्या किया एच बैंक से क्या किया लोन लिया अब एच बैंक से लोन लिया और उस लोन का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो था वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर एन एग्जांपल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो था वो टू करोड़ रुपए था टू करोड़ रुपेज वाज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अब ये जो के के लिमिटेड कंपनी है इन्होंने क्या किया ये टू करोड़ के इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया इंटू द लोन बहुत बार ऐसा होता है ना क्या आप लोग क्या करते हो अपना जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसको लोन में रिकनवर्ट कर देते हो तो ये एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाता मैंने आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को अगर आप लोन में रिकनवर्ट कर देते हो तो वो आपका कन्वर्जन है वो एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाता वो एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाता वो अलाउ नहीं होता ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका था लेकिन आपको पता एक केस लॉ था दैट इज द एम एम एक्वा करके केस लॉ था लास्ट ईयर आपने देखा था और एमएम के लॉ में क्या था कि अगर ये कंपनी जो है ये कंपनी क्या करती है एच डी एफ सी बैंक को टू करोड़ के डिबेंचर इशू कर देती है तो डिबेंचर इशू कर देती है तो क्या यह डिबेंचर इशू किया यह एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा एम एम एक्वा के केस लॉ में आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि यस इट इज ट्रीटेड एज एक्चुअल पेमेंट और भैया आपको इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा मिस कंपनी का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के बदले कंपनी ने डिबेंचर दे दिए तो बोले यह एक्चुअल पेमेंट है और यह आपको अलाउ हो जाएगा पी एंडल के डेबिट में डाल सकते हो लेकिन एक बात बताओ इस बार निर्मला सीतारमन जी ने अमेंडमेंट कर दिया कि इट इज नॉट ट्रीटेड एक्चुअल पेमेंट अगर आप कोई भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के सामने आप कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो लाइक डिमेंचर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे आपकी लाइबिलिटी का पेमेंट डेफर हो जाता है इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्चुअल पेमेंट ये एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाएगा और आपको ये अलाउ नहीं होगा करके ठीक है तो देखिए यहां पर आपकी एक एक्सप्लेनेशन जोड़ी है पॉइंट नंबर फोर देखिए क्या लिखा है इफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन इज कन्वर्टेड इंटू डिवेंचर आपने उसको डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर दिया बाय विच द लाइबिलिटी टू पे इज डेफर टू द फ्यूचर डेट आपने फ्यूचर डेट के लिए लाइबिलिटी को डेफर कर दिया है शेल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्चुअल पेमेंट उसको एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाए गा करके ठीक है इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्चुअल पेमेंट अगर आपकी बुक में लास्ट वाली बुक में रहेगा एमएम एक्वा वाला केस लॉ उसको आप इग्नोर कर दीजिए क्योंकि वो अभी ओवरराइड कर दिया बाय दिस अमेंडमेंट तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस बार ठीक है यह जहां पे लिखा होगा कि कंपनी ने क्या किया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के सामने डिबेंचर इशू कर दिए तो क्या इंटरेस्ट पी एंडल के डेबिट में जाएगा आंसर इज नो इट विल नॉट बी अलाउड इन द पी एंडल डेबिट साइड एक आपके पास ये नई वाली बुक है ना तो एक छोटा सा करेक्शन आप पेज नंबर वन थर्टी फाइव पे करिएगा बेड डेट्स वाले में डेट्स वाले में जहां पे वन लैख लिखा हुआ है उसकी जगह आप हंड्रेड लिखिए और जो अलाउड में हंड्रेड लिखा हुआ है उसकी जगह सिक्सटी लिख लीजिए पहले तो वन लेख की जगह आप हंड्रेड लिखिए और अलाउड में हंड्रेड लिखा हुआ उसकी जगह सिक्सटी लिख लीजिए और अब आप देखिए आपको ये समझ में आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक आप सीधा आ जाइए बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन टॉपिक नंबर सेवन और मैं बता दू ये टॉपिक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है चार मार्क का ठीक है तो चलिए हम चालू करते हैं बोनस स्ट्रिपिंग बिकॉज यहां पे अमेंडमेंट हुआ है और मैंने अमेंडमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह डाले हैं तो ये टॉपिक को अपन समझना चालू करते हैं ऑल पीपल टॉपिक नंबर सेवन तो टॉपिक नंबर सेवन आपकी बुक में दे रखा है और टॉपिक नंबर सेवन जो है दैट इज रिलेटेड टू द बोनस स्ट्रिपिंग बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन ये टॉपिक का नाम है बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन तो इसमें सबसे पहले हम जो सीखने वाले हैं इसमें एक सेक्शन होती है नाइनटी फोर सबसेक्शन एट एंड नाइनटी फोर सबसेक्शन एट इज रिलेटेड टू द बोनस स्ट्रिपिंग अब आप बोलेंगे बोनस स्ट्रिपिंग क्या होता है मैं आपको सिखा देता हूं बोनस स्ट्रिपिंग क्या होता है तो बोनस स्ट्रिपिंग मीन्स एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि बोनस स्ट्रिपिंग एग्जैक्टली होता क्या है आप खुद ही आंसर कर लोगे आप बोलोगे अरे सर मजा आ गया करके ठीक है आप ये बोलोगे मजा आ गया क्या मस्त कॉन्सेप्ट जैसे मुझे एक बात बताइए, अभी तक क्या आपके नॉलेज के हिसाब से आपके बेस के हिसाब से जैसे पास में शेयर है किसी कंपनी के मेरे पास में शेयर है फॉर एन एग्जाम्पल अभी अभी जैसा आपने सुना होगा जैसे मेरे पास में शेयर है नायका के नायका जो है वो नायका ने अभी बोनस निकाला था तो नायका के मेरे पास में फॉर एन एग्जाम्पल एक हजार शेयर है और एक हजार शेयर नायका के मैंने खरीदे थे पांच सौ रेट पे पांच सौ रेट पे एक हजार शेयर खरीदे थे मैंने ये मैंने एक्वायर किए थे देखिए रेट मार्केट में अलग हो सकती है दिस इज जस्ट इमेजिनरी एग्जाम्पल मैंने नायका के एक हजार शेयर खरीदे थे और पांच सौ रेट पे खरीदे थे कुछ टाइम बाद क्या हुआ कंपनी ने यहां पे बोनस शेयर दे दिए कंपनी ने यहां पे बोनस शेयर दे दिए और फॉर एन एग्जाम्पल कंपनी ने नायका ने तो वन टू टेन बोनस शेयर दिया है करके ठीक है कि जिसके पास में एक शेयर था उसको दस बोनस शेयर दे दिए बट मैं एग्जाम्पल में ये ले रहा हूं कि मेरे पास हजार शेयर थे और कंपनी ने फॉर एन एग्जाम्पल मुझे क्या किया यहां पे यहां पे कंपनी ने मुझे सात सौ बोनस शेयर दे दिए कंपनी ने मुझे सात सौ जो है वो सात सौ बोनस शेयर दे दिए यहां पे अब मुझे एक बात बताइए आप जब कंपनी ने सात सौ बोनस शेयर दिए तो अगर आपके पास चॉइस है कि आप इसमें से कौन से शेयर पहले बेचना पसंद करेंगे ओरिजिनल शेयर पहले बेचना पसंद करेंगे या फिर बोनस शेयर पहले बेचना पसंद करेंगे आप मुझे बताइए आप पहले क्या बेचना पसंद करेंगे ओरिजिनल शेयर या बोनस शेयर आपके पास ओरिजिनल शेयर थे हजार जो 500 की रेट से आपने एक्वायर किए थे उसके बाद में कंपनी ने हाथों हाथ थोड़े टाइम बाद बोनस दे दिया और बोनस शेयर यू गॉट द 700 बोनस शेयर इफ यू हैव एन ऑप्शन टू सेल द शेयर विच शेयर यू विल ट्राई टू सेल फर्स्ट मीन्स यू विल लव टू सेल फर्स्ट योर ओरिजिनल शेयर या बोनस शेयर बताइए आप पहले कौन से शेयर बेचना पसंद करेंगे आप पसंद कौन से करेंगे आप पसंद कौन से करेंगे यहां पे सब लोग बोल रहे हैं कि हम जो पसंद करेंगे हम जो पसंद करेंगे वो बोनस शेयर करेंगे इसके आंसर बहुत ज्यादा आ रहे हैं थोड़ा दिमाग लगाइए और दिमाग लगाने के बाद आंसर करिए करके ठीक है दिमाग लगाने के बाद आंसर करिए आप बोनस शेयर पहले पसंद करेंगे बेचना या फिर ओरिजिनल शेयर पहले पसंद करेंगे बेचना हा बोनस या ओरिजिनल आशीष बोल रहा है कोई भी बेच दो सर क्या फर्क पड़ता आग। आग है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए आप आप टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए पहले क्या बेचना पसंद करेंगे बोनस या ओरिजिनल बोनस या ओरिजिनल बोनस या ओरिजिनल चलिए बोनस तो क्यों एंड ओरिजिनल तो क्यों उसका रीजन भी बताइए बोनस तो क्यों एंड ओरिजिनल तो क्यों बोनस तो क्यों ओरिजिनल तो क्यों संप्रीत बोल रही है सर बोनस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होगा इसलिए बोनस बेचना पसंद करेंगे एक बात बताऊं अगर आपके पास ऑप्शन है कि दोनों में से कौन से शेयर आप बेचना पसंद करेंगे तो लोग हमेशा चूज करेंगे ओरिजिनल शेयर को ओरिजिनल शेयर बेचना पसंद करेंगे पहले ऐसा क्यों क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए जैसे ही बोनस मिलेगा मार्केट में शेयर की प्राइस गिरेगी जैसे ही बोनस मिलेगा मार्केट में शेयर की प्राइस गिरेगी और शेयर की प्राइस गिरेगी तो आप मार्केट में क्या करेंगे शेयर सेल करेंगे और वो जब आप ओरिजिनल सेल करेंगे जैसे फॉर एन एग्जांपल बोनस मिलने के बाद मार्केट में शेयर की प्राइस हो गई 300 आप क्या करेंगे ये हजार ओरिजिनल शेयर है ये ओरिजिनल आप पहले बेचना पसंद करेंगे क्योंकि ओरिजिनल अगर मान लो हजार शेयर आपने 300 की रेट से बेच दिए तो यहां पे आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया थ्री लाख रुपेज और माइनस ओरिजिनल शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आपकी कितनी है फाइव लाख रुपेज है तो आप यहां पे क्या लेंगे लॉस लेंगे टू लाख का और ये लॉस को आप क्या करेंगे दूसरे किसी गेंद से सेट मारेंगे ये लॉस को आप क्या करेंगे दूसरे किसी से सेट ऑफ मारेंगे तो व्हाट पीपल लव टू डू फर्स्ट दे विल ट्रांसफर द ओरिजिनल शेयर एंड दे विल होल्ड द बोनस शेयर अरे खजूर अगर तूने बोनस शेयर बेच दिया होता जो जो बोल रहे थे बोनस शेयर वाले अगर आपने बोनस शेयर बेचा होता सपोज 700 बोनस शेयर आपने बेच दिया तो दो लाख दस हजार आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कॉस्ट क्या रहेगा निल तो यहां पे तो आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा ना इस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा तो व्हाट पीपल विल विल लव टू डू दे ट्रांसफर द ओरिजिनल शेयर फर्स्ट वो ओरिजिनल शेयर है वो पहले बेचना पसंद करेंगे वो ओरिजिनल शेयर पहले बेचना पसंद करेंगे ओरिजिनल शेयर वो हमेशा पहले बेचना पसंद करेंगे जिससे कि वो लॉस बुक कर पाए और इस लॉस को दूसरे किसी भी गेन से सेट ऑफ कर पाए और उसको फिर क्या करे कैरी फॉरवर्ड कर पाए वो कभी भी बोनस शेयर पहले नहीं बेचेंगे और दूसरी चीज आजकल के डेट में अगर मान लो डी सिक्योरिटी है तो ऐसे भी फीफो मेथड लगेगा वेन देर इज अ अट सिक्योरिटी देन इज अ ऑलवेज मेथड मेथड सो के हिसाब से तो ऑब्वियसली ओरिजिनल शेयर ही पहले जाएगा फीफो मेथड के हिसाब से तो ऑलरेडी ऑब्वियसली जो है वो ओरिजिनल शेयर है वो ओरिजिनल शेयर ही पहले जाने वाला है तो फीफो मेथड के हिसाब से तो ओरिजिनल शेयर ही आप पहले बेचने वाले हैं अगर डी है तो देखो लॉ मेकर्स को ये पता चला कि लोग ऐसा कर रहे हैं लॉ मेकर्स को यह पता चला कि लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं कि ओरिजिनल शेयर पहले ट्रांसफर करते हैं बो, बोनस को हेल्ड करते हैं बोनस को हेल्ड करते हैं बोनस को होल्ड करके रखते हैं और ओरिजिनल पहले ट्रांसफर कर देते हैं तो लॉ मेकर्स ने क्या किया एक सेक्शन डाली नाइन फोर नाइनटी फोर करके और नाइनटी फोर में क्या लिखा समझने की कोशिश करना नाइनटी फोर एट अभी क्या बोलती है समझने की कोशिश करना नाइनटी फोर एट बोलती है कि मान लो ये तुम्हारी बोनस की रिकॉर्ड डेट है रिकॉर्ड डेट है ये बोनस की रिकॉर्ड डेट है रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है कि जिस दिन आपके पास में ओरिजिनल सिक्योरिटी है जिस दिन आपके पास में ओरिजिनल सिक्योरिटी है तो आपको बोनस मिलेगा दैट इज कॉल योर रिकॉर्ड डेट इस रिकॉर्ड डेट के थ्री मंथ के पहले पहले आप क्या करते हैं अगर कोई भी यूनिट्स एक्वायर करते हैं या फिर सिक्योरिटी एक्वायर करते हैं एक बात बताऊं इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये सिक्योरिटी वर्ड है ना ये फिनेंस एक्ट 2022 से डाला गया पहले ये प्लानिंग का एक सोर्स हुआ करता था पहले क्या करते थे प्लानिंग का एक सोर्स हुआ करता था लेकिन इस बार इन्होंने ये सिक्योरिटी वर्ड ऐड किया है यहां पे पहले ये बोनस स्ट्रिपिंग सिर्फ यूनिट्स के केस में ही लगता था आज से पहले ये बोनस स्ट्रिपिंग है ना वो सिर्फ यूनिट्स के केस में लगता था दिस इज द अमेंडमेंट बाय द फिनेस एक्ट 2022 एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक आई एम एक्सपेक्टिंग द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक लास्ट के टेन ईयर में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है इस टॉपिक से रीजन बींगेबल ओनली इनकेसून बट नाउ इट इज एप्लीकेबल इनकेरिटी ऑल्सो तो लॉमेकर बोलते हैं कि जो तुम्हारी बोनस की रिकॉर्ड डेट है उस बोनस की रिकॉर्ड डेट से एग्जैक्टली exactly ये थ्री मंथ के अंदर अंदर आप क्या करते हैं ओरिजिनल शेयर सिक्योरिटी या यूनिट्स को एक्वायर करते हैं Miss, ये थ्री मंथ के अंदर अंदर आप क्या करते हैं एक्वाइड करते हैं और इस रिकॉर्ड डेट पे क्या होता है आपको बोनस सिक्योरिटी मिल जाती है या बोनस यूनिट्स है वो आपको अलॉट होती है रिकॉर्ड डेट पे और उसके बाद में आप क्या करते हैं पता है यहां रिकॉर्ड डेट से लेके और ये नाइन मंथ के अंदर अंदर रिकॉर्ड डेट से लेके और इस नाइन मंथ के अंदर अंदर आप क्या करते हैं कि जो भी आपका ओरिजिनल सिक्योरिटी है या ओरिजिनल यूनिट है उसको आप क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं ओरिजिनल सिक्योरिटी या ओरिजिनल यूनिट को आप क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं ओरिजिनल सिक्योरिटी या ओरिजिनल यूनिट को आप ट्रांसफर करते हैं और बेटा एंड उसके साथ में क्या करते हैं बोनस यूनिट को आप हेल्ड बोनस यूनिट या फिर बोनस सिक्योरिटी जो है वो बोनस सिक्योरिटी को आप होल्ड करते हैं ओरिजिनल सिक्योरिटी या यूनिट्स को आप ट्रांसफर कर देते हैं और बोनस यूनिट या सिक्योरिटी को आप होल्ड करते हैं और ऑब्वियसली लॉजिकली क्या होगा कि ओरिजिनल सिक्योरिटी जो ट्रांसफर होगा उस पर आपको क्या होगा लॉस होगा मेकर्स बोलते हैं कि अगर ओरिजिनल सिक्योरिटी आप ट्रांसफर करते हैं और बोनस सिक्योरिटी है वो आप हेल्ड करते हैं और अगर ओरिजिनल सिक्योरिटी पे लॉस हुआ ओरिजिनल सिक्योरिटी पे लॉस हुआ तो ये लॉस को हम बेटा इग्नोर करेंगे ये जो लॉस को हम इग्नोर करेंगे इसका मतलब इस लॉस को ना तो आप किसी भी दूसरे गेन से सेट ऑफ कर सकते और ना ही आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हम अलाउ नहीं करेंगे हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं करेंगे जो ओरिजिनल सिक्योरिटी पे जो भी तुम्हारा लॉस होगा वो लॉस को हम इग्नोर करेंगे मीन्स इसको ना तो हम सेट ऑफ करने देंगे ना कैरी फॉरवर्ड करने देंगे बट हम क्या करेंगे पता है जो भी तुम्हारा लॉस है ना इस लॉस को हम बना देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द बोनस सिक्योरिटी या यूनिट लेफ्ट आउट मींस जितनी आपकी बोनस सिक्योरिटी या बोनस यूनिट लेफ्ट आउट है ना उसकी हम क्या बना देंगे कॉस्ट बना देंगे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है बड़ा दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट को इन्होंने बनाया है देखिए जैसे इस एग्जाम्पल की मैं बात करूं मैंने क्या किया नायका के शेयर खरीदे थे पांच लाख में पांच लाख में मैंने नायका के शेयर खरीदे थे उसके बाद 700 मुझे क्या हुआ यहां पे 700 मुझे बोनस शेयर मिल गए मैं ओरिजिनल शेयर मान लो नाइन मंथ के अंदर अंदर ट्रांसफर करता हूं और मैं बोनस शेयर को हेल्ड करता हूं तो अगर मैंने ओरिजिनल शेयर ट्रांसफर किया उस पर लॉस आ जाएगा और ये मान लो लॉस आया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया तो इस लॉस को मैं बेटा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता ना तो मैं इसको सेट ऑफ कर सकता ना मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता बट ये लॉस का क्या होगा पता है जो भी मेरे पास 700 बोनस शेयर बचे हैं 700 बोनस शेयर की इसको क्या बना देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनाएंगे तो इन फ्यूचर में जब भी मैं सात बोनस शेयर बेचूंगा तो उसकी कॉस्ट क्या लेंगे दो लाख उसकी कॉस्ट क्या लेंगे दो लाख है दो लाख जो है वो उसकी क्या लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यू अंडरस्टूड my पॉइंट और नॉट Yes सर वी हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट सो concept क्या है बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कंडीशन कितनी है चार चार कंडीशन होगी तो ही बोनस स्ट्रिपिंग लगेगा क्या क्या कंडीशन पहली कंडीशन पहली कंडीशन कि रिकॉर्ड डेट से आप क्या करते हैं तीन महीने के पहले के अंदर अंदर बिफोर थ्री मंथ फ्रॉम द डेट डेट ऑफ रिकॉर्ड इस मंथ के अंदर अंदर आप ओरिजिनल सिक्योरिटी या यूनिट है उसको एक्वायर करते हैं दिस इज द कंडीशन कंडीशन नंबर नंबर क्या है रिकॉर्ड डेट पे आपको बोनस सिक्योरिटी या यूनिट मिलती है एंड तीसरी कंडीशन यह है कि नाइन मंथ के, के अंदर, अंदर अंदर आप क्या करते हैं ओरिजिनल सिक्योरिटी या यूनिट को ट्रांसफर करते हैं ऑरिजिनल सिक्योरिटी या यूनिट को ट्रांसफर करते हैं और चौथी कंडीशन क्या है बोनस सिक्योरिटी या यूनिट को आप क्या करते हैं होल्ड करते हैं बोनस सिक्योरिटी या यूनिट को आप क्या करते हैं होल्ड करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो ओरिजिनल को ट्रांसफर करने पे अगर कोई लॉस हुआ इस लॉस को हम इग्नोर करेंगे मीन ना तो इसको सेट ऑफ करने देंगे ना कैरी फॉरवर्ड करने देंगे बट जो भी आपका लॉस होगा इसको हम क्या करेंगे जितनी बोनस यूनिट या सिक्योरिटी लेफ्ट आउट है उसकी हम क्या बना दे कॉस्ट ऑफ एक्शन दे बना देंगे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है देखो जब भी बोनस यूनिट मिलती है बोनस सिक्योरिटी मिलती है तो अल्टीमेटली लॉस क्यों आ रहा है लॉस तो हुआ ही नहीं है लॉस तो हुआ ही नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली तो तो देंगे हम कोई बात नहीं जो तुम्हारे बोनस शेयर है उसकी क्या बना देंगे इसको कॉस्ट बना देंगे यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस बट दिस एप्लीकेबल ओनली इफ द फोर कंडीशन आर सेटिस्फाइड फर्स्ट कंडीशन आप रिकॉर्ड डेट से तीन महीने के पहले के अंदर अंदर आप क्या करते हैं यूनिट्स या सिक्योरिटी एक्वायर करते हैं रिकॉर्ड डेट पे आपको बोनस सिक्योरिटी या बोनस यूनिट मिलता है नाइन मंथ के अंदर अंदर आप ओरिजिनल सिक्योरिटी जो है या यूनिट्स है वो बेचते हैं एंड बोनस को होल्ड करते हैं तो ओरिजिनल को बेचने से जो भी लॉस होगा जिस दिन ओरिजिनल बेचा उस दिन कितना बोनस लेफ्ट आउट है जिस दिन ओरिजिनल बेचा उस दिन कितना बोनस लेफ्ट आउट है उसकी आप क्या बना दो कॉस्ट बना दो, वो यहां पर खरीदा, खरीदा, तो यह खरीदा फिर यहां पे बोनस मिला कोई फर्क नहीं पड़ता ये कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा दूसरी चीज अगर आपने ओरिजिनल तो यहां पे खरीदा फिर आपको यहां बोनस मिल गया और यहां पे आपने यहां पे मान लो ओरिजिनल बेचा तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा ये कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब चार कंडीशन सेटिस्फाइड होती है पहली कंडीशन क्या है कि रिकॉर्ड डेट से तीन महीने के पहले के अंदर अंदर आप ओरिजिनल सिक्योरिटी एक्वायर करते हो या यूनिट एक्वायर करते हो रिकॉर्ड डेट पे आपको बोनस यूनिट या बोनस सिक्योरिटी मिलता है उसके नाइन मंथ के अंदर अंदर आप ओरिजिनल सिक्योरिटी और यूनिट को ट्रांसफर करते हो और उस दिन बोनस हेल्ड है उस दिन कुछ ना कुछ बोनस हेल्ड है मीनस आप कुछ ना कुछ ओरिजिनल बेच रहे हो और कुछ ना कुछ बोनस हेल्ड है तो उस पर्टिकुलर केस में ओरिजिनल पे जो लॉस होगा वो क्या करेंगे जितनी बोनस लेफ्ट ओवर है उसकी क्या बना देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देंगे यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस चलिए अब एक काम करते अपन इसके बहुत सारे एक्साम्पल मैंने क्रिएट किए हैं इस बार और वो एग्जाम्पल्स वगैरह है वो एक, एक एक अपन देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा करके ठीक है चलिए तो आ जाइए आपकी बुक में पेज नंबर आई थिंक वन रहेगा तो आपकी बुक में जो पेज नंबर 179 है वहां पे आप आ जा जाइए और 179 जो पेज नंबर है देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है एक टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द टॉपिक नंबर सेवन एंड टॉपिक नंबर सेवन इज रिलेटेड टू द बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन एंड बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन तो देखिए क्या दे रखा है मैंने बहुत सही सही एग्जाम्पल बनाए है तो देखिए बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है वर्ड्स को पकड़ना और धीरे से पढ़ना तो समझ में आ जाएगा सर अगर बोनस अभी मैं आपके जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि सर लो बोनस पहले बेच दिया तो क्या होगा तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा सर मान लो हमने क्या किया पहले ओरिजिनल बेचा फिर उसके बाद बोनस भी मान लो उसी नौ महीने में बेच दिया नौ महीने के बाद बेचा क्या होगा कैसे होगा सब आ जाएगा आपका ये भी डाउट रहेगा कि सर मान लो हमने कुछ ओरिजिनल बेचा और कुछ बोनस बेचा तो क्या होगा सर मान लो हमने दोनों बोनस ओरिजिनल एक ही साथ बेच दिए तो क्या ये कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं लगेगा मैं सब चीजें आपको समझा दूंगा मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए और आपका दिमाग खुला हुआ चाहिए करके ठीक है जिस में, जिस डायरेक्शन में 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 वे मैं ले जाना चाहता हूं आप सिर्फ उस वे में मेरे साथ साथ चलते रहिए बस तो देखिए क्या लिखा हुआ है बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन सेक्शन नाइनटी है और नाइनटी क्या बोलती है देखिए इफ एनी पर्सन बाय करता है और एक्वायर एक्वायर बाय और एनी यूनिट और सिक्योरिटी कोई भी यूनिट या सिक्योरिटी एट एनी टाइम विद इन पीरियड से के आपने क्या किया है? किया है या तो कोई और सिक्योरिटी सिक्योरिटी वर्ड इसी साल से डाला है मैं बताऊं सिक्योरिटी वर्ड इसी साल से डाला है अब अगर आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको आर्टिकल मिल जाएंगे करके ठीक है बोनस स्ट्रिपिंग एप्लीकेबल फ्रॉम एप्लीकेबल एप्लीकेबल बोनस स्ट्रिपिंग बजट 2022 में ये सब चीजें डाली है करके ठीक है तो आप देखेंगे बोनस स्ट्रिपिंग रूल चेंज इन द बजट 2022 ये 2022 में इसके जो रूल्स है वो रूल्स चेंज हो गए करके ठीक है इससे और इससे इंपैक्ट क्या आएगा वही आएगा भाई पहले तो क्या होता था ये सिर्फ यूनिट पे लगता था ठीक है और अब उन्होंने क्या किया उस पर सिक्योरिटी पे लगाना चालू कर दिया उस पर सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी पे भी ये कॉन्सेप्ट है ये लगाना चालू कर दिया अमेंडमेंट इस बजट में क्या लाया बजट में जो लाया द प्रोविजन ऑफ नाउ इज एप्लीकेबल एप्लीकेबल अर्लियर इट ओनली टू म्यूचुअल फंड यूनिट बट इन दिस बजट द गवर्नमेंट हैज मेड एन अमेंडमेंट ऑफ द डेफिनेशन इंक्लूड इवन सिक्योरिटी और यूनिट सो जस्ट टू एडिंग द वर्ड द एंटायर डेफिनेशन है ठीक है अब आगे क्या होगा तो आगे ये सिक्योरिटी पे भी लगेगा यहां पे देखिए इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल दे रखे यहां पे जो आर्टिकल है ईटी e का उस ईटी e में

रिकॉर्ड डेट से नौ महीने के अंदर अंदर वाइल कंटिन्यू टू होल्ड ऑल्ड ऑल और एनी ऑफ द बोनस यूनिट और सिक्योरिटी मीनस वो क्या कर रहा है ओरिजिनल एक या एक से ज्यादा ओरिजिनल बेच रहा है और वो एक या एक से ज्यादा क्या कर रहा है बोनस को होल्ड कर रहा है मीन एटलीस्ट एक ओरिजिनल बेचता है एंड भैया एटलीस्ट एक उसके पास बोनस पड़ा है तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा देन क्या होगा लॉस अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल यूनिट और सिक्योरिटी शैल बी कंप्लीटली इग्नोर उसको अपन इग्नोर करेंगे

ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल यूनिट और सिक्योरिटी लॉस इफ एनी नॉट अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड एंड ऑफ इट बिकम द कॉस्ट ऑफ बोनस यूनिट और सिक्योरिटी सर रिकॉर्ड डेट का मतलब होता क्या है तो रिकॉर्ड डेट मींस डेट फिक्स बाय एनी कंपनी और म्यूचुअल फंड और अ बिजनेस ट्रस्ट और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड फॉर द पर्पज ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ द होल्डर ऑफ सिक्योरिटी और यूनिट आज द केस में बी टू रिसीव एनी डिविडेंट इनकम और एडिशनल सिक्योरिटी और यूनिट विदाउट एनी कंसिडरेशन अभी जैसे वेदांता ने एक रिकॉर्ड डेट डाली है क्या बोला इस दिन जिसके पास सिक्योरिटी रहेगी उसको डिविडेंड मिलेगा दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड डेट या इस दिन जिसके पास में सिक्योरिटी रहेगी उसको बोनस शेयर मिलेंगे दैट इज कॉल्ड योर रिकॉर्ड डेट करके ठीक है चलिए मैंने सेल्फ मेड बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बनाए हैं क्योंकि एग्जामिनर इसको इस बार टेस्ट करेगा क्योंकि यहां पर अमेंडमेंट है और अमेंडमेंट में एग्जामिनर आपको टेस्ट करने वाला है तो देखिए सबसे पहला बड़ा सिंपल सा एक्साम्पल सलोनी एक्वायर 1,000 थाउजेंड शेयर ऑफ द आईटीसी लिमिटेड एट 200 पर शेयर आईटीसी के खरीदे थे शेयर एक हजार सलोनी ने कब खरीदे थे ऑन 16 जुलाई 2022। कंपनी अलॉटेड 700 बोनस शेयर ऑन द रिकॉर्ड डेट दैट इज 16 सितंबर 2022। सलोनी ट्रांसफर 1000 थाउजेंड ऑरिजिनल शेयर ऑन फोर्टीन फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एट वन ट्वेंटी पर शेयर डिस्कस दीटमेंट आपको चलिए एक काम करता हूं मैं यहां पे हर बार एक बना के चलूंगा जिससे क्या होगा ना आपका क्लैरिटी आएगा से तो देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं एक टाइम लाइन बना देता हूं कि इसमें हुआ क्या एग्जैक्टली exactly? तो इसमें हुआ क्या अगर मैं ये टाइम लाइन बनाने जाऊं मैं काम करता हूं यहां पेज एंटर कर देता हूं जिससे क्या होगा ना कि आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा मैं इसके बाद में इस कॉन्सेप्ट से बाद यहां पे एक पेज एंटर कर देता हूं ठीक है तो क्या होगा ना आपके लिए थोड़ा इजी बनेगा चीजों को देखिए इसमें हुआ क्या तो मैं टाइमलाइन बना रहा हूं इस आप टाइमलाइन को ध्यान से देखिएगा सब चीजें आपको समझेगी देखिए आपके जितने डाउट है वो सब यहां सॉल्व होंगे करके ठीक है देखिए इसमें हुआ क्या सलोनी ने एक हजार खरीदे ईटीसी के एट द रेट टू हंड्रेड यह शेयर है वो टू हंड्रेड की रेट से खरीदे अब एक बात समझना डेट को 16 जुलाई 2022 को जुलाई उसके बाद रिकॉर्ड डेट है रिकॉर्ड सिक्सटीन सेप्टेंबर दो हजार बाईस ये आपकी रिकॉर्ड डेट है ठीक है और इस दिन इसको चार सात सौ बोनस शेयर मिल गए बोनस शेयर्स मिल गए उसके बाद में इसने क्या किया यहां पे ऑन द फोर्टीन फेब 2023 को उसने 1000 ओरिजिनल शेयर बेच दिए ओरिजिनल सोल्ड एट द रेट 120 पर शेयर ओरिजिनल है वो 120 पर शेयर से उसने बेच दिए करिए ठीक है अब एक बात समझना चीजा कैसे चल रही है तो पहली चीज तो रिकॉर्ड डेट से आप तीन महीने पहले जाइए तो रिकॉर्ड डेट से तीन महीने पहले का अगर मैं डेट बोलू तो सोलह सेप्टेंबर दो से अगर आप तीन महीने पहले जाते हैं तो अगस्त जुलाई एंड उसके बाद में जून तो मैं बोलू यहां पे 17 जून 2022 से लेके ये तीन महीने का पीरियड रहता है और यहां से अगर आप नाइन मंथ काउंट करते हैं तो नाइन मंथ का टाइम लिमिट होता है सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई और जून तो मैं बोलू यहां 15 जून 2023 आपका नाइन मंथ का टाइम रहता है क्या चार कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है नहीं तो पहली कंडीशन क्या आपने थ्री मंथ के पहले पहले इस थ्री मंथ के पीरियड के अंदर ओरिजिनल एक्वायर किए आंसर इज यस दूसरा रिकॉर्ड डेट पे आपको बोनस सिक्योरिटी मिली आंसर इज यस और नाइन मंथ के अंदर अंदर क्या आप ओरिजिनल बेच रहे है? आंसर इज यस आप ओरिजिनल बेच रहे हो और आपके पास बोनस होल्ड है तो बोनस होल्डर तो बड़ा सिंपल सी चीज है कि यहां पे आपका ये कॉन्सेप्ट लगेगा और क्या होगा 120 सौ बीस मल्टीप्लाय वन थाउजेंड कितना वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस क्या करेंगे दो लाख इसकी कॉस्ट ओरिजिनल की तो यहां पे आपका एटी थाउजेंड का क्या हो जाएगा लॉस आ जाएगा ये लॉस आपको ना तो सेट ऑफ करने को मिलेगा ना कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा बट ये किसकी कॉस्ट बना देंगे हम सात बोनस शेयर की कॉस्ट बना देंगे हम इसको क्या करेंगे 700 जो है वो 700 बोनस शेयर की कॉस्ट बना देंगे तो 700 बोनस शेयर की कॉस्ट आप क्या लेंगे 80,000 लेंगे तो देखिए मैंने यहां पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है तो प्रीवियस ईयर 22-23 में आपका जब कैपिटल गेन काउंट होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप लेंगे एक लाख बीस हजार लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका दो लाख एटी थाउजेंड का आपका लॉस हुआ लॉस ऑफ एटी थाउजेंड कैन नॉट बी सेट एंड कैरी फॉरवर्ड बट इट विल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द सेवन हंड्रेड बोनस शेयर आपके पास जो सेवन हंड्रेड बोनस शेयर है उसकी क्या बन जाएगी कॉस्ट बन जाएगी इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब एक बात बताओ इन फ्यूचर जब आप ये सेवन हंड्रेड बोनस शेयर बेचोगे तो उसकी कॉस्ट क्या लोगे एटी थाउजेंड लोगे क्या लोगे एटी थाउजेंड तो देखिए अगला सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने वही किया है सपोज इन कंटिन्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर वन सलोनी ट्रांसफर द 400 बोनस शेयर ऑन 19 जुलाई 19 अप्रैल टू एंड 300 बोनस शेयर ऑन 15 जुलाई 2023 एट 70 एंड 130 पर शेयर अब एक बात बताओ आप बोनस सिक्योरिटी कब बेचते हो उससे कोई मतलब नहीं है वो कॉस्ट बन गई आपकी अब वो उसको फ्यूचर में आप कब बेचते हो एक साल दो साल तीन साल पांच साल बाद कब बेचते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका डाउट एक और ये आ सकता है कि सर एक बात बताइए ये एटी थाउजेंड के लॉस को आप सेवन हंड्रेड बोनस शेयर की कॉस्ट बना रहे हो अगर इस पर इंडेक्सेशन होगा तो क्या इंडेक्सेशन भी एटी पे होगा ऑब्वियसली यस yes होगा बट यहां पे वन वन लगता है तो इंडेक्सेशन नहीं होता बट अगर मान लो वन वन टू ए नहीं लग रहा है तो इंडेक्सेशन होना है तो क्या इंडेक्सेशन भी 80, पे होगा आंसर इज यस तो देखिए अब आपने क्या किया दो अलग अलग डेट पे बोनस शेयर बेचे पहले चार सौ बेचे फिर तीन सौ बेचे और चार सौ इसी साल बेच लिए तीन सौ अगले साल बेचे तो देखिए अब यहां पर क्या होगा सॉरी दोनों अगले साल बेचे है दोनों ही अगले साल बेचे तो यहां पे 400 बेचे बोनस शेयर यहां पे 300 बेचे ये 70 की रेट से बेचे तो 70 मल्टीप्लाई बाय चार कितना आ जाएगा 28,000 और बेटा यहां 130 थर्टी मल्टीप्लाई बाय तीन आपका आ जाएगा 39,000 कॉस्ट आपकी 80,000 थी वो 700 बोनस शेयर की थी तो बेटा यहाँ पे प्रपोर्शन कॉस्ट ले लीजिए 80,000 700 की है तो 400 की कितनी होगी 45,714 एंड गाइस 80,000 है वो 700 की है तो 300 की कितनी होगी 34,286 तो जो भी आपका ये लॉस हो जाएगा और ये गेन हो जाएगा अब एक बात बताओ बोनस पे जो लॉस गेन आया क्या उसको आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आंसर इज यस उसको आप कर सकते हैं उसको आप कर सकते हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है यार इसको आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जैसे ये आपका लॉस आ गया इस लॉस को इस गेन से सेट ऑफ कर लीजिए इसमें जो कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए देखो फंडा बड़ा सिंपल है कि ओरिजिनल को बेचने पे लॉस आया उसको आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे यहां तो बोनस को बेचने पे लॉस आया तो बोनस को बेचने पे जो लॉस आया उसको आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं फंडा ब्लॉक बड़ा क्लियर है कि अगर ओरिजिनल को बेचने पे कोई भी लॉस आया तो उसको आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे अगर उस दिन बोनस यूनिट और शेयर आपके पास पड़ा है बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है करके ठीक है तो देखिए क्या लिखा हुआ है हियर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड रिमेनिंग कैन बी कैरी फॉरवर्ड करके ठीक है चलिए अब उसका

एक ही दिन हजार ओरिजिनल और चार सौ बोनस अब आप चीजों को समझना जब हजार ओरिजिनल बेचे और चार सौ बोनस बेचे तो इस पे कैपिटल गेन निकालते टाइम आप क्या करोगे एक तो हजार पे निकलेगा और एक आपको चार सौ पे निकलेगा तो हजार जो है वो तो आपका ओरिजिनल और चार सौ है वो आपका बोनस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ जाएगा एक सौ बीस की रेट से ये एक लाख बीस हजार और बेटा बोनस पे कितना आएगा 400 सौ बाय बीस एक सौ बीस तो चार सौ मल्टीप्लाई बाय सो मल्टीप्लाय एक सौ बीस इट ये फोर्टी एट थाउजेंड आया अब एक बात बताइए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में एक लाख बीस हजार वाला जो ओरिजिनल है उसका कॉस्ट तो दो लाख था वो ले लीजिए और इसका कॉस्ट नील तो जो भी आपका लॉस होगा एटी थाउजेंड वाला लॉस होगा और फोर्टी बोनस वाले में गेन आएगा क्या इसको सेट ऑप कर पाएंगे आंसर इज नो इसको सेट ऑप नहीं कर पाएंगे अब एक बात बताइए ये ये जो जो का लॉस हुआ ना ये किसकी कॉस्ट बनेगी पता है जो है लेफ्ट आउट बोनस शेयर आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस दिन आपने ओरिजिनल बेचा उस दिन आपका बोनस कितना लेफ्ट आउट है एक बात बताओ इस दिन ओरिजिनल इस दिन बिका है अब इस दिन आपने बोनस भी कुछ बेच दिया उससे फर्क नहीं पड़ता आपको यह देखना है कि ओरिजिनल बिका उस दिन बोनस कितना बचा है तो ओरिजिनल बेचा उस दिन आपका बोनस बचा है वो कितना 300 बचा है तो ये जो 80,000 का लॉस है ये आपके 300 बोनस शेयर की क्या बन जाएगी कॉस्ट बन जाएगी अब आप बोलोगे सर यहां पे इसको प्रोपोर्शनेट कॉस्ट नहीं देंगे क्या चार बोनस को आंसर इज नो लॉ बड़ा क्लियर है कि व्हेन यू ट्रांसफर द ओरिजिनल ऑन दैट पर्टिकुलर डेट हाउ मच बोनस सिक्योरिटी आर लेफ्ट आउट जिस दिन आप ओरिजिनल बेच रहे हैं जिस दिन आप ओरिजिनल बेच रहे हैं उस दिन आपका बोनस सिक्योरिटी कितना लेफ्ट आउट है आप उस लैंग्वेज को वापस से क्लियर से पढ़िए आपको सब चीजें समझ में आएगी देखिए क्या लिखा हुआ है इस लैंग्वेज को एक बार मैं वापस पढ़ता हूं इस लैंग्वेज को आप मैं एक बार वापस से पढ़ता हूं और देखिए इस लैंग्वेज में क्या बोला है देखिए इफ एनी पर्सन बाय और एक्वायर एनी सिक्योरिटी एट एनी टाइम विद इन द थ्री मंथ प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट कोई दिक्कत नहीं ड बोनस यूनिट और सिक्योरिटी कोई दिक्कत नहीं अब देखना यहां से लैंग्वेज चालू होती है सच पर्सन सेल और ट्रांसफर ऑल और एनी ऑफ द ओरिजिनल यूनिट वो ओरिजिनल यूनिट या सिक्योरिटी बेच रहा है एट एनी टाइम विद इन द पीरियड ऑफ नाइन मंथ फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट वाइल कंटिन्यूइंग टू होल्ड ऑल और एनी ऑफ द बोनस यूनिट और सिक्योरिटी मीन्स एक या एक से ज्यादा बोनस यूनिट होल्ड कर रहा है अपने एग्जाम्पल में वो तीन सौ होल्ड कर रहा था ठीक है अब एक बात समझना लॉस अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ ऑरिजिनल सिक्योरिटी

क्या दे रखा है मैंने यही दे रखा है 1000 ओरिजिनल शेयर ट्रांसफर किए 400 बोनस शेयर ट्रांसफर किए ये लॉस हुआ 80000 का इधर गेन हो रहा है सेट ऑफ नहीं कर सकते लॉस ऑफ 80000 कैन नॉट बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बट इट विल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 300 बोनस शेयर्स वो 300 बोनस शेयर की कॉस्ट बन जाएगा उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 सपोज सलोनी ट्रांसफर द 1000 थाउजेंड ऑरिजिनल सेवन हंड्रेड बोनस शेयर ऑन एट पर शेयर एक बात समझो अगर मान लो इस दिन सब बेच बाच दिया होगा था इस दिन एक ही दिन आपने क्या किया अपना पोर्टफोलियो पूरा खाली कर दिया यहां पे हजार ओरिजिनल भी बेच दिया सात सौ बोनस भी बेच दिया तो क्या यह बोनस स्ट्रिपिंग कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं लगेगा ये लगेगा ही नहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है मंथ फ्रॉम द डेट व्हाइल कंटिन्यूइंग टू होल्ड एनी और एनी वन और मोर ऑफ द बोनस यूनिट और शेयर तो यहां पे तो आप एक साथ में सब बेच रहे हो तो जिस दिन ओरिजिनल बिका उस दिन आपके पास बोनस तो कुछ लेफ्ट आउट है ही नहीं तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा तो यहां पे मैं बताऊं यहां कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा और इस पर्टिकुलर केस में जो भी आपका लॉस गेन होगा वो आप सेट ऑप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो यहां पे आपका लॉस आया ओरिजिनल पे पे बोनस आपका गेन आया इसको आप सेट ऑप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं दिस सेट ऑप इज अलाउड आंसर इज यस बिकॉज हियर बोनस स्ट्रिपिंग कॉन्सेप्ट इट सेल्फ इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल यहां पर बोनस स्ट्रिपिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा चलिए अब आपके मन में एक और ये डाउट आ सकता है क्या डाउट आ सकता है चलिए ये डाउट मैं आपको समझा देता हूं ये डाउट उट क्या आ सकता है बच्चों के मन में तो मैं यहां पे वो डाउट को ले लेता हूं डाउट क्या आ सकता है आपके मन में जैसे मैं यहीं पे बना देता हूं देखिए डाउट क्या आ सकता है हा 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 नहीं यार, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और उस पेज पे ले लेता हूं एक और डाउट आपके मन में जो आ सकता है वो क्या आ सकता है मैं बता दूं आपके मन में एक डाउट यह आ सकता है कि जैसे सर मान लो यह सलोनी वाला एग्जाम्पल है सलोनी ने क्या किया सलोनी ने ओरिजिनल शेयर दो पार्ट में बेचे तो क्या होगा जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां हजार ओरिजिनल शेयर खरीदे थे 200 की रेट से यहां 700 बोनस शेयर मिल गए यहां पे एक तो 10 दिसंबर 2022 को उसने मान लो 400 सौ शेयर बेचे एट द रेट 120 और उसके बाद यहां पे वो भी नाइन मंथ के अंदर अंदर ही पीरियड है उसके अंदर अंदर है मान लो 14 फेब 2023 को उसने रिमेनिंग 600 सौ शेयर बेचे तो क्या होगा और वो बेचे मान लो 150 की रेट से तो मैं बताऊ पहले जो 400 सौ ऑरिजिनल बिके तो इस पे कैपिटल गेन कैसे आया होगा पहले 400 पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फोर्टी एट थाउजेंड चार सौ मल्टीप्लाई का लॉस हो गया ये लॉस आप इग्नोर करोगे इस लॉस को आप इग्नोर करोगे और ये किसकी कॉस्ट बनाओगे सात सौ बोनस यूनिट की बोनस शेयर की तो सात सौ बोनस शेयर का कॉस्ट आपका कितना होगा यहां पर यहां पे आपका 700 बोनस शेयर का जो कॉस्ट है वो आपका आ जाएगा बत्तीस सौ बत्तीस हजार बत्तीस हजार है वो कॉस्ट है आपका 700 बोनस शेयर का अब एक बात समझना थोड़े टाइम के बाद आपने क्या किया वापस 600 ओरिजिनल शेयर और बेचे और जब आपने 600 ओरिजिनल शेयर बेचे तो उसके एक बात बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा 600 सौ मल्टीप्लाई बाय डेढ़ छह सौ मल्टीप्लाई डेढ़ यह आपका 90,000 आ गया और माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका एक लाख बीस हजार आएगा क्योंकि 200 की कॉस्ट थी मल्टीप्लाई बाय 600 तो आपका कितना हुआ एक लाख बीस हजार तो यहां पे तीस हजार का और लॉस आ गया अब एक बात बताइए ये लॉस भी आपको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनल बेच रहे हो उस दिन बोनस पड़ा है बोनस कितना पड़ा है सात तो ये सात शेयर का कॉस्ट अब यहां पे और ये भी एड हो जाएगा तीस तो मैं बताऊं अब आपके 700 शेयर का कॉस्ट कितना आ जाएगा 62,000 है वो 62,000 आपके 700 शेयर का कॉस्ट आ जाएगा 62,000 सात सौ शेयर का कॉस्ट है वो आपका आ जाएगा सिक्सटी टू थाउजेंड यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट यस तो सिंपल सी बात है आपको इतना याद रखना है कि जिस दिन आप ओरिजिनल बेच रहे हो पहली चीज तो नाइन मंथ में ओरिजिनल बेच रहे हो एक या एक से ज्यादा ओरिजिनल बेचते हो उस दिन बोनस पड़ा है अगर बोनस पड़ा है तो ओरिजिनल का लॉस जितना भी होगा वो बोनस की क्या बना दो आप कॉस्ट बना दो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट बोनस स्ट्रिपिंग इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी हाँ शिखा ये बोल रही है एक डाउट इसका शिखा का है, लास्ट में आया करके ठीक है ये बोल रही है कि सर मान लो इस दिन मैंने क्या किया इस दिन अच्छा मैं शिखा का डाउट ले रहा हूं इस दिन इसने क्या किया 14 फेब को 600 ओरिजिनल बेचे और मान लो 300 बोनस बेच दिए तो क्या होगा अगर मान लो इस दिन इसने 600 ओरिजिनल बेचे और 300 बोनस बेचे तो क्या होगा देख बड़ा सिंपल है सबसे पहली चीज अगर मैं इस दिन की बात करूं मैं थोड़ा इसको थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूं करके ठीक है इसको कंप्यूटेशन को कंप्यूटेशन को मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो कंप्यूटेशन को मैं शिफ्ट कर रहा हूं इसको मैं डिलीट कर रहा हूं एक बार के लिए क्योंकि शिखा का डाउट है और शिखा का डाउट मुझे क्लियर करना बड़ा जरूरी है हमारी प्यारी बच्ची है फिर बोलेगी मेरा डाउट ही क्लियर नहीं करते लाइव बैच का क्या ही फायदा ठीक है चलिए तो मैं कर ही देता हूं ठीक है शिखा जितना दिमाग नहीं लगाएगी उससे ज्यादा मैं बता दूंगा तुझे चलिए तो इधर देखिए सबसे पहली चीज यहां पे यह हुआ ये 32,000 कॉस्ट किसका बना 700 बोनस शेयर का अब एक बात बताओ इस दिन आपने क्या किया 600 बेच दिए ओरिजिनल और 300 आपने बेचे बोनस और कौन सी रेट से बेचे 150 की रेट से तो देखिए कैपिटल गेन कैसे आएगा तो कैपिटल गेन एक तो ये 600 सौ पे और तीन बोनस पे तो पहले तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डेढ़ की रेट से तो डेढ़ सौ बाय आपका 600 तो कितना 90,000 और इसका आ जाएगा 45,000 अब एक बात बता मुझे ये जो 32,000 आपकी कॉस्ट थी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे तो 90,000 जो 600 सौ ओरिजिनल था उसका कॉस्ट तो 200 था तो यहां पे तो एक लाख बीस हजार कॉस्ट आ जाएगा लेकिन ये 300 बोनस की कॉस्ट यहां पे तो थी ना 32,000 थी वो कितने की थी 700 की थी तो 32,000 है वो 700 की कॉस्ट थी तो आपके 300 की प्रपोर्शनेट कॉस्ट कितनी आ गई तो मल्टीप्लाई बाय 300 700 इट्स कम्स टू द आपका 13000 एंड 714 ये आपकी कॉस्ट आ गई अब एक बात बता मुझे आप अब एक बात बता यहां पे यहां पे 400 की कॉस्ट आई दैट इज 13714 अब एक बात बता इसके पीछे बाद में कितने बचे 400 बचे हैं तो 400 जो बचे हैं उसकी एक तो कॉस्ट ये आएगी दैट इज हजार माइनस तेरह हजार सात सौ चौदह लेस कर दो तो इसमें से बत्तीस हजार तो तो की बची क्या लॉस आ रहा है तो लॉस कितना आया तीस हजार आया अब ये तीस हजार लॉस आया यहां पे यहां पे तीस हजार का लॉस आया यहाँ पे आपका गेन आया अब इसको सेटअप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास बोनस पड़ा है सेवन वन फोर तो यहां पे आपका इकतीस हजार 286 का गेन आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और ये आपका लॉस आ गया इस लॉस को आप इग्नोर करोगे बट ये लॉस को किसकी कॉस्ट बनाओगे ये लॉस को कॉस्ट बना दोगे ये 400 बोनस शेयर की तो 400 की कॉस्ट 18,286 बचा था प्लस 30,000 ये हो जाएगा तो 48,286 से ये कॉस्ट बनेगा किसकी चार बोनस यूनिट की 400 बोनस यूनिट है वो 400 बोनस यूनिट की जो कॉस्ट है वो आपका थर्टी थाउजेंड रुपीज बन जाएगा करके ठीक है सॉरी 400 बोनस यूनिट की कॉस्ट है वो टोटल हो जाएगी अब फोर्टी एट थाउजेंड टूट बोनस स्ट्रिपिंग के बाद एक जो टॉपिक है डिविडेंड डिविडेंड वाले टॉपिक में एक छोटा सा चेंज है लास्ट ईयर तक आप एक सेक्शन देखते थे वन वन तो वन वन जो सेक्शन थी वो क्या थी इफ यू रिसीव एनी डिविडेंड फ्रॉम द फॉरन कंपनी

इफ इंडियन कंपनी रिसीव द डिविडेंड फ्रॉम फॉरन कंपनी वॉट एवर अमाउंट ऑफ द शेयर होल्डिंग कितना भी शेयर होल्डिंग होल्ड करती है दैट डिविडेंट इज टैक्सेबल एट नॉर्मल टैक्स रेट मीस नॉर्मल टैक्स रेट मीनस जो भी इंडियन कंपनी के लिए ट्वेंटी फाइव परसेंट थर्टी परसेंट की टैक्स रेट है उसी रेट से टैक्सेबल होगी यहां पर बेटा आपका जो है वो फिफ्टीन परसेंट वाला जो कंसेशनल टैक्स रेट था वो हट गया है 15 परसेंट वाला जो कंसेशनल टैक्स रेट था वो कंसेशनल टैक्स रेट हट गया है यहां पे कंसेशनल टैक्स रेट जो 15 परसेंट है दैट इज नॉट एप्लीकेबल यहां पे वो सेक्शन हट गई है नाउ इट इज टैक्सेबल एज पर नॉर्मल टैक्स रेट सो ये छोटा सा एक डिविडेंट वाले टॉपिक में चेंज है जो आप ध्यान रखेंगे उसके बाद आपकी बुक में जहां पे ये दे रखा है कंपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए टैक्स रेट क्या बोलते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट फंड वाले टॉपिक में आ जाइए और इन्वेस्टमेंट फंड वाले टॉपिक में यहां पे जो लिखा हुआ है ना कि अगर इन्वेस्टमेंट फंड इन द लाइक फॉर्म ऑफ द कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म है तो यहां पे टैक्स रेट दे रखा है थर्टी परसेंट इसके पास में लिख लीजिए ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑल्सो दैट इज फॉर द कंपनी अगर वो कंपनी का टर्न ओवर प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन का अपू फोर हंड्रेड करोड़ है तो कंपनी पे ट्वेंटी फाइव परसेंट के रेट से टैक्स लगेगा तो आप लिख लीजिए ट्वेंटी फाइव परसेंट स्लैश थर्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट स्लेश थर्टी परसेंट जो उसकी नॉर्मल टैक्स रेट है कंपनी की चलिए उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपके मैट वाले टॉपिक की तो मैट में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है इन मैट दिस टाइम इज नो अमेंडमेंट कोई भी अमेंडमेंट नहीं है मैट में में लेकिन एक अमेंडमेंट जो है है वो तुम्हारे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है वो एम का रेट क्या रहता है पता है आपको ए का रेट एटीन रहता है एम का रेट है वो एटीन रहता है इसमें एक चीज ध्यान रखना मैंने आपको यह बताया हुआ था कि अगर कोई आईएफएससी में लोकेटेड एसएससी है और उसका जो इनकम है वो पूरा कन्वर्टेबल करेंसी में होता है तो उस पर एम का रेट 18.5 परसेंट की जगह आपका नाइन परसेंट हो जाएगा लेकिन बेटा इस साल एक अमेंडमेंट यह हुआ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एएमटी का रेट है वो 15 परसेंट रहेगा इंस्टेड ऑफ द 18.5 परसेंट बिकॉज नाउ दे आर ट्रीटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइक

उसके बाद में आपका वाले में कोई नहीं है। अगर मैं डिडक्शन वाले टॉपिक तो में आपका यह है कि आपका जो ए टी सेक्शन है एटीसीसी डी दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम या जिसको आप न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम के केस में आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम के केस में आपको बताया जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसका डिडक्शन एम्प्लॉय लेता है अंडर सेक्शन सीसीडी टू बट सीसीडी टू में कितना डिडक्शन मिलेगा तो मैं बताऊं सीसीडी टू बोलती है कि जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है और टेन परसेंट और फोर्टीन परसेंट ऑफ सैलरी लेकिन बेटा ये फोर्टीन परसेंट जो है ना ये फोर्टीन परसेंट किसके केस में पहले लगता था ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फ्रॉम दिस ईयर इट इज एप्लीकेबल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑल्सो सो इन केस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है करके, ठीक है अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में यहां पे आपका 14% परसेंट हो जाएगा टिलयर इट वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय परसेंट नाउ इट इज एप्लीकेबल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑल्सो तो यह छोटा सा एक अमेंडमेंट है जो आपसीक्शन टू में आपका जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें एम्प्लॉय को कितना डिडक्शन मिलता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और टेन परसेंट और फोर्टीन परसेंट ऑफ सैलरी एंड फोर्टीन परसेंट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय करके ठीक है चलिए उसके बाद एक छोटा सा अमेंडमेंट यह भी है एटीडीडी वाला बट नॉट मोर रिलेवेंट आप इसको स्किप कर सकते हैं उसके बाद में एक जो आपका अमेंडमेंट है दैट इज इन द सेक्शन आपका जो इनकम बेस्ड डिडक्शन है इनकम बेस्ड डिडक्शन में ए एल ए करके जो सेक्शन है एटीएलए क्या होता है क्या या तो आपका ऑप्सोर बैंकिंग यूनिट है करके ठीक है और ऑप्सोर बैंकिंग यूनिट कहां पे है एस में या कोई भी आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट है तो उनको कुछ डिडक्शन मिलता है और वो डिडक्शन कितना मिलता है वो मैंने यहां पे दे रखा है कि जो भी आपका हंड्रेड परसेंट इफ अगर शेड्यूल बैंक है शेड्यूल बैंक का या फॉरेन बैंक का अगर कोई भी ऑप्सोर बैंकिंग यूनिट है एससी जेड में तो उसमें हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलता है फर्स्ट फाइव असेसमेंट ईयर के लिए और उसके बाद फिफ्टी परसेंट डिडक्शन नेक्स्ट फाइव असेसमेंट ईयर के लिए लेकिन आई एफ एस सी में लोकेटेड कोई भी यूनिट है तो वो क्या कर सकती है टेन कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए हंड्रेड परसेंट डिडक्शन ले सकती है इन द आउट ऑफ द फिफ्टीन ईयर तो जो 15 इयर्स में से आप कोई भी 10 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर के लिए 100 परसेंट डिडक्शन ले सकते हैं उसमें जो था ना एक कि उनको जो इनकम होती है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द एयरक्राफ्ट अगर किसी को एयरक्राफ्ट भाड़े पे दिया है और उससे जो इनकम हो रही है एज वेल एज द शिप ये शिप वर्ड इसी साल इन्होंने यहां पे ऐड किया है तो आप शिप वर्ड को यहां पे ऐड कर सकते हैं दैट इज वन माइनर अमेंडमेंट हियर उसके बाद में एक वन वन uh, क्या बोलते हैं ए टी आई ए करके सेक्शन स्टार्टअप वाली और स्टार्टअप को डिडक्शन मिलता है तो स्टार्टअप स्टार्टअप कब माना जाएगा अगर कंपनी और एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड हुई है बिटवीन लेकिन ईयर तक से डेट थर्टी फर्स्ट मार्च डेट थाउजेंड मार्च 2022 हुआ करता था नाउ इट इज अमेंडेड एंड नाउ इट इज चेंज टू द फर्स्ट मार्च 2023 अब ये डेट आपकी थर्टी फर्स्ट मार्च 2023 हो गई है पहले ये थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हुआ करता था नाउ इट इज अ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री है वो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री डेट हो गई है करके ठीक है सो दिस इज वन अमेंडमेंट एक और चीज समझना आपके एग्जाम के लिए एक पता है एक लास्ट ईयर आप फिफ्टी फोर जीबी सेक्शन देखते थे इन द लाइक कैपिटल गेन टॉपिक नाउ फिफ्टी फोर जीबी इज नॉट एप्लीकेबल फिफ्टी फोर जीबी इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज फिफ्टी फोर जीबी का सनसेट क्लॉज आ चुका है अर्लियर इट वॉज एप्लीकेबल टिल थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो अभी तो प्रीवियस ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका वो वाला सेक्शन जो है दैट सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन तो ये आपके डिडक्शन में अमेंडमेंट थे इसके अलावा डिडक्शन में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है करके ठीक है इसके अलावा आपके डिडक्शन टॉपिक में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है डिडक्शन के बाद अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक की तो अगला टॉपिक दैट इज द रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसीजर यस देर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस इन रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसीजर तो रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसीजर में पहली चीज तो ये ये तो आई थिंक लास्ट ईयर आपने आर किया होगा तो उसमें ये आपने चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर लिए होंगे क्या आपको रिटर्न कब फाइल करना पड़ता है अगर आपने आपका जो है करंट अकाउंट में वन और मोर करंट अकाउंट इन अ ईयर मोर देन वन करोड़ से ज्यादा डिपोजिट हुआ है इन सेविंग अकाउंट्स आपका 50 लाख या उससे ज्यादा डिपॉजिट हुआ है या फॉरेन ट्रेवल पे आपने

अब अगर मैं इसमें आगे बढ़ू तो इसमें अमेंडमेंट में और क्या अमेंडमेंट है एक अमेंडमेंट तो यह है बेटा एक अमेंडमेंट तो यह है आधार एंड क्या बोलते हैं आधार एंड उसको लिंकेज वाला आधार एंड पैन का लिंकेज वाला तो आधार एंड पैन को लिंक कौन सी डेट तक करना था 31 मार्च 2022 वाज लास्ट डेट बट अगर आप 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद में आप लिंक करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट पे करना सॉरी इंटरेस्ट नहीं फीस पे करना पड़ेगा लेकिन सर फीस कितना रहेगा तो इसमें फीस कितना है कि अगर आपने फर्स्ट अप्रैल 2022 से लेके और 30 जून 2022 तक लिंक करा दिया तो आपको 500 का फीस लगेगा एंड अगर आपने फर्स्ट जुलाई 2022 या उसके बाद में लिंक कराया तो उस पर्टिकुलर केस में आपको वन थाउजेंड का फीस लगेगा तो एक तो ये फीस है वो कौन सी सेक्शन में लगती है आपको याद रहेगा तो टू थर्टी फोर एच करके सेक्शन थी और टू थर्टी फोर एच में ये फीस लगती है फाइव हंड्रेड और वन थाउजेंड मीन फर्स्ट अप्रेल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से लेके और थर्टी जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक किया तो तो आपको फाइव हंड्रेड का फीस और उसके बाद करवाया तो वन थाउजेंड का फीस एक और चीज समझना अगर आप अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराते हैं टिल थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो कैन आई से दैट फ्रॉम अप्रैल योर पैन कार्ड इज गोइंग टू बी आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा और इनऑपरेटिव हो गया तो कहीं पे भी आप पैन कार्ड दोगे वो बोलेंगे ये तो नकली पैन कार्ड है ये तो इनऑपरेटिव है काम का नहीं है हम नहीं लेंगे तो आपका सीधी सी बात है टीडीएस है वो ट्वेंटी परसेंट की रेट से कटना चालू हो जाएगा एज वेल एज द आपका बैंक का केवाईसी है वो आपका कैंसिल हो जाएगा आपका शेयर डीमेट अकाउंट का केवाईसी कैंसिल हो जाएगा तो बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट आ सकते हैं तो यहां पे सीबीडीटी ने एक क्लेरिफिकेशन दिया कि डोंट वरी आपका पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2022 बट आपको नेगेटिव इंपैक्ट एक साल बाद आएगा मीन नेगेटिव इंपैक्ट के लिए इन्होंने इसको एक साल से पोस्टपोन कर दिया और बोला फर्स्ट अप्रैल 2023 से आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा उससे पहले आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है इफ लिंक आधार विथ पेन

अब एक बात समझना पैन कार्ड के लिए अप्लाई किसको करना पड़ेगा तो पैन कार्ड के लिए का इनकम है एज वेल एज अगर कोई पर्सन ऐसा केस में पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है इसमें एक अमेंडमेंट इस बार और आया और वो अमेंडमेंट यह बोलता है अगर कोई भी पर्सन है और वो पर्सन का पूरे साल में मिला जो अकाउंट है उसका बैंक अकाउंट है कोऑपरेटिव बैंक के साथ में या बैंक के साथ में उसमें पूरे साल का मिला के एग्रीगेट कैश डिपोजिट अगर ट्वेंटी लैख या उससे ज्यादा हो गया या फिर 20 लाख या उससे ज्यादा का कैश विदड्रॉ हुआ या फिर उसको अगर कोई भी करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलना है तो उसको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अब जैसे क्या हो सकता है कि जैसे आपको पता है आजकल बहुत सारे अकाउंट है उसमें बिना पेन के भी खुलते हैं जैसे जनधन योजना के अकाउंट वगैरह जो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं वो बिना पैन के खुल सकते हैं अब भैया उस अकाउंट में अगर आपका कैश डिपोजिट एग्रीगेट पूरे साल का मिला के ट्वेंटी लेख या उससे ज्यादा हुआ या फिर कैश विड्रॉ ट्वेंटी लेके क्या उससे ज्यादा हुआ या फिर आप अगर कोई भी लाइक करंट अकाउंट कैश क्रेडिट अकाउंट खोलना चाहते हैं बैंक को ऑपरेटिव बैंक के साथ तो उसमें आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और कब करना पड़ेगा यह ट्रांजेक्शन करने से एटलीस्ट सेवन डेज पहले यह ट्रांजेक्शन करने से एटलीस्ट सेवन डेज पहले आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है पर्सन इंटेंड टू एंटर इनटू द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैश डिपोजिट एग्रीगेट ट्वेंटी लाख रुपीज और मोर इन दशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट बैंक और बैंक और कैश विदड्रॉ एग्रीगेटिंग ट्वेंटी लाख रुपीज और मोर इन फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट विद बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और ओपनिंग अ करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट विद को ऑपरेटिव बैंक देन एटलीस्ट सेवन डेज बिफोर द डेट ऑन विच ही इंटेंड टू एंटर इन टू दैट ट्रांजेक्शन आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है चलिए उसके बाद में आपका अमेंडमेंट के नाम पे और तो कोई अमेंडमेंट है नहीं हां अब एक और चीज समझना इसमें एक और चीज ये आई कि भैया ये वाले अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो ना तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि पैन कार्ड आप ही का है या नहीं मीन्स यहां पे क्या होगा ना वो आपका पता है वो थम लगा के और ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा अगर ऑथेंटिकेट नहीं किया तो उसमें आपको टेन थाउजेंड का पेनल्टी लग सकता है तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ एक अमेंडमेंट और हुआ और वो अमेंडमेंट क्या बोलता है एवरी पर्सन एंट्रिंग इनटू द प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन पॉइंट का कैश डिपोजिट और ट्वेंटी लेकर उससे ज्यादा का कैश विड्रॉल शेल रिक्वायर टू ऑथेंटिकेट द पेन और आधार कोटेड उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा उसी का पेन है या नहीं And also every person receiving such document should ensure that पेन and आधार is कोटेड on the document is authenticated गाइस यहां पे एक एग्जांपल लिया जैसे सपोज मिस्टर बीबी डिपॉजिटेड कैश विद एच डी एफ सी बैंक एंड बीबी सबमिटेड हिज पेन और आधार देन बीबी रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट दैट पेन और आधार बिलोंग्स टू हिम ओनली एंड इन दिस केस एच डी एफ सी बैंक ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट दैट पेन एंड आधार बिलोंग्स टू द बीबी ओनली बट ये वाला पॉइंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या काउंसलर ऑफिस है उनपे नहीं लगेगा उनको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है करके ठीक है चलिए सो दिस इज वन अमेंडमेंट उसके बाद में अपडेटेड रिटन दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट और मुझे यह लगता है कि यह आपके एग्जाम में आने वाला है और दिस टाइम दिस पॉइंट दिस टॉपिक इज गोइंग टू कवर अप्रॉक्स फाइव टू सिक्स मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन ठीक है तो चलिए अब अपन चलते हैं अपडेटेड रिटर्न पे तो चलिए आ जाइए एक न्यू कॉन्सेप्ट इसी साल से आया बायस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से एंड दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से आया है एंड इसी साल से आया है तो सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज अपडेटेड रिटर्न तो एक सेक्शन डाली गई लॉ में सेक्शन 139 थर्टी नाइन सब सेक्शन एट ए करके और 139 थर्टी नाइन एट ए इज रिलेटेड टू द अपडेटेड रिटर्न अपडेटेड रिटर्न ये कॉन्सेप्ट ऐड किया गया नई सेक्शन ऐड की गई बाय एक्ट 2022 एंड दिस इज़ फ्रॉम ट्वेंटी अप्रैल 2022 टू थाउजेंड अप्रैल 2022 से ये सेक्शन लॉ में डाली गई लॉ में ये सेक्शन डालने के पीछे का रीजन क्या है पीछे का लॉजिक क्या है तो लॉ मेकर्स बोलते हैं निर्मला सीतारमण जी बोलती है कि अगर आपका रिटर्न फाइल करने से रह जाता है तो आप कब तक रिटर्न फाइल कर सकते हो मैंने आपको बताया था सेक्शन वन थर्टी नाइन फोर दैट इज रिलेटेड टू द बी लेटेड रिटर्न लेकिन आपने देखा होगा बीलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए भी अभी टाइम लिमिट बहुत ज्यादा क्रैश कर दिया है टाइम लिमिट है वो बहुत ही कम मिलता है आपको बी लेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए भी जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मान लीजिए आपका प्रीवियस ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू कंप्लीट हुआ तो प्रीवियस ईयर 2122 जो था वो प्रीवियस ईयर 2122 कंप्लीट हो गया सपोज दिस इज द प्रीवियस ईयर 2122 लास्ट ईयर अब एक बात समझिए प्रीवियस ईयर 2122 के लिए दैट असेसमेंट ईयर दैट ईयर इज ट्वेंटी टू एंड आप रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं अगर मैं आपकी ड्यू डेट की बात करूं तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट यहां पे रहती है सेक्शन वन थर्टी की एंड वन थर्टी नाइन वन की ड्यू डेट नॉर्मली और थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू या फिर जिसकी ऑडिट वगैरह होती है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और ट्रांसफर वाल, प्राइजिंग वालों के लिए थर्टी नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू यह आपका वन थर्टी नाइन वन का ड्यूडेट था लेकिन एक बात समझिए अगर आप वन थर्टी नाइन वन में रिटर्न फाइल नहीं कर पाते जो आपकी नॉर्मल ड्यूडेट है वो नॉर्मल ड्यू डेट तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते नहीं कर पाए तो आप बी लेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं लेकिन बेटा एक बात बताइए बीलेटेड रिटर्न फाइल करने का आपका टाइम लिमिट क्या रहता है तो जैसे मैंने बताया था ये असेसमेंट एंड होगा थर्टी मार्च 2023 तो उस डेट से थ्री मंथ पहले उस डेट से थ्री मंथ पहले इट मीन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इस डेट तक आप वन थर्टी नाइन फोर में रिटर्न फाइल कर सकते हैं और अगर आपने इस डेट पे रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसके बाद आप कभी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते अगर इस डेट पे आपने रिटर्न फाइल नहीं किया मींस वन थर्टी नाइन फोर में आपने रिटर्न फाइल नहीं किया थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक तो उसके बाद में फिर आप प्रीवियस ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते बिकॉज वन थर्टी नाइन फोर बी लेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट होता है दैट इज थ्री मंथ बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तो एक बात बताऊं जो आपकी ड्यू डेट थी उस ड्यू डेट के बाद में बी लेटेड रिटर्न फाइल करने का ये जो आपको टाइम लिमिट मिलता है अगर मैं नॉर्मल वन थर्टी नाइन में थर्टी जुलाई वालों के लिए बात करूं तो दे आर हैविंग ओनली फाइव मंथ इन द हैंड अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर फाइव मंथ अगर मैं थर्टी फर्स्ट अक्टूबर वालों की ऑडिट पार्टी कंपनीज की वगैरह बात करूं तो उस केस में दे आर हैविंग ओनली टू मंथ इन द हैंड दैट इज नवंबर एंड दिसंबर एंड अगर मैं ट्रांसफर प्राइसिंग वालों की बात करूं तो दे आर हैविंग ओनली वन मंथ इन द हैंड तो सर अगर इस डेट तक हमने रिटर्न फाइल नहीं किया तो इसके बाद में क्या रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं पहले लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था पहले लॉ में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था तो इस बार निर्मला सीतारमन जी ने लॉ में एक न्यू सेक्शन इंसर्ट की फाइनेंस एक्ट 2022 एंड दैट सेक्शन इज अ 1398 ए करके एंड 1398 ए टॉक अबाउट द अपडेटेड रिटर्न एक कॉन्सेप्ट लाया गया अपडेटेड रिटर्न

आप बोलोगे मजा आ जाएगा उस केस में तो क्योंकि एक बात बताइए आपका असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो गया वो असेसमेंट ईयर कंप्लीट हुआ फॉर एन एग्जाम्पल यहां थर्टी मार्च टू को तो यहाँ थर्टी मार्च 2023 को असेसमेंट ईयर कंप्लीट हुआ तो यहां से आप टू इयर्स ले लीजिए इसका मतलब आप थर्टी मार्च 2025 तक अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन ए देखिए आप अगर प्रीवियस वन ट्वेंटी टू का रिटर्न फाइल करना आपका यहां पर रह गया नहीं फाइल किया आपने रिटर्न भी फाइल नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप 31 मार्च 2023 के बाद यहां आपका असेसमेंट ईयर एंड हो गया इसके टू इयर्स तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं टू इयर्स तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन यहां पे पर यह आता है सर ये तो मजा आ जाएगा कोई भी पर्सन है वो क्यों ही रिटर्न फाइल करेगा सर कोई भी पर्सन है वो क्यों ही रिटर्न फाइल करेगा फिर टाइम पे या यहां तक वो तो आराम से क्योंकि अपने पास 24 मंथ है तो आपको एक बात बताऊं इतना इजी नहीं है लॉ मेकर्स ने बोला कि अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो अपडेटेड रिटर्न आप टू इयर्स में फाइल कर सकते हैं लेकिन अगर मान लो आप यहां पे वन ईयर के अंदर अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं दैट इज वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर मींस आप थर्टी फर्स्ट मार्च 2024 इस डेट तक यहां पे अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं ना तो आपका जो भी टैक्स आएगा मीन्स जो भी तुम्हारा टैक्स आएगा उस टैक्स में आप क्या करेंगे सरचार्ज ऐड करेंगे सरचार्ज के साथ आपका हेल्थ एंड एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी ऐड होगा अब एक बात समझना ये जितना आपका टोटल टैक्स आएगा ना इसका 25 परसेंट है वो 25 परसेंट आपको जो है वो एडिशनल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भरना पड़ेगा स आपको यहां पे एडिशनल इनकम टैक्स भरना पड़ेगा डिपार्टमेंट को और कितना एडिशनल इनकम टैक्स रहेगा 25 परसेंट एडिशनल इनकम टैक्स तो देखिए आपका जो टैक्स आएगा वो टैक्स तो आप भरी पाएंगे टैक्स है सरचार्ज है हेल्थ एंड एजुकेशन इंटरेस्ट है और जो टू एफ का फीस आएगा क्योंकि आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो टू एफ का फीस भी आएगा फाइव थाउजेंड वो तो पे करना ही है लेकिन उसके साथ साथ में जो भी तुम्हारा टैक्स है सरचार्ज है हेल्थ एंड एजुकेशन से इंटरेस्ट है उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट है वो आपको एडिशनल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करेंगे यू हैव टू पे द एडिशनल इनकम टैक्स ऑफ द ट्वेंटी फाइव परसेंट टू द डिपार्टमेंट क्योंकि आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं मींस आपकी ये सब डेट जा चुकी है उसके बाद हम आपको अपडेटेड रिटर्न अलाउ कर रहे हैं लेकिन अपडेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो अपडेटेड रिटर्न में जो भी आप इनकम डिस्क्लोज कर रहे हैं जो भी आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं इनकम जो बता रहे हैं उस पर जो टैक्स आएगा वो तो पे करना ही है उसके साथ साथ में आपको ट्वेंटी एडिशनल इनकम टैक्स पे करना रहेगा लेकिन बेटा अगर मान लो आप जो है वो इस पर्टिकुलर पीरियड में रिटर्न फाइल कर रहे हैं मींस ट्वेल्व मंथ का टाइम जा चुका है ट्वेल्व मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर जा चुका है 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर जा चुका है और आप अगर यहां पे रिटर्न फाइल कर रहे इस पर्टिकुलर पीरियड में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जो भी तुम्हारा टैक्स इंटरेस्ट से सरचार्ज जो भी आएगा उसका आपको 50 परसेंट एडिशनल टैक्स है वो गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा स फिफ्टी परसेंट है वो एडिशनल टैक्स आप गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा तो उस पर्टिकुलर केस में आपको अलाउ किया जाएगा अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि देखिए आप अपडेटेड रिटर्न आप तभी फाइल कर पाएंगे पहली चीज तो जो भी टैक्स आएगा और वो टैक्स पे आपको अगर आप 12 मंथ मीन इयर्स का टाइम है असेसमेंट ईयर के बाद 24 मंथ इट इतना अगर आप 12 मंथ के अंदर अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जो भी एडिशनल टैक्स आएगा उसका ट्वेंटी एडिशनल टैक्स जो भी टैक्स आएगा उसका एडिशनल आपको इनकम टैक्स है वो ट्वेंटी और अगर आप असेसमेंट ईयर के एंड से वन ईयर हो चुका है उसके बाद में अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फिफ्टी परसेंट ऑफ द एडिशनल टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा सरचार्ज तभी आएगा जब आपकी इनकम वो लिमिट से ज्यादा होती है एप्लीकेबल तभी जब आपकी इनकम है जैसे इंडिविजुअल एओपी के केस फिफ्टी परसेंट से 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो ही सरचार्ज लगता है अब एक और चीज समझना आपके दिमाग में एक तो डाउट पक्का आया होगा और डाउट क्या क्या आए होंगे वो मैं बता दूं पहले मैं जो मेरे डाउट है वो बता देता हूं ठीक है जो पहले जो है मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं उसके बाद में आपके जो जो डाउट आ रहे हैं वो डाउट मैं सब रिजोल्व कर दूंगा आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए करके ठीक है सर क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि आप बोल रहे हैं कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टू ईयर में अगर आपने यहां तक रिटर्न फाइल नहीं किया इस टू ईयर में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं लेकिन सर एक बात बताइए अगर हमने यहां पे रिटर्न ऑलरेडी फाइल किया हुआ है तो भी क्या अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं मैं बताऊं अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल किया हुआ है जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने पहले रिटर्न वन थर्टी नाइन वन में फाइल किया हुआ है या पहले रिटर्न आपने वन थर्टी नाइन फोर में फाइल किया हुआ है या फिर आपने रिवाइज रिटर्न किया हुआ है वन थर्टी नाइन फाइव में क्वेश्चन ही आता है क्या आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं आंसर इज यस आप कर सकते हैं आप अपडेटेड रिटर्न कर सकते इसका मतलब इन सिंपल वर्ड एक बात बताइए पहले आपने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया अगर आपने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया सीधा आप 139 थर्टी नाइन में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं अपडेटेड रिटर्न कर सकते हैं आंसर इज यस yes, बिल्कुल कर सकते हैं या फिर पहले आपने रिटर्न फाइल किया है अंडर सेक्शन 139.1 या 139.4 में आप पहले रिटर्न फाइल किए हुए हैं और अब वापस आप एक नया रिटर्न रिटर्न अपडेटेड फाइल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं हैं आंसर इज यस आप कर सकते इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है इन लोगों ने आपको अलाउ किया है कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं भले आपने पहले रिटर्न फाइल किया है अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन या वन जैसे रिवाइज रिटर्न किया हुआ है तो आप क्या करेंगे अपडेट रिटर्न कर सकते आंसर इज यस आप अपडेटेड रिटर्न कर सकते हैं लेकिन एक और चीज समझना एक और चीज समझना सर एक चीज समझना एक और चीज समझना सर अपडेटेड रिटर्न कुछ-कुछ केसेस में आप नहीं कर सकते कौन-कौन से केसेस में नहीं कर सकते पहली चीज तो आप अपडेटेड रिटर्न में कभी भी आप लॉस नहीं बता सकते अपडेटेड रिटर्न में आप लॉस नहीं बता सकते क्या हम लॉस का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्या जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं था और आप भूल गए थे आपको लॉस हुआ था तो क्या लॉसेस का आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते आंसर इज नो लॉसेस का आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते मिस कभी भी आप लॉसेस का अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे दूसरी चीज अब हुआ क्या जैसे मान लो पहले मैंने रिटर्न फाइल किया था अंडर सेक्शन 139 वन और उसमें मैं लॉस बताया था

मिस अपडेटेड रिटर्न लॉस रिटर्न नहीं हो सकता अगर आपने पहले फाइल नहीं किया था करके ठीक है तो सीधा लॉस अपडेटेड रिटर्न में आप नहीं बता सकते दूसरी चीज अगर पहले जो है वो आपने लॉस डिक्लेयर किया था तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं जैसे वन थर्टी नाइन एट ए में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं बट यहां पे आपको मैंडेटरीली इनकम बतानी पड़ेगी जैसे आप फाइव लैख बता रहे हो चलेगा आप ये फाइव लैख कर सकते हो फाइव लैख आप कर सकते हो फाइव लैख आप इनकम बता सकते हो फाइव लैख बता के आप अपडेटेड रिटर्न है वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो बट कभी भी आप लॉस नहीं बता सकते अपडेटेड रिटर्न में अब एक और चीज समझना सर एक बात बताइए आप आप एक बात बताइए जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल हमने पहले एक रिटर्न फाइल किया था जिसमें हमने वन थर्टी वन में रिटर्न फाइल किया था और वहां पे हमारी नेट टैक्सेबल इनकम फॉर एन एग्जाम्पल फिफ्टी लाख थी नेट टैक्सेबल इनकम है वो फॉर एन एग्जाम्पल आपके फिफ्टी लाख रुपए थी अब आपने क्या किया आप 139 थर्टी नाइन में अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और 139 थर्टी नाइन में आप अपनी नेट टैक्सेबल इनकम को डिक्रीज करके और 40 लैक करना चाहते हैं क्या आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं आंसर इज नहीं कर सकते मीन आप कभी भी अपनी जो है आप कभी भी अपनी इनकम को डिक्रीज नहीं कर सकते अपडेटेड रिटर्न में आप कभी भी अपनी जो इनकम है उस इनकम को आप डिक्रीज नहीं कर सकते पहले वन थर्टी नाइन में सपोज फिफ्टी लैख बताया था तो वन थर्टी एट ए में आप फोर्टी लैख नहीं बता सकते लेकिन वन थर्टी नाइन एट ए में फॉर एन एग्जाम्पल आप जो है क्या यहां पे 70 लाख बता सकते आंसर इज यस यहां 70 लाख आप इनकम को कर सकते हैं बट कभी भी कम नहीं कर सकते चलिए एक और चीज समझना सर एक बात बताइए तीसरा पॉइंट जैसे मान लो आपने पहले रिटर्न फाइल किया ही नहीं था आप रिटर्न फाइल करना भूल गए थे रिटर्न आपने फाइल किया ही नहीं था अब आपका बड़ा टीडीएस कटा हुआ था तो आपका बहुत टीडीएस टीसीएस कटा हुआ था तो आपने सोचा यार अपन तो भूल गए थे रिटर्न फाइल करना तो क्या आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं क्या आंसर इज नो आप अपडेटेड रिटर्न में कोई भी रिफंड क्लेम नहीं कर सकते आप जो है वो अपडेटेड रिटर्न में कभी भी आप रिटर्न फाइल है सॉरी रिफंड है वो रिफंड क्लेम नहीं कर सकते अपडेटेड रिटर्न में आपको कभी भी रिफंड नहीं मिलेगा अगर रिफंड का केस है तो आप अपडेटेड रिटर्न है वो आप फाइल नहीं कर सकते इट इज नॉट अलाउड व्हेन यू आर क्लेमिंग द रिफंड आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते इन द अपडेटेड रिटर्न तो जैसा जैसा आप सोच रहे थे आई थिंक आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे जा रहे हैं क्योंकि आप जो इतना गलत गलत सोच रहे थे कि हम तो ये कर लेंगे हम तो वो कर लेंगे वो कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा मिसकुल मिला के अपडेटेड रिटर्न सिर्फ गवर्नमेंट के फायदे के लिए लाया है कि आप गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फायदा देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फायदा देना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में ही आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं अब एक और चीज समझना अगर किसी भी ईयर में मान लो सर्च हो जाता है किसी भी ईयर में आपका सर्च हो जाता है सर्च का मतलब रेड हो गई अब एक बात समझिए सर्च हो गया तो लोग क्या कोशिश करेंगे कि जैसे ही रेड हो जाती है रेड में कुछ चीजें मिली वो फटाफट पिछले साल का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देंगे लॉ मेकर्स बोलते हैं नहीं अगर आपकी सर्च हो गई तो सर्च के केस में आप अब अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते जिस ईयर में सर्च हुई है उस ईयर का एज वेल एज उसके पिछले जितने भी ईयर है जिसके लिए टाइम लिमिट अपडेटेड रिटर्न की है उस ईयर का आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते तो जैसे ही रेड हुई जैसे फॉर एन एक्साम्पल रेड हुई सर्च हुआ करके तो सर्च के केस में व्हाट पीपल विल ट्राई टू डू कि जैसे ही सर्च हुआ रेड हुई वो क्या करेंगे कि इनकम डिक्लेयर कर देंगे लास्ट ईयर की और फिर बता देंगे हमने तो लास्ट ईयर की इनकम थी ये और अपडेटेड रिटर्न में बता देंगे और अपडेटेड रिटर्न में क्या लगेगा भैया ज्यादा से ज्यादा यहां कोई पेनल्टी तो लगेगा नहीं ट्वेंटी एडिशनल टैक्स लगेगा वो पे कर देंगे करके ठीक है तो उस पर्टिकुलर केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आपके केस में कोई सर्च हो गया है तो सर्च के केस में जिस ईयर में सर्च हुआ उस ईयर एंड उसके पिछले सालों का आप कोई भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते या फिर आपके केस में कोई सर्वे हुआ है आपके केस में कोई सर्वे हुआ है सर्वे यू नो दैट सेक्शन 133 ए में मैंने बताया था सर्वे अगर सर्वे हुआ है तो सर्वे के केस में आप कभी भी अपडेटेड रिटर्न उस साल का एंड उसके पिछले का फाइल नहीं कर पाएंगे बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका टीडीएस टीसीएस सर्वे हुआ है टीडीएस टीसीएस सर्वे बहुत ही बहुत ही एक नॉर्मल सर्वे होता है जैसा मैंने बताया था एक टीडीएस टीसीएस की कंप्लाइंट चेक करके जाते हैं तो टीडीएस टीसीएस सर्वे हुआ है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं बट अदरवाइज अगर कोई सर्वे हुआ है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे अब एक चीज समझना जो सर्च हुआ है वो आप पे नहीं हुआ है सर्च किसी और पर्सन पे हुआ है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल सर्च हुआ है वो मेरे किसी रिलेटिव पे हुआ है और वहां से उसके ऑफिसर को वहां पे कुछ ऐसी असेट मिली है कुछ ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट मिली है जो मेरे को बिलोंग करती है मेरे से रिलेटेड है तो उसका असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा वो असेट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मेरे एओ को हैंडओवर करेगा तो उस केस में ये माना जाएगा मेरे पे भी रेड हुई है तो उस पर्टिकुलर केस में मैं भैया इस साल एंड उसके पिछले सालों का अपडेटेड रिटर्न है वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे मैं अपडेटेड रिटर्न है वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाऊंगा तो इन सिंपल वर्ड रेड हो गई अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं होगा सर्वे हो गया आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते किसी और के केस में रेड हुआ था और भैया वहां पे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट असर डॉक्यूमेंट ऐसा मिला है जो आपको बिलोंग करता है आपसे रिलेटेड है और आपके एओ को वो हैंड कर दिया तो उस केस में आप जो है फिर भैया आप भी अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे एक और चीज समझना एक बार अगर आप किसी भी ईयर का वन थर्टी में अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो बाबू उसी ईयर का वापस से आप वन थर्टी में फाइल नहीं कर सकते मीन अगर आप एक साल का फॉर एन एग्जांपल एक पर्टिकुलर ईयर का आपने अपडेटेड रिटर्न 139A में फाइल कर लिया है तो उस पर्टिकुलर ईयर का वापस से आप वन थर्टी नाइन में अपडेटेड रिटर्न है वो फाइल नहीं कर सकते एक और चीज समझना किसी ईयर का ऑलरेडी अगर असेसमेंट चालू हो गया है किसी ईयर का ऑलरेडी अगर असेसमेंट है वो असेसमेंट आपका प्रोसीडिंग चालू हो गया है तो उस पर्टिकुलर ईयर का आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते किसी ईयर का अगर मान लो आपका असेसमेंट चालू हो गया है तो उस पर्टिकुलर ईयर का आप अपडेटेड रिटर्न है वो फाइल नहीं कर पाएंगे यू आर नॉट अलाउड टू फाइल द अपडेटेड रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर जिसका प्रोसेडिंग ऑलरेडी पेंडिंग है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे तो चलिए एक काम करते हैं आप लोग आपकी बुक पे आइए और बुक में हम समझते हैं कहां कहां पे अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं कहां कहां पे नहीं कर सकते कैसे कर सकते हैं क्या है कितना आपको एक, एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा कैसे कैलकुलेशन होगा वो सब चीजें मैं आपको सिखा दूंगा आप मुझे सिर्फ आधा घंटा और दीजिए आधे घंटे में सब चीजें आपकी हो जाएगी तो आ जाइए सब लोग आपकी बुक में दे रखा है ऑन द पेज नंबर आई थिंक टू पे और मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं, एग्जांपल्स के साथ में दे रखा है इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा क्या होगा सब मैं चीजें आपको सिखा दूंगा डोंट वरी जो मैं पढ़ा रहा हूं आगे आने वाले आधे घंटे तक आप सिर्फ मेरे साथ में बने रहिए ढंग से बने रहिए सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी तो देखिए सेक्शन वन थर्टी क्या बोलती है अपडेटेड रिटर्न मैंने यहां पर लिखा है स्टूडेंट मे डू दिस पार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटरेस्ट टॉपिक फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इंटरेस्ट का टॉपिक कैलकुल पहले सीख लीजिए क्योंकि 234 थर्टी फोर एबीसी है वो वापस से यहां रीकैलकुलेट होंगे 234 थर्टी फोर एबीसी है वो वापस यहां पर रीकैलकुलेट होंगे तो देखिए अपडेटेड रिटर्न बोलते किसको है एनी पर्सन में फर्निशन अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम और फॉर द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज अबल जैसे क्लबिंग के केस में क्या होता है जैसे बच्चे की इनकम पापा के हाथ में क्लब होती है तो बच्चे की इनकम अगर पापा के हाथ में क्लब हो रही है तो पापा अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं इन रिलेशन टू द इनकम ऑफ द बच्चा द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर एप्लीकेबल फ्रॉम द फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से प्रोविजन लगेंगे टाइम लिमिट क्या है अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन एट एनी टाइम विद इन द्वेंटी फोर मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर फॉर इंस्टेंस सपोज अपडेटेड रिटर्न फॉर द असमेंट इवेंटी टू ट्वेंटी थ्री लास्ट डेट विल थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड टू ईयर इफ यू कैलकुलेट दट इज दर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउज ट्वेंटी फाइव तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं आगे क्या दे रखा है अपडेटेड रिटर्न सो गाइज अपडेटेड रिटर्न कैन बी सबमिटेड बाई

He can furnish the updated return for that year under section 139(8A) where such return is a return of income. aap return of income hi file kar sakte हैं। wapas aap updated return mein aap return of loss file nahi kar sakte आप return of loss है, वो आप file नहीं कर सकते। आगे क्या दे रखा है? अब एक और चीज समझना। If as a result of submitting updated return under section 139(8A) क्वांटम ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस और अन मैट एम टी क्रेडिट इज टू बी रिड्यूस फॉर एनी सब सिक्वेंट ईयर देन द अपडेटेड रिटर्न शैल बी फर्निश फॉर इच सच सब सिक्वेंट ईयर ऑल्सो इसका मतलब क्या हुआ जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने क्या किया असेसमेंट इ्वेंटी वन ट्वेंटी टू के लिए फॉर एन एक्साम्पल पहले आपने लॉस डिक्लेयर किया था फाइव लैख का अब एक बात समझिए फाइव लैख का आपने लॉस डिक्लेयर किया था उस ईयर के लिए और ये रिटर्न आपने वन थर्टी नाइन वन में पहले फाइल किया था तो लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड अब क्या हुआ इस साल के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन एट ए और आप लॉसेस ना बता के और आप अपनी इनकम बता देते हैं और इनकम कितनी बताते हैं टू लाख रुपए आप टू लाख रुपेज है वो आप अपनी इनकम बताते हैं कितनी बताते हैं टू लाख रुपेज आप अपनी इनकम बताते हैं तो एक बात बताइए जब आप इनकम बताते हैं तो ये लॉसेज लैप्स हो जाएंगे उस साल के अब आपने क्या किया होगा इसको कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल सेट ऑफ किया होगा आपने ये लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल दैट इज असेसमेंट ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में आपने इसको सेट ऑफ किया होगा तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के लिए भी आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तो 22-23 के लिए भी आपको अपडेटेड रिटर्न है वो आपको फाइल करना पड़ेगा तो यहां पे इन्होंने वही बोला है कि अगर अपडेटेड रिटर्न की वजह से किसी ईयर का जो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हुआ था अनिशिएशन कैरी फॉरवर्ड हुआ था मैट एम टी क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हुआ था उसमें अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो सब सिक्वेंट ईयर के लिए भी आपको अपडेटेड रिटर्न है वो फाइल करना पड़ेगा करके ठीक है चलिए उसके बाद व्हेन अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी सबमिटेड कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते कहां कहां पे इफ द फॉलोइंग केसेज अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी सबमिटेड पहला इफ अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ द लॉस अगर लॉस का रिटर्न है अपडेटेड रिटर्न तो आप फाइल नहीं कर सकते दूसरा इफ अपडेटेड रिटर्न हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी अपडेटेड रिटर्न में टैक्स लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन मतलब पहले जो टैक्स लाइबिलिटी थी उसको अपडेटेड रिटर्न या फिर refund. आप रिफंड ले रहे हैं अपडेटेड रिटर्न में या इंक्रीजिंग द रिफंड ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन फोर फाइव ऑफ सच पर्सन फॉर दैट रिलेवेंट असेसमेंट इन्स अपडेटेड रिटर्न में आप कुछ फायदा नहीं ले सकते उसके बाद पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल टू फर्निश द अपडेटेड रिटर्न कुछ लोग ऐसे जो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे कौन कौन से पहला किसी भी पर्सन के केस में इफ सर्च हैज बिन इनिशिएटेड अंडर सेक्शन वन थर्टी टू और बुक्स ऑफ अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट और एनी अट आर रिक्वेजेड अंडर सेक्शन वन थर्टी टू ए इन केस ऑफ सच पर्सन या तो किसी पर रेड हो गई थी या फिर रेड किसी और पर्सन पे हुई थी रेड सॉरी मतलब किसी और अथॉरिटी ने किया था जैसे फेमा ने इलेक्शन कमीशन एंड ऑल एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले उससे रिक्वेस्ट करके और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स अकाउंट हैं अंडर सेक्शन 132 ए तो अगर आपके ऊपर वन में रेड हुई है या रिक्वेजेशन हुआ है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते या फिर सर्वे हैज बिन कंडक्टेड अंडर सेक्शन 133 थर्टी थ्री ए बट अदर देन टीडीएस टीसीएस सर्वे ऑफ दैट सेक्शन इन केस ऑफ सच पर्सन या फिर नोटिस हैज बीन टू द इफेक्ट दैट एनी मनी बुलियन ज्वेलरी और वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स और रिक्वेस्टेड इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन बिलोंग्स टू सच पर्सन आपको एक नोटिस इश्यू हुआ है कि रेड किसी और के केस में हुई थी बट वहां पे कुछ मनी बुलियन ज्वेलरी जो पकड़ा गया वो आपको बिलोंग करता है इट्स बिलोंग्स टू यू करके ठीक है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे या किसी और पर्सन पे रेड हुई थी वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट मिला है दैट्स रिलेट्स टू यू वो आपसे रिलेट करता है और दैट परटेन्स टू यू करके ठीक है वो परटेन्स टू यू इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है आपको बिलोंग करती है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते तो यहां पर एक बात बताऊं मैं आपको ये तीन केसेस में अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे या तो सर्च हुआ था या सर्वे हुआ था टीडीएस टीसीएस को छोड़ के या फिर मान लो कोई भी मनी बुलेट ज्वेलरी एनी अदर वैल्यूबल आर्टिकल एंड थिंग्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट किसी और पर्सन की रेड में मिला था लेकिन आपको एक नोटिस भेजा है और उसमें पता चलता है इट्स बिलोंग्स टू यू इट्स रिलेट्स टू यू इट्स परटेन्स टू यू तो उस पर्टिकुलर केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे कौन से ईयर का जिस ईयर में सर्च हुआ सर्वे हुआ उस ईयर और उसके पिछले सालों का उस ईयर एंड उसके पिछले सालों का आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे ऐसा मैंने इस नोट में बताया तो देखिए क्या लिखा हुआ है द प्रोविजन ऑफ फॉर द प्रोविजन इज फॉर द असेसमेंट इलेवेंट टू द प्रीवियस इन विच सर्च इज इनिशिएटेड जिस इयर में रेड चालू हुई थी उस ईयर में या सर्वे इज कंडक्टेड और रिक्विजिशन इज मेड एंड एनी प्रिस सच असेसमेंट इन उससे पुराने वाले असेसमेंट ईयर उसका भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे फॉर द इंस्टेंस सपोज सर्च इज इनिशिएटेड ऑन द 10 मे 2025। एक बात बताइए टेंथ मई 2025 मतलब आपका प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फाइव हुआ प्रीवियस ईयर है वो 25, 26 हुआ असेसमेंट ईयर कौन सा है 26, 27 तो आप असेसमेंट ईयर 26, 27 एंड उसके पिछले जितने भी ईयर है जैसे असेसमेंट ईयर 25, सॉरी 25, 24, 25, 20, 23, फोर उनके लिए भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते तो देखिए देन अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी सबमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2627 एंड एनी प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर अब एक और चीज समझना इन केसेस में भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते कहां कहां पर तो देखिए ड रिटर्न शैल बी फर्निश बाई एनी पर्सन फॉर द रिल अपडेटेड रिटर्न हैज बिन फर्निश बाई हिम अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन एटे ऑफ फॉर दैट रिलेवेंट असेसमेंट इन्स आपने एक बार ऑलरेडी वन थर्टी नाइन एटे में अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लिया तो उसी ईयर का वापस से आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते या फिर एनी प्रोसीडिंग For assessment or reassessment or recomputation or revision of income is pending or has been completed for the relevant assessment year in his case. या तो उस ईयर का आपका कोई असेसमेंट पेंडिंग है मिस असेसमेंट चालू हो गया जैसे स्क्रूटनी कब चालू होता है का नोटिस आता है 147 है 147 वो मैं आपको पढ़ाना बाकी है वो कब चालू होगा जब आपको 148 का नोटिस आएगा अगर ठीक है तो कुल मिला के आपका असेसमेंट या तो पेंडिंग है या उस साल का असेसमेंट कंप्लीट हो गया है तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते सी पॉइंट क्या बोलता है द एओ हैज इंफॉर्मेशन एओ के पास इंफॉर्मेशन थी और इंफॉर्मेशन उसको कहां से मिली है देखिए इन रेस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट इयर का वो अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता है उस ईयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी एओ के पास अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टू थाउजेंड टू मीन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टू थाउजेंड टू है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन एओ के पास आई या ब्लैक मनी अंडोर इनकम एंड असट एंड इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन ब्लैक मनी एक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन एओ के पास आई प्रोहिबिशन ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एंड एट नाइन एट उस एक्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन आई स्मर एंड प्रॉपर्टी एक्ट नाइनटीन सेवन सिक्स मीन इन सब एक्ट में इन्फॉर्मेशन एओ के पास आती है एंड द सेम हेज बिन कम्युनिकेटेड टू द हिम आपको कम्युनिकेट कर दी आपको कम्युनिकेट कर दी क्शन वन थर्टीटेड रिटर्न काट कर दी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कहां से है या तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ब्लैक मनी एक्ट में स्मगलर एंड ठीक है या फिर आपका बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट और वहां से जो इंफॉर्मेशन आई और कम्युनिकेट कर दी आपको बता दी गई कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है करके ठीक है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि भैया उस ईयर का आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते उसके बाद में अगर फॉरेन कंट्री से कुछ इंफॉर्मेशन मिली अगर कोई फॉरेन कंट्री से इंफॉर्मेशन मिली अंडर सेक्शन 90 90 एंड ए दैट इज डबल टैक्सेशन में हमारे गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो फॉरेन से इंफॉर्मेशन जुटाती है जैसे डबल टैक्सेशन अवॉर्डेंस अग्रीमेंट होते हैं टैक्स ट्रीटी होती है जिसको टैक्स कन्वेंशन बोलते हैं उसमें वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन अगर आपको कम्युनिकेट कर दी तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है

ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी है तो जब इनिशिएट ऑलरेडी हो चुकी है तो भैया आप जो है उस ईयर के लिए जिस ईयर से रिलेटेड आपका प्रोसिक्यूशन है उस ईयर से का आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे एंड ही इज अ पर्सन और बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड नोटिफाइडी सीबीडीटी सीबीडीटी और भी लोगों को नोटिफाई कर सकती है जो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे करके ठीक है आपको इतना पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि सर यार कौन ही करेगा अपडेटेड रिटर्न फाइल करके इतने सारे तो रेस्ट्रिक्शन डाल दिए अब एक बात समझना अपडेटेड रिटर्न अगर आपको फाइल करना है ना तो जो भी आपको टैक्स आएगा वो टैक्स पे करना है उसके साथ में इंटरेस्ट भी भरना है और उस उसपे एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा 25% और 50% वो कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा और उसका प्रूफ आपको साथ में लगाना पड़ेगा उसका प्रूफ है वो प्रूफ आपको साथ में लगाना पड़ेगा तभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है

या फिर पहले आपने रिटर्न फाइल किया था और आप अपडेटेड रिटर्न है वो आप फाइल कर रहे हैं तो क्या होगा तो देखिए सबसे पहले मैं ये सिखाऊंगा कि आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप पहले कर ही नहीं पाए आप सीधा ही अपडेटेड रिटर्न पहली बार फाइल कर रहे हैं तो क्या होगा तो देखिए मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग एडिशनल टैक्स इज गिवन इन सेक्शन वन फोर्टी बी एज फॉल फर्स्ट पार्ट वीअर एस एस सी हैज नॉट फर्निश द रिटर्न अर्ली ईयर मीस पहली बार आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे दट इज फर्स्ट टाइम मीन यू हर नॉट फाइल रिटर्न अर्लीयर पहला रिटर्न फाइल कर रहे और वो सीधा अपडेट रिटर्न है तो क्या होगा वे आर नो रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन वन और फोर हैजीन फर्निश बाई एस एससील बी बिफोर फर्निशिंग द अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन एट ए इज लाइबल टू पे द टैक्स ड्यू

एडिशनल टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड फीस अंडर सेक्शन टू थर्टी फोर एफ चलिए एक काम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं उससे आपके मन में क्लैरिटी है वो क्लैरिटी आएगी चलो पहले मैं आपको कंप्यूटेशन ऑफ एडिशनल टैक्स वाला पार्ट बता देता हूं तो अगले पेज पे मैंने दे देखा ऑन द पेज नंबर टू नाइंटी देखिए कंप्यूटेशन ऑफ एडिशनल टैक्स एडिशनल टैक्स कैसे निकालते हैं तो एडिशनल टैक्स पेबल एट द टाइम ऑफ द फर्दिशिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न कैलकुलेटेड एज फॉलोज अपडेटेड रिटर्न इज फर्निश आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टाइम अवेलेबल अंडर सेक्शन 13945 जो आपका टाइम लिमिट था उसके बाद आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया है करके ठीक है बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द ट्वेल्व मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इन बारह महीने के अंदर अंदर तो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन से एंड इंटरेस्ट एज कंप्यूर्टेड अब आपका जो टैक्स आएगा प्लस सरचार्ज अगर लगता है तो हेल्थ एंड एजुकेशन प्लस इंटरेस्ट उसका 25 आपको एडिशनल पे करना है एंड 12 मंथ के बाद बट विद इन ट्वेंटी वो आपका एडिशनल टैक्स हो जाएगा चलिए एक काम करते हैं सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं अगले पेज पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल नंबर वन देखिए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा क्या होगा वो सब चीजें हम यहां पे सीखेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर वन मिस्टर थर्टी थ्री ईयर्स इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल सो आई एम अ रेजिडेंट इंडिविजुअल ही डज नॉट सबमिट हिस्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असमेंट ईयर ट्वेंटी वन तो असेसमेंट इ्वेंटी वन ट्वेंटी का मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है तो मैं कब तक कर सकता हूं थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तक कर सकता हूं टू ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नॉट इनिशिएटेड एनी प्रोसीडिंग फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू he intend to submit the return of income for the assessment year 21-22 under section 139A. तो so 139A में वो return file करना चाहता है on my birthday that is 10 December 2022. तो so मैंने उस साल का return file नहीं किया था 21-22 का. मैं क्या चाहता हूँ 10 December 2022 को अपना return file करना चाहता हूँ updated return. क्योंकि एक बात बताइए मेरा due date तो जा चुका होगा. Due date कब होता है? 21-22 के लिए due date आपका 31st दिसंबर टू थाउजेंड रहा होगा तो वो वन फोर का तो जा चुका है ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न आप थर्टी मार्च 2024 तक फाइल कर सकते हैं आप फाइल करना चाहते हैं 10 दिसंबर 2022 को तो देखिए क्या दे रखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टोटल इनकम डिक्लेयर कर रहा हूं मैं फोर्टी फाइव लैख फिफ्टीन थाउजेंड मेरा एडवांस टैक्स मैंने पे किया था फर्स्ट जनवरी 2021 को क्योंकि एक बात बताइए असेसमेंट ईयर ईयर इसका मतलब प्रीवियस 2021 2021 रहेगा तो में आई हैव पेड़ एडवांस टैक्स ऑफ़ लाख रुपए उसके बाद मेरा टीडीएस टीसीएस पर 26 AS, कटा थाउजेंड है

चलिए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले ले लीजिए इनकम एज पर द अपडेटेड रिटर्न दैट इज दी फाइव लैकटी थाउजेंड उस पर कैलकुलेटर लीजिए आप साथ में और कैलकुलेटर से आप टैक्स कैलकुलेट करिए तो स्लैब रेट से अगर आप टैक्स निकालते हैं तो अप टू टू फिफ्टी कोई टैक्स नहीं है टू फिफ्टी से फाइव लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव लैक से 10 लाख आपका 1 लाख और 10 लाख से लेके 45 लाख 15,000 15, तक आपका 10 लाख 54,500 तो टोटल टैक्स आपका ये आ गया क्या सरचार्ज लगेगा आंसर इज नो सरचार्ज नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा सरचार्ज बिकॉज आपका यहां पे इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है सरचार्ज नहीं लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा आंसर इज यस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा तो हियर इट्स कम्स टू दैट ट्वेल्व लाख थर्टीन थाउजेंड सिक्स एटी है वो आपका नेट टैक्स आ जाएगा टैक्स एज पर द रिटर्न अब एक बात समझिए जो आपका टीडीएस टीसीएस है उसका क्रेडिट मिलेगा आंसर इज यस तो आपका टीडीएस टीसीएस सेवेंटी थाउजेंड है उसका क्रेडिट ले लीजिए आपने जो एडवांस टैक्स पे किया था और ये एडवांस टैक्स आपने कौन सी डेट को पे किया था आपको पता है मैंने एडवांस टैक्स जनवरी 2021 को पे किया था जनवरी 21 को मैंने एडवांस टैक्स पे किया था कि बिकॉज प्रीवियस ईयर 2021 था तो ये भी क्रेडिट ले लीजिए अब आपके पास टैक्स कितना पे करना आता है एट लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड और सिक्स एटीआर अब एक चीज समझिए टू थर्टी फोर एबीसी के इंटरेस्ट वापस से कैलकुलेट होंगे अब आप यह समझेंगे कि भाई 234 थर्टी एबीसी के इंटरेस्ट है वो यहां पे वापस से कैलकुलेट होंगे अब 234 थर्टी ए क्योंकि वापस से क्या एक बार भी कैलकुलेट नहीं हुए तो पहला रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 234 थर्टी एबीसी के रिटर्न इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होंगे 234 थर्टी ए का इंटरेस्ट लिए लगता है कि अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो ऑब्वियसली लेट फाइल कर रहे हो आपकी ड्यू डेट क्या थी थर्टी फर्थ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थी और आप तो रिटर्न फाइल कर रहे हो टेन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में तो आप ऐसे भी लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो तो जो भी टैक्स पेबल आता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तो टैक्स पेबल आ रहा है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एट लाख फोर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स एटी

ट्वेंटी वहां से लेके मिस फर्स्ट अगस्त 2021 से लेके और अब आप रिटर्न कब फाइल कर रहे हैं 10 दिसंबर 2022 तक तो वहां तक आपको इंटरेस्ट लगेगा 1 पर मंथ मंथ और पार्ट ऑफ द की रेट से दूसरा 234 बी का इंटरेस्ट किस लिए लगता है शॉर्ट पेमेंट और नॉट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स तो एक बात बताइए आपको एडवांस टैक्स कितना भरना चाहिए अपडेटेड रिटर्न के हिसाब से ट्वेल्व थर्टीन सिक्स एटी माइनस सेवेंटी थाउजेंड बट आपने पे कितना किया है थ्री लैख तो मैं बताऊं एट फोर्टी थ्री सिक्स एटी का आपका शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स है तो एट फोर्टी थ्री सिक्स एटी पे आपको ये इंटरेस्ट लगेगा वन परसेंट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ और एक बात बताइए कब से लगता है फर्स्ट अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से फर्स्ट अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लगता है और कब तक लगेगा यह लगेगा जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तब तक और उस दिन जिस दिन आप टैक्स पे कर रहे हो आई अज्यूम दैट यू हैव पेड द टैक्सेस ऑन द टेन दिसंबर 2022 ओनली तो फर्स्ट अप्रैल 2021 से लेके और टिल लेकर दिसंबर 2022 तक आपको यह इंटरेस्ट लगेगा अब एक बात समझिए टू थर्टी फोर सी भी कैलकुलेट होगा टू थर्टी फोर सी का मतलब होता है अब एक बात आपको एडवांस टैक्स करना चाहिए कितना था? तो, मैं तो यहां पे अगर मैं टीडीएस टीसीएस लेस कर देता हूं तो देखिए मेरे पास बैलेंस कितना बचता है मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं तो यहां पे आपका आई थिंक इलेवन लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स एटी बचेगा तो 1143680 इतना आपके पास बचता है इतना एडवांस टैक्स आपको पे करना चाहिए था पहली इंस्टॉलमेंट में आपको 15 परसेंट करना चाहिए तो देखिए पहली इंस्टॉलमेंट में तो आपने किया ही नहीं आपने तो एडवांस टैक्स कब पे किया है थ्री लैख थ्री लैख भी पे किया है वो आपने फर्स्ट जनवरी टू को मींस आपने फोर्थ इंस्टॉलमेंट में पे किया है तो आपने फोर्थ इंस्टॉलमेंट में पे किया है तो एक बात बताइए पहली इंस्टॉलमेंट में आपको 1143680 का 15% की रेट से एडवांस टैक्स पे करना था आपने नहीं किया तो इस इसे थ्री मंथ का इंटरेस्ट ले लीजिए दूसरी इंस्टॉलमेंट में फोर्टी फाइव परसेंट आपने नहीं किया इस पर थ्री मंथ का इंटरेस्ट ले लीजिए तीसरी इंस्टॉलमेंट में सेवेंटी फाइव परसेंट नहीं किया आप थ्री मंथ का इंटरेस्ट लीजिए एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आपको पूरा करना था हंड्रेड परसेंट उसमें से आपने थ्री लैख किया तो जितना भी बैलेंस बचा उस पर आप वन मंथ का इंटरेस्ट ले लीजिए यह आपका इंटरेस्ट आया टू थर्टी फोर सी का ये तुम्हारा इंटरेस्ट आया 234 सी का जो है वो आपका इंटरेस्ट आया करके ठीक है अब एक बात समझना, एक बात बात समझना, समझना, ये 234C का इंटरेस्ट आ गया आपके पास में। अब इसके साथ साथ में आपको लेट फाइलिंग का फीस भी लगेगा और लेट फाइलिंग का फीस टू थर्टी फोर एफ का लगेगा पांच हजार रुपया तो पांच हजार रुपया जो है वो आप फीस फॉर द लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न है वो आप पे करेंगे तो फाइव थाउजेंड रुपीज यह आ जाएगा तो आपका टोटल टैक्स है इंटरेस्ट है फीस है ये ये वाला अमाउंट आ गया। अब आपको एडिशनल टैक्स पड़ेगा 25%। द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर बिकॉज योर असेसमेंट ईयर वॉज ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी वन का आप 31 मार्च 2023 से पहले पहले फाइल कर रहे हैं 31 मार्च 2023 से पहले पहले फाइल कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा यहां पे बेटा आपको जो है वो 25 भरना पड़ेगा। एडिशनल एडिशनल इनकम इनकम टैक्स टैक्स पड़ेगा, बट जुड़ा हुआ है तो फीस फाइव थाउजेंड को हटा दीजिए तो ट्वेल्व लैक एटीन थाउजेंड नाइन नाइन एट आया इसका ट्वेंटी करना पड़ेगा यह एडिशनल टैक्स पे कर दीजिए इतना आप टैक्स पे करके और आप अपडेटेड रिटर्न है वो गवर्नमेंट को फाइल कर सकते हैं इतना जो है वो आप अपडेटेड रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं करके ठीक है अब एक बात बताऊं मैं इंस्टीट्यूट ने ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए इंस्टीट्यूट ने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है अपने स्टडी मैट में और वो क्वेश्चन ये है कि क्या एक डेट दे रखी है एक में है असेसमेंट चल रहा है एक में है कि आप इस डेट को अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता है तो कर सकता है नहीं इस डेट को करना चाहता है तो कर सकता है नहीं इतना सिर्फ इंस्टीट्यूट ने दे रखा है ये मैंने जस्ट आपके लिए बनाया है क्वेश्चन करके जिससे कि आपको थोड़ा चीजें समझ में आए और एग्जैक्टली exactly ये कैलकुलेट कैसे होगा अब एक और बात समझना एक में एडवांस क्वेश्चन और है जो दूसरा क्वेश्चन है ये लिटिल बिट एडवांस है ये आप याद नहीं भी रखोगे एग्जामिनेशन तो चल जाएगा बिकॉज एग्जामिनर जब पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया है तो सीधा ही ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा तो नहीं दे सकता फर्स्ट वाला जो है वो वो आप एक बार याद रख सकते हो हाईएस्ट उतना दे सकता है, क्या है, पता है? फाइल करना चाहते हैं, तो क्या होगा कैसे करेंगे कैसे टैक्स का कैलकुलेशन होगा कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा कैसे आपका सरचार्ज का कैलकुलेशन होगा कैसे एडिशनल इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होगा तो वो मैंने यहां पे बताया हुआ है सेकंड एग्जांपल में चलिए एक काम करते हैं धीरे 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 अपन सेकंड एग्जांपल सीखते हैं और आप समझने की कोशिश करिएगा बिकॉज सेकंड एग्जांपल एडवांस लेवल का है थोड़ा और अगर आप एग्जामिनेशन परसपेक्टिव इसको एक बार आप ऊपर वाले को इतना करके ऊपर वाला भी चले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा चलिए एग्जाम्पल नंबर टू देखिए क्या लिखा हुआ है मिस्टर हरी 47 इयर्स की एज है ही इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल अब फॉर द असेसमेंट ईयर 2122 ही सबमिट द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 1394 ऑन द 20 दिसंबर 2021 तो इसने एक बार 1394 में रिटर्न फाइल कर रहा है 1394 बिकॉज़ असेसमेंट ईयर बाबू 2122 के लिए आप 31 दिसंबर 2021 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं 1394 में तो 20 दिसंबर 2021 को ये फाइल कर रहा है अंडर सेक्शन 1394 में द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परिंग टू द्वेंटी वन ट्वेंटी टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है वो रिटर्निंग जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी इनकम एज पर रिटर्न आप ट्वेंटी बता रहे हैं और आपका एडवांस टैक्स पेड ऑन ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी को आपने एडवांस टैक्स भरा था कितना वन तो पहला रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप बताइए इसमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स कितना भरना पड़ेगा तो देखिए इनकम एज पर रिटर्न आपका ट्वेंटी लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है उस पर आप टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए स्लैब रेट से यह आता है उसके साथ में आप जो है ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखिए आप एक काम करिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो पहले आपको करा रखा है तो वही आप इंटरेस्ट का सिर्फ देख आप ठीक है और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देख के मुझे बता दीजिए यहां तक आपका कोई सही है या नहीं? Three, के के एक बार आपने वन थर्टी नाइन फोर में रिटर्न फाइल कर दिया और अब आपका मूड है फाइल करने का, तो कैसे होगा करके ठीक है तो चलिए एक बार आप यहां तक देखिए मैं आपको एक दो मिनट का टाइम देता मैं पानी पी लेता हूं तब तक आप एग्जाम्पल नंबर टू को एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए मैं भी कैलकुलेटर लेके आता हूं चलिए डन चलिए एक चीज जो आपको पता चली कि टीडीएस टीसीएस नहीं है बट यहां पे TDS, TCS भी आपने लेस किया है तो एक बात समझना टैक्स टीसी थाउजेंड है ये मैंने लेस किया है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लीजिए जहां आपने एडवांस टैक्स लिखा है उसके पास में आप क्वेश्चन में लिख लीजिए यहां पर आप क्वेश्चन में लिख लीजिए टीडीएस टीसीएस तो चलिए पहले आपका टीडीएस टीसीएस डिडक्ट हुआ था 1, 30, तो टी टीडीएस टीसीएस है और ट्वेंटी को आपने एडवांस टैक्स भरा था वो वन लाख बाकी इतना टैक्स आया फिर आपने टू थर्टी फोर एबीसी का कैलकुलेशन किया एफ का फीस जोड़ा आपने normal text, ये आपने नॉर्मल टैक्स ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप भर चुके हो जब आपने रिटर्न फाइल किया था अंडर सेक्शन वन थर्टी करके यस yes. अब एक चीज समझना मैंने आगे दे रखा है वन फोर्टी थ्री वन का इंटीमेशन आया एंड देर इज नो चेंज इन द इनकम सो देर इज नो रिफंड और डिमांड अंडर सेक्शन वन फोर्टी थ्री वन प्रोसेसिंग में कुछ भी चेंज नहीं हुआ अब आगे जाके हो क्या रहा है अब समझना इससे आगे नाउ दिस इज द न्यू पार्ट अपडेटेड रिटर्न वो फाइल करना चाहता है तो देखिए क्या दे रखा है फॉर असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू री वॉन्ट्स टू डिक्लेयर एन एडिशनल इनकम ऑफ थर्टी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड वो एडिशनल इनकम डिक्लेअर करना चाहता है वो चाहता है मैं एडिशनल इनकम डिक्लेअर करूं 35 लाख 50000 व्हिच वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल रिटर्न बाय मिस्टेक ऑफ हिज अकाउंटेंट अकाउंटेंट जो है वो भैया उसने मिस्टेक कर दी और वो इनकम लेना ही भूल गया था और उसके बाद में हरी को लगाया यार पकड़े गए तो मर जाएंगे तो इससे अच्छा है अपडेटेड रिटर्न फाइल करो एक्स्ट्रा टैक्स भर के और छुट्टी पाओ करके किसी ने सोचा होगा ना, ना ऐसा क्यों फाइल करते होंगे क्योंकि देखो उन किसी को डर लगता है डर लगता है कि यार कभी पकड़े गए तो फिर क्या ही मतलब पकड़े जाएंगे बेटर है यार फाइल करो एडिशनल टैक्स भर के और छुट्टे हो जाओ वैसी वाली चीज है तो देखिए विच वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द ओरजिनल रिटर्न बाय द मिस्टेक ऑफ अकाउंटेंट टीडीएस अगेंस्ट दिस इनकम इज टू लैक एटी थाउजेंड एज पर फॉर्म नंबर ट्वेंटी ऑरिजिनल रिटर्न तो एक इनकम थी थर्टी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड की जो आप डिक्लेयर करना रह गया था और भैया उसके सामने एक भी था, जो आपने पहले क्लेम नहीं किया है, तो है एज वेल एज द आप इस इनकम को जोड़ दीजिए और उस पर टैक्स कैलकुलेट करिए तो अब देखिए आपका एडिशनल इनकम टैक्स किस पे पे करना पड़ेगा फोर्टी सॉरी ट्वेंटी और फिफ्टी पहली चीज तो यह कब फाइल कर रहा है तो देखिए he wants to know the tax implication if he submit the updated return on the 10th March 2024 under section 139 8A so 8A में ये file कर रहा है assessment year 2122 का तो एक बात बताइए assessment year 2122 है ये आपका end कब होगा assessment year 2122 end होगा 31st March 2022 और वहाँ से बेटा दो साल का time limit कब आता है 31st March 2024 और यहां पे 24 मंथ इसका मतलब एक साल के बाद में ये फाइल कर रहा है 10 मार्च 2024 को कर रहा है आंसर इज यस सो परसेंट ऑफ एडिशनल टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा एडिशनल टैक्स आपका 50 आएगा जो भी अब टैक्स आएगा उसका तो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आप एक काम करिए इनकम एज पर अपडेटेड रिटर्न अपडेटेड रिटर्न की अब इनकम कैसे लेंगे जो ओरिजिनल रिटर्न में इनकम आपने बताई थी और प्लस कर दीजिए अब आप एडिशनल इनकम कितना बताना चाहते हैं तो ओरिजिनल रिटर्न में आपने ट्वेंटी आप ट्वेंटी बताना चाहते हैं कितना 35, 50, तो आपका टोटल हो गया फिफ्टी फाइव लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड इस पर आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए तो इस पे आप टैक्स कैलकुलेट किए तो टैक्स कैलकुलेट किया तो आपका यहां पे आ गया दैट इज द फोर्टीन लैख एटी फाइव थाउजेंड का टैक्स आया अब सरचार्ज लगेगा आंसर इज यस व्हेनेवर योर इनकम इज मोर देन फिफ्टी लैख आपको सरचार्ज लगेगा कितना परसेंट लगेगा टेन परसेंट लगेगा मोर देन फिफ्टी लैख अप टू वन करोड़ इंडिविजुअल के केस में सरचार्ज इज टेन परसेंट एड करिए सरचार्ज एड करिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो इतना अभी आपका टैक्स आ रहा है अब एक बात समझिए इसमें से आपका टैक्स ऑलरेडी कितना पे हो चुका है तो एक तो आपका टीडीएस टीसीएस है जो 130 थर्टी आपने ओरिजिनल में क्लेम किया था वो वापस क्लेम करेंगे क्योंकि वो इनकम वापस यहां कंसिडर कर रहा हूं ट्वेंटी लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो उस टाइम पे जो आपका टीडीएस टीसीएस था एडवांस टैक्स था वो वापस लेस कर दीजिए तो देखिए एक तो टीडीएस वो पुराना वाला और एक तुम्हारा अभी टू जो नई इनकम मिली है उसके सामने का टीडीएस भी पहले आपने क्लेम नहीं किया था अब आप क्लेम कर रहे हैं तो टोटल तो हो गया फोर लैख टेन थाउजेंड एंड आपका एडवांस टैक्स आपने ट्वेंटी को पे किया था वापस ले लीजिए तो जब आपने पहले रिटर्न फाइल किया था तो पहले रिटर्न फाइल असेसमेंट टैक्स पे कर चुके थे क्योंकि आप देखिए आपने यहां पहले रिटर्न फाइल किया था तो टू लैख सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड का आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किए थे तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किए थे आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो आपने पे किया था तो ये भी आप लेस कर दीजिए अब इसके बाद में आपका बैलेंस कितना बचता है ये बैलेंस कितना बचता है इस पे अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन होंगे अब इंटरेस्ट में देखिए सबसे पहला 234 ए का इंटरेस्ट 234 ए का इंटरेस्ट किस लिए लगता है लेट रिटर्न फाइलिंग पे बट आपने रिटर्न तो फाइल किया था पहले एक बात बताओ पहले आपने रिटर्न तो फाइल किया था ना तो क्वेश्चन ये आता है कि टू थर्टी फोर ए का इंटरेस्ट अब अपडेटेड रिटर्न तक लगेगा ना बाबा ना देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे थे

अमाउंट क्या लेंगे अपन के भैया एक बात बताइए इंटरेस्ट टू थर्टी फोर पे लगता है कि रिटर्न फाइल करते टाइम कितना टैक्स आ रहा है सेल्फ असेसमेंट टैक्स का क्रेडिट नहीं देंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स का क्रेडिट नहीं देंगे एक का केस लॉ बोलता था कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स का क्रेडिट आप तभी देंगे जब वो आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट से पहले पहले पे हुआ है तो यहां पे एक बात बताइए आपका इलेवन लैक एटी एट थाउजेंड और एट फोर्टी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए करिएसेंट पर मंथ की रेट से और मंथ का फिफ्टी नाइन थाउजेंड फोर फोर्टी बट बेटा पहले जब आपने रिटर्न फाइल किया था तो कुछ इंटरेस्ट तो पे किया था आपने भाई एक बात बताइए जब आपने पहले रिटर्न फाइल किया था तो पहले रिटर्न फाइल करते टाइम मैंने टेन थाउजेंड थ्री फोर्टी का इंटरेस्ट पे किया था अरे उसका तो क्रेडिट दो मुझे भाई उतना इंटरेस्ट तो मैं पहले पे कर चुका हूं तो टेन थाउजेंड थ्री फोर्टी का क्रेडिट ले लीजिए एडिशनल फोर्टी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड का, का टैक्स आप अभी भर दीजिए दूसरा टू थर्टी फोर बी का इंटरेस्ट टू बी का इंटरेस्ट किस पे लगता है शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पे एक बात बताइए अब आपका एडवांस टैक्स कुल मिला के मैं आपको बोलूं आपको इलेवन लैक एटी का आपका शॉर्ट पेमेंट है अब इलेवन लैख एटी एट थाउजेंड एट फोर्टी पे इंटरेस्ट लगना चालू होगा लेकिन एक बात बताइए दिसंबर में आपने जब आपने पहले रिटर्न फाइल किया था तो दिसंबर में आपने टू लैख सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड पे किया था

तो अब आप अपडेटेड रिटर्न पे जो टैक्स पे कर रहे हैं वो टेंथ मार्च 2024 तक तो यहां पे आपका 372 132 का इंटरेस्ट आया और एक बात बताइए क्योंकि इलेवन एटी एट एट हंड्रेड पे लगेगा और दिसंबर में आपने कुछ पेमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स के थ्रू किया था तो बैलेंस वाले पे जो है, वो आपका फर्स्ट जनवरी टू से लेके और टेंथ मार्च टू जब जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब तक लगेगा पहले जो आपने इंटरेस्ट पे किया है यहां पे उसका क्रेडिट ले लीजिए तो 234 बी का 18,612 का इंटरेस्ट था तो आप 18,612 का आप क्रेडिट ले लीजिए अब 234 सी भी चेंज होंगे आंसर इज यस 234 सी भी चेंज होगा और 234C में अब अपन वापस कैलकुलेट करेंगे अब हमारे लिए एडवांस टैक्स 1288840 इतना आपको एडवांस टैक्स पे करना था क्योंकि एडवांस टैक्स के ऊपर वाला आपका जो ये अमाउंट आएगा ये तो 11 इसमें एडवांस टैक्स ऐड कर दीजिए तो आपका यहां पे आएगा 1288840 उस पर आप चारों इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर लीजिए और इसमें जो इंटरेस्ट आएगा अब आपने पहले कितना इंटरेस्ट पे किया था वो आप लेस कर दीजिए ये बचेगा इतना आपका इंटरेस्ट अब आएगा आपको फीस जो है फीस तो फाइव थाउजेंड था बट पहले ऑलरेडी पे हो चुका था आप लेस कर दीजिए आपका कुछ भी फीस अब नहीं आएगा तो आपका एडिशनल देखिए एडिशनल है, है, एडिशनल टैक्स है है सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये आपका आ गया इस पे अब आप फिफ्टी परसेंट एडिशनल टैक्स और दे दीजिए इसपे फिफ्टी परसेंट आप एडिशनल टैक्स और दे दीजिए और ये आपका जो रहेगा इतना फिर आपको गवर्नमेंट को अभी पे करना पड़ेगा इतना गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ेगा विदिता एक बात बताइए विदिता एक बात बताइए विदिता बोल रही तो किस पे लेंगे भाई आप टैक्स पे करना आता एट द टाइम ऑफ ऑफ रिटर्न किया था उसके हिसाब से भी मैं आपको इतना आना चाहिए आपने ये का क्रेडिट थोड़ी देते हैं टू थर्टी फोर ए में मैंने बताया था कि टैक्स पेबल एट टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ रिटर्न के तो आए गा करके ठीक है चलिए सो दिस इज द वन क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है बट यस क्वेश्चन है 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 करके ठीक चलिए तो यहां पे, यहां पे पे फिर पार्ट में मैंने समझा रखा है कि भैया आपने पहले रिटर्न फाइल कर दिया है तो आपको एडिशनल इनकम टैक्स कैसे निकालना है तो एडिशनल इनकम टैक्स कैसे निकालना है तो इसमें मैंने बताया है कि आप एक काम करिए पहले रिटर्न फाइल कर रखा है ना तो देखिए क्या लिखा है रिटर्न अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन वन 139, 145 पहले Referred as earlier written, and he before submitting updated return is liable to pay the tax due together with the interest payable under any provision of Act for any default or delay in payment of advance tax, means interest, whatever, along with the payment of additional tax as reduced by the amount of interest paid in the earlier written tax payable.

टू थर्टी फोर बी दे रखा है कि टू थर्टी फोर बी कैसे कैलकुलेट करना है तो टू थर्टी फोर बी कैसे कैलकुलेट करना है बड़ा सिंपल है जैसा मैंने बताया उसमें करके उस एग्जाम्पल सेकंड वाले एग्जाम्पल में टू थर्टी फोर बी कैसे कैलकुलेट होगा क्या देखिए पहले फर्स्ट अप्रैल को अब कितना टैक्स आ रहा है तो उसमें से जितना सेल्फ असेसमेंट टैक्स इन बिटवीन पे कर दिया मिस जो आपके पहले रिटर्न के हिसाब से टैक्स आता था ना वो जो नॉर्मल रिटर्न के हिसाब से अब आपको अपडेटेड रिटर्न के हिसाब से टैक्स लेना है और अपडेटेड रिटर्न के हिसाब से टैक्स लेके और आपको कैलकुलेट करना है ये आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा करके ठीक है अब एक बात समझना ये अदर पॉइंट जो है ये अदर पॉइंट देखिए क्या दे रखे हैं फ नो रिटर्न अर्लियर है नहीं है तो अब टू थर्टी फोर ए तो लगेगा बट कब तक लगेगा जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो तब तक लगेगा बट अगर पहले रिटर्न फाइल किया हुआ है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा पीरियड वो ही लेंगे जितना पहले डीले था बट अगर मान लो पहले रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो, तो फिर पूरा ही आपका डीले है चलिए

तो एक बात बताइए इंटरेस्ट में जो भी आपका टू एबीसी का इंटरेस्ट है वो लेना है और पहले कितना पे किया था वो लेस कर दीजिए बचेगा वो आपका इंटरेस्ट आएगा और बेटा अगर पहले रिटर्न फाइल हुआ ही नहीं था तो ये माना जाएगा पहले आपने कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया था सो दिस इज द कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द अपडेटेड रिटर्न नाउ वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग यू फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज आप सिर्फ अपडेटेड रिटर्न है वो कॉन्सेप्ट को याद रखिए कहां कहां पे अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकता उसको लेके एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम में करके ठीक है एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है और आपसे पूछ सकते हैं सिचुएशन बना के कि क्या इसमें अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते या मैक्सिमम जैसे मैंने आपको एक पहला एग्जाम्पल कराया वो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ वन कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू द अपडेटेड रिटर्न करके ठीक है आफ्टर अपडेटेड रिटर्न गाइज वन फोर्टी सेवन इनकम एस्केपिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट रीओपनिंग ऑफ केसेज और मैं बता दू दिस इज द लाइक इस बार और वापस अमेंडमेंट और लंबे छोड़े अमेंडमेंट तो इसका मैं एकदम बड़े से आराम से अपन करेंगे वन फोर्टी सेवन को तो पहली चीज तो ये स्ट्रिप यहां पे जो क्वेश्चन की डाली हुई है ये ऊपर आनी चाहिए थी यहाँ नहीं आनी चाहिए थी तो इसके बाद इतना कंसेप्ट करने के बाद आप ये क्वेश्चंस कर लीजिए अब अपन चालू करते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट तो पहले हम क्या करेंगे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट वाला पार्ट करेंगे और उसके बाद में मैं आपको फेसलेस असेसमेंट करा दूंगा और फेसलेस असेसमेंट के बाद अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जो आपके असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे घर के ठीक है तो चलिए अपन 147 फोर्टी सेवन स्टार्ट करते हैं हो सकता है अब एक बात समझना आज जो हम असेसमेंट पढ़ने वाले हैं दैट इज द मतलब रू कपाने वाला असेसमेंट और जिसको बोला जाता है असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 फोर्टी सेवन वन का असेसमेंट और ये असेसमेंट है इसको बोला जाता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या फिर यहां पे वर्ड यूज होता है रीअसेसमेंट या फिर ऑफिस में इसको बोलते हैं री ओपनिंग ऑफ केसेस ऑफिस में इसको बोलते हैं रीओपनिंग ऑफ केसेस तो आज हम सीखने वाले हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट और री ओपनिंग ऑफ द केसेस आपने कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड सुने होंगे और ये ये क्या है? ये कैसे होता है तो देखिए बेटा सबसे पहली चीज हमने अभी तक जो दो असेसमेंट पढ़े हैं ना वहां पे मैं वर्ड यूज करता था 143, फोर्टी थ्री थ्री एंड वन में स्क्रूटनी असेसमेंट बेड जजमेंट असेसमेंट मैंने वहां पे रीअसेसमेंट वर्ड यूज नहीं किया था लेकिन इस सेक्शन में पहली बार मैं एक वर्ड यूज करूंगा रीअसेसमेंट भी साथ में और रीओपनिंग ऑफ द केसेस ये क्या होता है तो समझना जैसे मान लो कोई अससी ऐसा है जिसका नाम है मिस्टर बाला और बाला के केस में असेसमेंट ईयर 22 23 के लिए फॉर एन एग्जांपल वन का असेसमेंट एक बार हो चुका है मतलब एक बार स्क्रूटनी हो चुकी है तो एक बार स्क्रूटनी हो गया तो क्या उसी ईयर का वापस 1433 हो सकता है क्या एक बार स्क्रूटनी हो गया तो क्या उसी ईयर का वापस 1433 हो सकता है आंसर इज नो नहीं हो सकता दूसरी चीज क्या सर उस ईयर का 144 हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि इनकम वो उसमें जो था वो स्क्रूटनी असेसमेंट था या फिर बेट जजमेंट असेसमेंट वर्ड यूज होता था वहां पर रीअसेसमेंट वर्ड यूज नहीं होता था लेकिन अगर 1433 हुआ और एओ को कुछ आपकी इनकम एस्केपिंग मिलती है तो क्या एओ 147 कर सकता है बिल्कुल कर सकता है 147 पहले असेसमेंट हुआ है 1433 में तो भी 147 हो सकता है या फिर एक बार 147 हुआ तो क्या वापस 147 हो सकता है बिल्कुल हो सकता है क्यों नहीं हो सकता एक बार 147 हुआ उसके बाद वापस वन हो सकता है आंसर इज यस बिकॉज दे यूज दर्ट रीअसेसमेंट उसके बाद मान लो इनकम स्केपिंग एक बार और मिल गई तो क्या वापस उसी ईयर का 147 हो सकता है बिल्कुल हो सकता है इसको बोला जाता है रीओपनिंग या रीअसेसमेंट देखिए एक बार असेसमेंट हुआ है तो उसके बाद वापस 147 हो सकता है आंसर इज यस दूसरी बार 147 हो सकता है आंसर इज यस तीसरी बार 147 हो सकता है आंसर इज यस हर जगह हर बार कितनी भी बार 147 हो सकता है अब एक बात समझना दूसरा पॉइंट कि अगर मान लो किसी ईयर का 144 हुआ था तो क्या उसी ईयर का वापस 144 हो सकता है आंसर इज नहीं हो सकता उसी ईयर का क्या 1433 हो सकता है <गिंगगात> नहीं हो सकता लेकिन सर उस ईयर का क्या 147 हो सकता है आंसर इज यस बिल्कुल हो सकता है एक बार हो सकता है दूसरी बार भी हो सकता है आंसर इज यस दूसरी बार भी हो सकता है क्यों नहीं हो सकता क्या तीसरी बार भी हो सकता है आंसर इज यस तीसरी बार भी हो सकता है क्या दिक्कत है क्यों नहीं हो सकता तीसरी बार भी हो सकता है तो कितनी भी बार आपका 147 है वो आपका हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है एक बार दो बार तीन बार तो मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं कि इसमें कितनी स्ट्रांग इस पावर है करके ठीक है कितनी स्ट्रांग पावर है जो इस कॉन्सेप्ट कौस, कौस, में अपन सीखने वाले हैं उसके बाद मान लो देर मे भी पॉसिबिलिटी कि आपने एक रिटर्न फाइल किया था और रिटर्न आपने फाइल किया था आपका कोई असेसमेंट नहीं हुआ सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी इनकम एस्केपिंग मिल गई तो सीधा क्या 147 हो सकता है आंसर इज यस yes. पहली बार में ही 147 हो सकता है बिकॉज यहां पे वर्ड इनकम एस्केपिंग असेसमेंट भी तो वर्ड यूज हुआ है है तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता अगर मान लो एक बार 147 हो गया तो वापस क्या 147 हो सकता है आंसर इज यस yes, बिकॉज रीअसेसमेंट भी लिखा हुआ है अब एक बात समझिए हो सकता है किसी बंदे ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया था नो रिटर्न आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया था तो आपने जब रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो एक बात बताइए क्या सीधा हमारा सीधा हमारा 147 हो सकता है बिल्कुल हो सकता है इनकम एस्केपिंग मिल गई तो उसके बाद में एक बात बताइए वापस 147 हो सकता है आंसर इज यस बिल्कुल हो सकता है तो कुल मिला के मैं आपको यह बता रहा हूं कि यहां पर आपका जो है यहां पर बड़ा स्ट्रॉन्ग पावर है डिपार्टमेंट के पास ऐसा नहीं है कि भाई एक बार असेसमेंट हो गया तो फिर वापस नहीं होगा या जैसे होता है ना स्क्रूटनी हो गया तो अब हम बच गए नहीं होगा इनकम एस्केपिंग मिली तो भैया हो जाएगा असेसमेंट Osionfish. एक बात बताइए इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का मतलब क्या होता है एक बात बताइए हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 147 और 147 बार बात करती है इनकम एस्केपिंग एस्केप असेसमेंट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट तो क्वेश्चन यह आता है एस्केप का मतलब क्या होता है एस्केप का मतलब होता है मुझे बताइए एस्केप का मतलब आपने छुपा दी थी या छूट गई थी एस्केप हो गई थी तो कुल मिला के दिस इज रिलेटेड टू द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट मीन कुछ ऐसी इनकम थी जो हो 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 गई 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 थी, थी थी, कोई इनकम ऐसी जो कि और वो हो गई है तो अब डिपार्टमेंट को मिल गई है कोई इनकम ऐसी है जो असेसमेंट होने से एस्केप हो गई थी और असेसमेंट होने से एस्केप हो गई थी और वो इनकम यहां पे मिल गई है तो आपका ये असेसमेंट हो सकता है मतलब कुछ ना कुछ यहां पे फ्रॉड मिला है आपका कुछ ना कुछ यहां पे फ्रॉड मिला है कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट को आपकी इनकम एस्केपिंग की इंफॉर्मेशन मिली है तभी ये सेक्शन में असेसमेंट हो सकता है ऐसे ही नहीं हो सकता मीन्स ऐसे ही नहीं हो सकता इनकम एस्केप एस्केप का मतलब कोई इनकम रह गई थी एस्केप हो गई थी फॉर द असेसमेंट असेसमेंट नहीं हुआ था उस इनकम का तो उसको पकड़ के और अब उसका असेसमेंट इस पर्टिकुलर सेक्शन में करेंगे अब एक बात बताऊं यहां पे हम कितनी सारी सेक्शंस पढ़ने वाले हैं बट आप लॉजिक्स को समझते जाना सिक्वेंसिंग को समझते जाना आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी इसमें देखिए ये जो सेक्शन है ये सेक्शन में हम सेक्शन 147 148 147 जो होगा ना दैट इज द मेन सेक्शन दैट इज रिलेटेड टू असेसमेंट इसमें असेसमेंट होगा मीन्स असेसमेंट का जो ऑर्डर आएगा वो वन में आएगा बट 147 करने से पहले आपको एक नोटिस दिया जाएगा अंडर सेक्शन 148 148 का एक नोटिस आएगा और वो नोटिस में आपको बोला जाएगा क्या क्यों आपको रिटर्न फाइल करिए आपसे एक रिटर्न मंगाया जाएगा क्यों मंगा रहे क्या मंगा रहे सब मैं समझा दूंगा आपको नोटिस एक भेजा जाएगा वन का और आपको बोला जाएगा आप रिटर्न फाइल करिए उसके बाद में एक सेक्शन होती है 148 की और वो सेक्शन बोलती है आपको कुछ प्रोसीजर डिपार्टमेंट फॉलो करता है डिपार्टमेंट ये 148 का नोटिस ऐसे ही आप पे नहीं दाग देता अगर उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन मिली है तो वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं इंफॉर्मेशन स्ट्रॉग है या नहीं उसकी कुछ इंक्वायरी करनी है तो उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं 148 का 148 ए का ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे और उसके बाद में वो आपको है वो कोई ना कोई ये नोटिस भेजेंगे मतलब 148 का नोटिस भेजने से पहले एक 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है उसके बाद एक सेक्शन पढ़ेंगे 149 फोर्टी के सर इसका टाइम लिमिट क्या है क्या हमारे कितने पिछले साल की ये इनकम पकड़ सकते हैं क्या पांच साल छह साल पुरानी इनकम है तो भी ये पकड़ सकते हैं या नहीं तो वो अपन देखेंगे उसके 149, 149 के बाद एक सेक्शन होगी 150 जिसमें मैं बताऊंगा कुछ कुछ ऐसे केसेस है जहां डिपार्टमेंट को अनलिमिटेड टाइम मिलेगा डिपार्टमेंट अनलिमिटेड टाइम एंजॉय करेगा पंद्रह साल बाद भी नोटिस भेज सकता है कहां भेज सकता है बताएंगे उसको करके ठीक है अब एक बात समझना उसके बाद में एक सेक्शन हम पढ़ेंगे दैट इज द सेक्शन 151 और 151 में पढ़ेंगे कि भैया एक बात बताइए एओ को अप्रूवल लेनी पड़ेगी अपने बॉसेस से क्योंकि देखो छोटा छोटा एओ जो रहता है आईटीओ वगैरह वो तो एसएससी को परेशान कर देगा किसी को भी बोलेगा तेरा मैं इनकम एस्केपिंग में वापस केस खोल रहा हूं तो उसको बोला हुआ है तुझे पहले अप्रूवल लेनी है अपने अब्बू से जाके तो अब्बू से अप्रूवल लेनी पड़ती है किससे लेनी पड़ती है क्या लेनी पड़ती है वो मैं आपको वन वन में पढ़ाऊंगा उसके बाद में मैं एक सेक्शन 152 फिफ्टी टू पढ़ाऊंगा जिसमें यह बताऊंगा कि भैया टैक्स रेट कौन से ईयर का लगेगा अगर आपकी इनकम मिल गई वो पांच साल पहले की है तो उसके लिए टैक्स रेट कौन से ईयर का करंट ईयर का लगेगा या पांच साल पहले का लगेगा वो 152 में पढ़ाऊंगा और 153 में 153 2 में मैं में यह पढ़ाऊंगा भैया असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट क्या है भाई असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट क्या है यहां 149 का जो पॉइंट है ना इसमें दे रखा है टाइम लिमिट आपका नोटिस इशू करने का क्या है मिस 148 का नोटिस कब तक इश्यू कर सकते हैं मिस आपका केस खोल कब तक सकते हैं और भैया ये होगा वन फिफ्टी थ्री टू में आपका केस बंद कब तक करना पड़ेगा करके ठीक है ऑर्डर कब तक पास करना पड़ेगा वन फोर्टी सेवन का तो इतनी सारी सेक्शन है और इसके बीच में कुछ कुछ सेक्शन और आएगी जैसे वन फोर्टी एट ए के बाद वन फोर्टी एट बी आएगी छोटी सी सेक्शन वन फिफ्टी वन के बाद वन फिफ्टी टू में सब सेक्शन वन आएगी सब सेक्शन टू आएगी तो ऐसी हम चीजें हैं तो कुल मिला के यहाँ पे आपका डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ में इस टॉपिक को हम चालू करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहली चीज है वो चालू करते हैं एक सेक्शन 147 करके तो देखिए इसमें एक सेक्शन होती है सेक्शन 147 आपको बुक में कुछ नहीं देखना है मैं आपको बताऊंगा सब चीजें 147 फोर्टी सेवन इज रिलेटेड टू द मेन सेक्शन दैट सेक्शन से इज दैट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की पहली सेक्शन अब एक बात समझना यह सेक्शन यह बोलती है कि भैया अगर कोई असेसिंग ऑफिसर है और असेसिंग ऑफिसर के पास आपसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है आपसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है अब ये इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा मैं आपको बताऊंगा बट मैं अभी कुछ टाइम के लिए बार बार वर्ड यूज करूंगा दैट इज द इंफॉर्मेशन आप उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एओ को ये लगता है कि आपकी कोई इनकम ऐसी है जो एस्केप हो गई है एस्केप हो गई है इनकम एस्केप हो गई है miss उस टैक्स नहीं भरा है एओ के पास कुछ इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लगता है कि आपकी इनकम एस्केप हो गई है तो एओ क्या करेगा पता है एओ सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन की तहकीकात करेगा इस इंफॉर्मेशन की तहकीकात करेगा क्या करेगा तहकीकात करेगा कि ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं उसके लिए वो सबसे पहले एक वन का प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर फॉलो करेगा और प्रोसीजर फॉलो करने के बाद 148 ए का प्रोसीजर है यह आपका स्टेप नंबर वन रहेगा उसके बाद में वो स्टेप नंबर टू में आपको एक 148 का आपको एक नोटिस है वो नोटिस आपको सर्व करवाएगा और आपको बोलेगा कि मेरे पास में इस साल का इंफॉर्मेशन है आप प्लीज उस साल का अपना रिटर्न फाइल करिए आप उस साल का अपना रिटर्न फाइल करिए ये नोटिस भेजेगा 148 का और इस 148 के नोटिस में ये बोलेगा कि मेरे पास में इंफॉर्मेशन है आपकी और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मेरे को पता है कि आपकी इनकम एस्केप हुई है आप उस साल का रिटर्न फाइल करिए करके ठीक है अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं जैसे मान लो एक एओ है एओ को पता चला कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एओ को पता चला कि मेरी एक बैंक में एफ डी है मिस्टर बीबी की मिस्टर बीबी एक बंदा है और मिस्टर बीबी की असेसमेंट ईयर सपोज़ 1920 की मेरी कुछ इनकम थी जो कि एफ डी का इंटरेस्ट है और मैंने मेरे रिटर्न में बताया नहीं था मेरे मेरे मैंने मेरे इंटरेस्ट जो है एफडी का इंटरेस्ट रिटर्न में नहीं बताया था सपोज वो 70 लाख रुपीज है 70 लाख रुपीज का सिर्फ इंटरेस्ट है और ये सेवेंटी लाख रुपीज का जो इंटरेस्ट है ये सेवेंटी लाख रुपीज का इंटरेस्ट है ये मैंने नहीं बताया था तो जब मैंने ये बताया नहीं था डिपार्टमेंट को पता चल गया तो डिपार्टमेंट क्या करेगा सेवेंटी लाख रुपीज का इंटरेस्ट है प्री असेसमेंट ईयर इकाइनटीन ट्वेंटी डिपार्टमेंट एओ के पास ये इंफॉर्मेशन आई अब एओ के पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आएगी मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा कहां से आती है कैसे आएगी आई विल टेल यू डोंट वरी तो एओ के पास में ये इंफॉर्मेशन आई कि बीबी सर की 1920 की एक इनकम एफडी का इंटरेस्ट है जो कि 70 लाख था उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया तो एओ क्या करेगा सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को चेक करेगा वो एक प्रोसीजर फॉलो करेगा वन ए का और वो प्रोसेसर क्या होता है आई विल टेल यू डोंट वरी अबाउट दैट 148 ए का एक प्रोसेसर फॉलो करेगा उसके बाद ही विल सर्व वन नोटिस अंडर सेक्शन 148 148 में मुझे नोटिस सर्व करेगा और बोलेगा कि मेरे पास ये ये इंफॉर्मेशन है इसके बेसिस पे पता चलता है आपकी इनकम एस्केप हुई है आप अपना रिटर्न फाइल करिए आप अपना रिटर्न फाइल करिए अब आप बोलोगे सर हम तो पहले रिटर्न फाइल कर चुके तो भी क्या वापस रिटर्न फाइल करना पड़ता है आंसर इज इस यस इसमें आपको वापस रिटर्न फाइल करना पड़ता है यू हैव टू फाइल द रिटर्न अगेन आपको रिटर्न वापस फाइल करना पड़ता है 148 के रेस्पॉन्स में ये रिटर्न क्यों मंगा रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा तो देखिए अब हुआ क्या जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा था ये सेवनटी लाख रुपीज का मेरा इनकम था जो एओ ने पकड़ा एओ ने सबसे पहले प्रोसीजर फॉलो किया होगा उसके बाद मेरे को नोटिस आ गया 148 फोर्टी एट का आप रिटर्न फाइल करिए मैंने किया होगा फिर वो असेसमेंट कर रहा है अब एक बात समझना असेसमेंट करते करते उसको पता चला कि भैया यहां पे एफ का इंटरेस्ट है वो तो सेवेंटी लैख है ही है बट उसके साथ साथ उसको बीबी सर की कुछ और इनकम भी मिल गई इसी साल की असेसमेंट ईयर 1920 की कुछ और इनकम भी मिल गई और इस साल का मान लो मेरा एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 30 लैक का वो भी मैंने नहीं बताया था बट एओ जब असेसमेंट कर रहा था जब उसने मेरा केस खोल दिया तो उसको पता चला कि यार यहां पे तो और भी कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उन्होंने टैक्स ही नहीं है। तो क्वेश्चन आता है क्या इस थर्टी लैख को भी वो कंसिडर कर सकता है या नहीं मीन मेरा केस जो खोला था वो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे खोला था कि मेरा एफडी का इंटरेस्ट है सेवेंटी लैख जिसपे मैंने टैक्स नहीं भरा ही इज कंसिडरिंग दिस सेवेंटी लाख बट गाइज ही गॉट टू नो सम अदर इनकम ऑल्सो फॉर द सेम ईयर सेम ईयर का अदर इनकम उसको पता चल गया तो क्या वो अदर इनकम को भी कंसिडर कर सकता है या नहीं राइट आंसर इज यस ये अदर इनकम को भी कंसिडर कर सकता है इस अदर इनकम के लिए वापस से उसको कोई भी नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है इसको इस थर्टी को कंसिडर करने के लिए वापस से उसको कोई वन फोर्टी एट ए का प्रोसीजर फॉलो करने की या फिर वन फोर्टी एट का नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है पूर्णिमा देर इज नो नीड टू इशू फॉलो अगेन द अंडर सेक्शन 148 ए या इशू द नोटिस अंडर सेक्शन 148 फोर्टी एट उसकी जरूरत नहीं है अगर भाई एक बार असेसमेंट खुल गया तो उस साल का जो जो उसको इनकम मिलेगा वो उसको एड करता रहेगा बोलेगा आने दे आने दे आने दे आने दे वो एड कर देगा और उसके बाद आपकी टोटल इनकम वो असेस करेगा लेकिन एक चीज समझना मान लो एओ असेसमेंट कर रहा था इस साल का लेकिन उसको पता चला कि बीबी सर की कोई इनकम है जो असेसमेंट ईयर 2021 की एस्केप हुई है और ये एल जो है वो 2021 का है तो उस पर्टिकुलर केस में तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको पता है वापस से बेटा उसके लिए अलग से प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अलग से नोटिस भेजना पड़ेगा क्योंकि वो ईयर अलग है ना वो साल दूसरा था ये साल दूसरा है करके ठीक है तो अगर एक बार आपका इनकम स्केपिंग असेसमेंट खुल जाता है तो उस ईयर का जितना भी इनकम मिलेगा वो आप कंसिडर कर सकते हैं बट किसी और ईयर का अगर आपको कोई भी इनकम मिलता है तो वो आप कंसिडर उस असेसमेंट में नहीं करेंगे फिर उसके लिए आपको वापस से प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस तो चलिए एक काम करते हैं अपन चलते हैं वन पे और देखिए वन क्या बोलती है जितना मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं जैसे जैसे मैं सिक्वेंसिंग बता रहा हूं वैसे ही आप अपने दिमाग में बिठाते जाओगे जब तक मैं कुछ नहीं बोलू आप पढ़ेंगे नहीं करके ठीक है नहीं तो आप बीच में रह जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ था करके, ठीक है? तो है, है देखिए सबसे पहला सेक्शन वन क्या बोलती है इनकम एस्केपिंग रीअसेसमेंट या रीओपनिंग ऑफ केसेस इसको ऑफिस में बोलते हैं

असेसमेंट खोने से एस्केप्ड हो गई थी ठीक है तो एस्केप्ड हो गई थी तो उस पर्टिकुलर केस में वो उस साल की इनकम को असेस रीअसेस कर सकता है आगे क्या देखा पॉइंट नंबर टू फॉर मेकिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 एओ इज बाउंड टू सर्व द नोटिस अंडर सेक्शन 148 देखिए 147 का असेसमेंट करने के लिए 148 का नोटिस देना ही पड़ेगा 148 का नोटिस दिया जाता है और 148 का नोटिस देने से पहले क्शन वन फोर्टी एट कैन बी सर्व ऑनलीफ्टर फॉलोइंग प्रोसीजर गिवन अंडर सेक्शन एट एन फोर्टी एट ए में कुछ प्रोसीजर वो फॉलो करना पड़ेगा एंड नोटिस अंडर सेक्शन एट बी सर्व विदर अंडर सेक्शन एट ए बट देर आर समल केसेस क्या बोल रहा है आपको अभी नहीं समझ रहा रुक जाइए जब वन फोर्टी एट ए पढ़ाऊंगा वन फोर्टी एट पढ़ाऊंगा आपको सब समझ में आ जाएगा अब एक बात समझना तीसरा पॉइंट क्या बोलता है ड्यूरिंग द असेसमेंट अंडर सेक्शन वन फोर्टी सेवन

खुल गया और एओ को दूसरी इनकम मिल जाती है सेम असेसमेंट ईयर की तो भैया उसको कंसिडर कर सकता है देयर इज नो नीड टू इश्यू द फ्रेश नोटिस अंडर सेक्शन 148 और देर इज नो नीड टू लाइक फॉलो द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 148 ए करके देखिए क्या दे रखा है आगे क्या दे रखा है एग्जाम्पल मैंने दिया है हर चीज का मैंने एग्जाम्पल बना के दिया है देखिए एओ हैविंग द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एस्केप्ड इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी ऑफ मिस्टर बाला फोर द असेसमेंट इन 1920. तो 1920 का उसके पास में इनकम एस्केपिंग का पीजीबीपी का इंफॉर्मेशन है एओ फॉलो प्रोसीजर अंडर सेक्शन 148 ए एंड वैलिडली सर्व नोटिस अंडर सेक्शन 148 148 का नोटिस उसने सर्व किया 148 ए का प्रोसीजर फॉलो किया ड्यूरिंग द असेसमेंट एओ फाइंड दैट बाला इज आल्सो हैविंग द कैपिटल गेन फॉर द सेम ईयर व्हिच वाज नॉट असेसड अर्लियर उसके पास कुछ कैपिटल गेन का इनकम भी है जो पहले असेस नहीं हुआ था इन दिस केस एसेस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑल्सो विदोइंग द प्रोसीजर ऑफ सेक्शन वन फोर्टी एट एंडी एट ए सपोज इन अबोव एक्साम्पल एओ फाइंड दैट कैपिटल गेन इज रिलेटेड टू असेसमेंट इन एटीन नाइनटीन मीन किसी और ईयर का है क्योंकि यहां पर असेसमेंट खुला था नाइनटीन ट्वेंटी का और कैपिटल गेन किसी और ईयर का देन ही हैजू फॉलो द प्रोसीजर अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट एंड वन फोर्टी एट ए करके फिर उसको 148 और 148 ए जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा तो चलिए एक बात बताइए आपसे मैं एक बार है ना थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल का थोड़ा आगे का डिस्कशन करना पसंद करूंगा और वो डिस्कशन की मुझे जरूरत पड़ेगी इसके लिए डिस्क यह आपके मन में यह डाउट बार बार उठ रहा होगा कि सर एक बात बताओ ये बोल रहे इंफॉर्मेशन है इनकम एस्केपिंग है, है तो उसको पकड़ सकते हैं और हमको 148 का नोटिस भेज के बोलेंगे कि भैया 148 148 का का नोटिस भेजने से पहले एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है बट 148 का नोटिस भेजने से पहले वो आपको भेज के और बोलेंगे कि आप उस साल का रिटर्न फाइल करिए लेकिन आपके मन में यह डाउट आ रहा होगा कि कब तक हो सकता है सर एक बात बताइए मेरे पापा जी ने एक मान लो असेट बेची थी पहले आज से सात साल हो गए और अभी तक जो है उसका कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक उसका कुछ या नहीं तो मैं इसका लिमिट दे रखा है 148 नोटिस इश्यू करने का टाइम लिमिट और वो दे रखा है सेक्शन 149 में और मैं पहले 149 को थोड़ा सा आपके साथ में डिस्कस करना पसंद करूंगा जिससे आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ट होंगे तो देखिए 148 का नोटिस है वो आप 149.1 वन में टाइम लिमिट दे रखा है और 149.1 वन बोलती है कि नोटिस अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 148 कैन बी इशूड कैन बी इशूड कब तक इश्यू कर सकते हैं पता है नॉर्मल केस में थ्री इयर्स फ्रॉम एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर के एंड से थ्री ईयर्स के अंदर अंदर ही ये नोटिस इश्यू हो सकता है लेकिन अगर आपका इनकम एस्केपिंग जो है वो इनकम एस्केपिंग आपका फिफ्टी लाख रुपेज या उससे ज्यादा है फिफ्टी लाख रुपए और मोर है मीन भाई साहब आप बड़े आदमी हो आपका इनकम एस्केपिंग फिफ्टी लाख रुपए और मोर है तो उस केस में आपका जो टाइम लिमिट रहेगा दैट इज आपका टेन ईयर्स फ्रॉम एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट इयर मिस दस साल तक आपको नोटिस इश्यू हो सकता है उसके बाद नहीं हो सकता उसके बाद नहीं हो सकता तो एक बात बताइए मैं बोल रहा हूं कि नोटिस अंडर सेक्शन 148 कब तक इश्यू हो सकता है तो नोटिस इशू हो सकता है 148 का कब तक पहला थ्री इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इेस्पेक्ट ऑफ द क्वांटम और अमाउंट ऑफ द इनकम कितना भी इनकम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता थ्री इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तो हो ही सकता है लेकिन अगर आपका इनकम एस्केपिंग 50 लाख रुपीज और मोर है तो बेटा 10 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तक आपको नोटिस इश्यू हो सकता है जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप समझने की कोशिश करिए मेरे पापा जी ने यह घर बेचा था मान लो ये जो घर है एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ये जो घर है ये घर बेचा था पापा ने और ये घर बेचा था 19 जुलाई 2000 एंड सपोज 18 और 19 जुलाई 2000 एंड 15 ले लेता हूं 19 जुलाई 2015 और इस पे कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था वो 20 लाख का था 20 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था सर हमको और मान लो इस पे कोई टैक्स नहीं भरा था हमने रिटर्न भरा ही नहीं कुछ बताया ही नहीं इनकम एस्केपिंग कर दी बताया ही नहीं हमको कब तक पकड़ा जा सकता है हमको कब तक नोटिस इश्यू हो सकता है 148 का तो मैं बताऊं सबसे पहले आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है प्रीवियस ईयर आपका 1516 है प्रीवियस ईयर 1516 तो इसके लिए आपका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा असेसमेंट ईयर आपका 1617 होगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन है यह असेसमेंट ईयर यहां पर कंप्लीट होगा अब एक बात समझिए असेसमेंट ईयर के एंड से अगर आपका इनकम स्केपिंग कितना भी है तो थ्री इयर्स तक ही नोटिस इश्यू हो सकता है फिफ्टी लाख रुपए और मोर होता तो पचास लाख सॉरी फिफ्टी लाख रुपए और मोर होता तो टेन ईयर का टाइम मिलता अदरवाइज आपको नोटिस इश्यू हो सकता है थ्री मतलब एक बात बताइए यहां से थ्री ईयर अगर आप काउंट करेंगे तो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी इसके बाद में आपको नोटिस नहीं आ सकता इसके बाद में आपको नोटिस नहीं आ सकता तो मुझे बताइए आज मेरे को क्या डरने की जरूरत है आंसर इज नो देर इज नो नीड टू वरी इनकम एक्केपिंग ट्वेंटी लैक थी मैक्म नोटिस हमको इश्यू हो सकता है कब तक पता है थ्री इन फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट तीन साल जा चुके हैं तो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है लेकिन एक बात समझता ट्वेंटी लैख सपोज माई कैपिटल गेन वॉज सेवेंटी लैख सेवेंटी लैख का कैपिटल गेन था तो यहां पे पर एंजॉय करेगा आपका टेन इयर्स का टाइम लिमिट और टेन इयर्स का टाइम लिमिट है वो एंजॉय करेगा और टेन इयर्स का टाइम लिमिट एंजॉय करेगा इसका मतलब ये असेसमेंट ईयर आपका एंड होगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन और थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन से अगर आप टेन ईयर्स देखेंगे तो इट विल बी थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी सेवन इस डेट तक नोटिस इश्यू हो सकता है मुझे इस डेट तक मुझे जो नोटिस है वो इश्यू हो सकता है मतलब मुझे डरने की जरूरत है आंसर इज यस बिल्कुल डरने की जरूरत है करके तो मैंने क्या बोला कि सर एक बात बताइए ये 147 आप बोल रहे हो बार बार इनकम एस्केपिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट रीओपनिंग ऑफ केसेस ये कब तक हो सकता है सर कब तक डरने की जरूरत है यार हमने कुछ चोरी की थी छुपाई थी इनकम बताई नहीं थी करके रह गई थी इनकम कब तक हमको डरने की जरूरत है तो देखिए बड़ा सिंपल है 148 का नोटिस कब तक इश्यू हो सकता है वो आप याद रखेंगे कब तक 149 फोर्टी नाइन सबसेक्शन वन बोलती है नॉर्मल केस में थ्री इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और अगर आपका इनकम एस्केपिंग जो है अगर आपका इनकम एस्केपिंग है वो 50 लाख रुपए और मोर है तो 10 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर करके चलिए तो मैं वापस चलता हूं सीक्वेंस पे सेक्शन 147 क्या बोलती है एओ के पास इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन का मतलब क्या क्या होगा मैं बताऊंगा इंफॉर्मेशन है तो सबसे पहले एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो कि वन ए में दे रखा है 148A में एक प्रोसीजर दे रखा है वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा तो चलिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं ना 148A को जाके भिड़ते हम सबसे पहले 148 ए को जाके भिड़ ले तो समझ में आ जाएगा कि भाई इंफॉर्मेशन है तो प्रोसीजर क्या फॉलो करना है एओ को क्या करेगा एओ उस इंफॉर्मेशन के साथ में तो एक प्रोसीजर है दैट इज द मैंडेटरी प्रोसीजर 148 ए का जो एओ को फॉलो करना पड़ेगा तो चलिए अपन एक काम करते हैं सबसे पहले हम चलते हैं वन ए पे मैं जिस जिस सिक्वेंस में पढ़ा रहा हूं आप उसी सिक्वेंस में मेरे साथ साथ चलते जाइए आप अपने हिसाब से कहीं पे भी जंप ना करिए करके ठीक है तो देखिए वन ए करके और 148 ए क्या बोलती है दैट इज द कंडक्टिंग इंक्वायरी या फिर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बिफोर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148 तो 148 का नोटिस इशू करने से पहले एक बार 148 ए का एक प्रोसीजर है ये प्रोसीजर एओ हैज टू फॉलो क्या प्रोसीजर है तो देखिए सबसे पहला सबसे पहला बिफोर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148, 148 में आपको जो नोटिस इश्यू करते हैं उससे पहले द एओ क्या करेगा शैल सबसे पहला कंडक्ट एनी इंक्वायरी इफ रिक्वायर्ड अगर एओ को लगता है तो उसको इंक्वायरी करनी पड़ेगी अगर उसको लगता है जैसे उसके पास इंफॉर्मेशन आई देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना पूर्णिमा वो इंफॉर्मेशन सही नहीं है कहीं से इंफॉर्मेशन आई वो इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा वो मैं बताऊंगा बट इंफॉर्मेशन ऐसी भी तो हो सकती है वो इंफॉर्मेशन सही नहीं है और एओ को लगता है कि चलो यार हो सकता है उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ इंक्वायरी की जाए भाई इंफॉर्मेशन सही है या नहीं करके ठीक है इंक्वायरी कर लेते हैं तो सबसे पहला काम होगा कि एओ विल कंडक्ट द इंक्वायरी बट इफ रिक्वायर्ड अगर उसको लगता है तो रिलेटिंग टू द इंफॉर्मेशन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ हायर ऑथॉरिटी लेकिन वो इंक्वायरी करना चाहता है बट इंक्वायरी करने जा रहा था तभी उसके हाथ बांध दिए कि आपको पहले तो हायर ऑथॉरिटी का अप्रूवल लेके ही आप इंक्वायरी कर सकते हो नहीं तो एओ क्या करेगा किसी भी पर्सन से रिलेटेड कुछ भी मंग वालेगा कुछ भी इंक्वायरी करने लग जाएगा भाई एओ के पास में इंफॉर्मेशन आई तो एओ के पास में इंफॉर्मेशन आई तो उसको इंक्वायरी करना चाहता है लेकिन इंक्वायरी करने से पहले आपको अपने के पास जाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि सर है ना मैं इंक्वायरी करना चाहता हूं मेरे पास यह इंफॉर्मेशन आई है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं इंक्वायरी करना चाहता हूं आप मुझे परमिशन दीजिए इंक्वायरी करने का तो वो आपको परमिशन देते हैं या नहीं देते वो उनका लुकआउट है लेकिन आप मुझे पूछेंगे इंक्वायरी के लिए पहले आप बोल रहे हो प्रायर अप्रूवल लेना है हायर अथॉरिटी का किसका अप्रूवल लेना है देखो एओ कौन होता है एओ मैं इतने दिन से बता रहा हूं या तो होगा ज्वाइंट कमिश्नर एसीडीसी एसी डीसी आईटीओ तो जेसी एसी डीसी आई टी होते हैं अबू का परमिशन लेना है अब परमिशन किसका लेना है तो मैं परमिशन वाली सेक्शन सबसे पहले पढ़ा रहा हूं क्योंकि परमिशन बार बार लगेगी कहीं हर जगह परमिशन लगेगी और परमिशन की सेक्शन को मैं सबसे पहले ही पढ़ा लेता हूं और वो परमिशन दे रखी है सेक्शन 151 में सेक्शन 151 बोलती है दैट इज सेंशन फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 एंड 148 ए में जहां जहां हायर ऑथोरिटी का अप्रूवल बोला जाता है वो अप्रूवल लेना किसका है तो देखिए सबसे पहली चीज अगर आप नोटिस इश्यू कर रहे हैं विद इन थ्री इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट इन्स आप थ्री इस के अंदर अंदर नोटिस इश्यू कर रहे हैं थ्री इयर्स के अंदर अंदर प्रतीक नोटिस इशू कर रहे हैं तो थ्री के अंदर अंदर नोटिस इशू कर रहे हैं में मामला ताजा ताजा है एक बात बताइए असेसमेंट ईयर कंप्लीट हुआ है और असेसमेंट ईयर कंप्लीट हुआ है और आप क्या कर रहे हैं थ्री इयर्स के अंदर अंदर नोटिस इशू कर रहे हैं तो मामला ताजा ताजा है तो एओ को क्या करना है अपने छोटे बॉसेस से अप्रूवल लेना है छोटे बॉसेस कौन होते हैं तो एओ के ऊपर कौन होते हैं देखो सीआईटी पीसीआईटी डीआईटी पीडीआईटी और सबसे बड़े कौन होते, है? होते हैं? नोटिस भेज रहे हैं तो तीन साल के अंदर अंदर नोटिस भेज रहे हैं मतलब मामला ताजा ताजा है आपका मामला ताजा ताजा मीनस अभी अभी तो असेसमेंट ईयर कंप्लीट हुआ तो उसी साल का मामला है तो उस केस में क्या होगा आप अप्रूवल ले लीजिए किससे या तो सीआईटी से या पीसीआईटी से या डीआईटी से या फिर पीडीआईटी से लेकिन अगर तीन साल के बाद नोटिस भेज रहे हैं एक बात बताइए तीन साल के बाद नोटिस कब भेज सकते हैं जब आपकी इनकम एस्केपिंग फिफ्टी लाख रुपीस या उससे ज्यादा है और इनकम एस्केपिंग फिफ्टी लाख रुपीज से ज्यादा है तो हर बार क्या होगा कि एओ तो बोलेगा मेरे को तो लग रहा है फिफ्टी लाख ,00 से ज्यादा है और वो दस साल का बेनिफिट लेना चाहेगा भाई जो एओ है वो तो हर साल उसको यही लगेगा ना कि दस लाख से सॉरी फिफ्टी लाख से ज्यादा है

PCCIT और पीडीजीआईटी उससे अप्रूवल लेगा प्रिंसिपल वालों से लेकिन अगर प्रिंसिपल वाले अवेलेबल नहीं है देर इज नो PCCIT और PDGIT तो बंदा फिर वो CCIT डीजीआईटी का अप्रूवल लेगा मिस बेटा आपको बॉसेस तो बड़े बॉसेस का अप्रूवल लगेगा अगर आप तीन साल के बाद नोटिस भेज रहे हैं तो तीन साल के बाद अगर तो देखिए पहली चीज केस खोल रहे हैं विद इन द थ्री इयर्स खोल रहे हैं तो विद इन द्री इयर्स केस खोल रहे हैं तो एओ को अगर मान लो कुछ इंक्वायरी करनी है तो अप्रूवल लेना लेना किसका लेना है सीआईटी पीसीआईटी डीआईटी पीडीआईटी और अगर तीन साल के बाद है तो सबसे बड़े टॉप लेवल के पीसीसीआईटी और पीडीजीआईटी बट अगर देयर इज नो पीसीसीआईटी और पीडीजीआईटी देन वो सीसीआईटी या डीजीआईटी का अप्रूवल ले सकते हैं करके वो किसका ले सकते हैं सीसीआईटी या डीजीआईटी का अप्रूवल है वो अप्रूवल ले सकते हैं यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस चलिए अब एक और चीज समझना आप लोग एक और चीज समझना चलिए अब वापस प्रोसेसर प्रोसेसर चलते हैं और सबसे पहले हम प्रोसेसर पे आए एओ के पास क्या है इंफॉर्मेशन है एओ इंफॉर्मेशन लेके बैठा है अब इंफॉर्मेशन के साथ क्या कर रहा है देखिए सबसे पहले कंडक्ट एनी इंक्वायरी वो अगर चाहे तो इफ रिक्वायर्ड अगर रिक्वायर्ड है तो इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी करेगा रिलेटिंग टू द इंफॉर्मेशन बट उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द हायर ऑथोरिटी हायर ऑथोरिटी कौन जो अभी अपन पढ़ के आए सेक्शन में कौन सी सेक्शन का 148 ए का नोटिस भेजेगा 148 का तो बाद में भेजेगा अभी एक बार वो देख रहा है करके ठीक है सिर्फ देख रहा है ठीक है वो क्या करेगा एक नोटिस भेजेगा 148 ए का और उसमें आपको एक ऑपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू असेस सी बाय सर्विंग अ शो कॉज नोटिस टू शो कॉज एस टू वाई नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट शुड नॉट बी ईशूड टू हिम ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मींस वो आपको क्या करेगा पता है वो सबसे पहले उस, उसके पास इंफॉर्मेशन आई इंफॉर्मेशन को उसने अगर वेरीफाई करना था तो उसने कुछ इंक्वायरी करना था कंडक्ट इंक्वायरी करना था उसने कर लिया उसके बाद में वो आपको एक शोकोज नोटिस भेजेगा और वो शोकोज नोटिस में वो पूछेगा कि देखो यार मेरे पास में इंफॉर्मेशन है आपकी आपकी इनकम एसकेब हुई है आपका 148 में केस खोल दू आप मुझे बताइए क्यों ना मैं आपको 148 का नोटिस इश्यू कर, कर लू आप मुझे बताइए क्यों ना करूं होता है ना बकरे को काटने से पहले एक बार पूछा जाता है अंतिम इच्छा तो कुल मिला के ये लोग बोल रहे हैं कि क्यों ना मैं तुम्हारा केस रीओपन कर दू मेरे पास इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपकी इनकम एस्केप हुई है अब बताइए क्यों ना मैं आपको जो है आपका जो है वो 148 का नोटिस आपको भेज दू ऐसा वो पूछेगा क्या पूछेगा वो क्या है वाई नोटिस अंडर सेक्शन वन शुड नॉट बी इश्यूड टू हिम ये वन ए में एक बार क्या दे रहा है अपॉर्चुनिटी दे रहा है और उसमें आपको टाइम देगा कि इतने दिन के अंदर अंदर आप मुझे बताइए कि क्यों ना मैं आपको 148 का नोटिस इश्यू कर दू मैं आ, आप मुझे आप बताइए इतने दिन में क्यों ना करूं आप बताइए ना आप बताइए क्यों ना करूं मैं और आपको टाइम देगा मिनिमम सेवन डेज का मैक्सिमम थर्टी डेज का लेकिन बाबू उसमें यह टाइम बढ़ा भी सकता है कैन बी एक्सटेंडेड आपको जो रिप्लाई करने के लिए टाइम देगा वो मिनिमम सेवन डेज का देगा मैक्सिमम है वो कितने टाइम का देगा मैक्सिमम जो है थर्टी डेज नॉर्मली बट यहां पे आपका ये टाइम बढ़ा भी सकता है जैसे मान लो आप थर्टी डेज में रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो शोकोज नोटिस का तो कोई बात नहीं वो बोलेगा कोई बात नहीं एक काम करते हैं तुम बाद में रिप्लाई कर लेना दस दिन का और एक्सटेंशन दे देते तो देखिए क्या लिखा हुआ दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट समझता इन दिस केस अस एससी हेज टू रिप्लाई विथ इन द टाइम पीरियड गिवन इन द शोकोज नोटिस वो शोकोज नोटिस एस सी एन का मतलब होता है शोकोज नोटिस वो शोकोज नोटिस में टाइम देगा उतने टाइम में आपको रिप्लाई करना है टाइम पीरियड शेल नॉट बी लेस देन सेवन डेज बट नॉट मोर देन थर्टी डेज डेट ऑफ इश्यू ऑफ शोकोज नोटिस आएगा भैया उसके सेवन डेज मिनिममेंड दीरियड इफ एप्लीकेशनसी अगर अब एक बात समझिए उसके बाद एस एस सी रिप्लाई करेगा और एस एस सी रिप्लाई करेगा अब एस एस सी का जो रिप्लाई आएगा एसको कंसिडर करेगा एस एस सी का जो रिप्लाई आएगा उसको एओ जो है वो कंसिडर करेगा अब एक बात समझना असेसी जो रिप्लाई करेगा ए उसको कंसिडर करेगा और उसके बाद अगर उसको लगता है कि आपका केस 148 के लिए फिट है या नहीं है और वो ऑर्डर पास करेगा 148 ए का और 148 ए के ऑर्डर में लिखेगा कि भाई आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होने वाला है या नहीं होने वाला है आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होने वाला है या नहीं होने वाला है वो आपको बताएगा तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है अब एओ शेल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड रिकॉर्ड में जो जो मटेरियल उसके पास अवेलेबल है इंक्लूडिंग आपने एसएससी ने जो रिप्लाई किया एंड ही विल पास वन ऑर्डर अंडर सेक्शन 148 ए 148 ए का ऑर्डर पास करेगा दैट वेदर योर केस इज फिट टू इश्यू नोटिस अंडर सेक्शन 148 और नॉट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटी एक बार वापस जाएगा अबू के पास कि देखो सर उसको शोकोज नोटिस दिया था मेरे पास रिप्लाई आया अब मुझे लगता है इनका केस है वो वन के लिए फिट है या नहीं है 148 चालू होने के लिए फिट है या नहीं है वो उसमें डिसाइड करेगा हायर अथॉरिटी का अप्रूवल लेगा और वो 148 का जो है वो आपको ऑर्डर बना के भेज देगा अब आप बोलेंगे 148 का ऑर्डर कब तक बनाएगा तो देखो बड़ा सिंपल सा है आपको शोकोज नोटिस दिया था और शोकोज नोटिस में बोला था कि आप जो है इसका रिप्लाई करिए तो वन ए का वो ऑर्डर बना रहा है और वो ऑर्डर में यह बता रहा है कि आपका केस फिट है या नहीं है और भैया वो कब तक बनाएगा अगर मान लो आपको टाइम दिया था शोकोज नोटिस भेजना था शोकोज नोटिस में टाइम दिया कि इतने टाइम में आप अपना रि रिप्लाई करिए कि क्यों ना मैं वन का नोटिस इश्यू कर दू आपको आपने अगर उसका रिप्लाई किया तो जिस मंथ में आपने रिप्लाई एओ को किया मतलब जिस मंथ में एओ को रिप्लाई रिसीव हुआ उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर वो वन फोर्टी एट ए का ऑर्डर बनाएगा या अगर आपने रिप्लाई किया ही नहीं तो उसने जो टाइम आपको दे रखा था वो टाइम एक्सपायर जिस मंथ में किया उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर वो वन फोर्टी एट ए का ऑर्डर बनाएगा 148A ए का ऑर्डर बनाएगा तो देखिए 148A ए का ऑर्डर बनाना कब तक पड़ेगा अगर आपने रिप्लाई कर दिया तो जिस दिन रिप्लाई किया उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर रिप्लाई किया ही नहीं तो उसने टाइम दिया था मान लो ट्वेंटी डेज का ट्वेंटी थर्टी डेज का जो भी टाइम दिया था वो टाइम जिस मंथ में एक्सपायर किया उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर वो वन फोर्टी एट ए का ऑर्डर बनाएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है ऑर्डर अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट ए शेल बी पास विद इन द दन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिप्लाई ऑफ शोकोज नोटिस इज रिसीव बाई एर इन विच टाइम और एक्सटेंडेड टाइम टू फाइल रिप्लाई एक्सपायर इफ एसे नॉट रिप्लाइड जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है देखिए एओ हैविंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एस्केप्ड इनकम ऑफ मिस्टर बीबी फॉर देंट इ्वेंटी ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी ट्वेंटी वन का कोई एस्केप इनकम था एओ इश्यूड द शोकोज नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट ए टू मिस्टर बीबी ऑन द सेवेंटीन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू 17 जुलाई 2022 को उसने मिस्टर बीबी को एक नोटिस भेजा शो कॉज नोटिस कि क्यों ना मैं 148 में भेज दूं एंड अलाउ हिम टू रिप्लाई टिल 6 अगस्त 2022 मिस्टर बीबी रिप्लाइड द शो नोटिस ऑन 30th जुलाई 2022 एक बात बताइए मैंने अगर 30th जुलाई 2022 को ये रिप्लाई कर दिया तो तो जुलाई एंड कब होगा 31 जुलाई को तो 1 मंथ वहां से तो 31st अगस्त 2022 तक वो 148 ए का ऑर्डर बनाएगा वन फोर्टी का ऑर्डर कब तक बनाएगा ही शेल ही शेल पास ऑर्डर अंडर सेक्शन वन फोर्टी टू थर्टी फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बट मैं बेशर हूं मैंने रिप्लाई नहीं किया तो रिप्लाई नहीं किया तो मेरा टाइम एक्सपायर कब होगा सिक्स अगस्त दो हजार बाईस को यहां तक मुझे टाइम दिया था तो अगस्त कंप्लीट होगा थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट को और वहां से वन मंथ इट मीन आपका थर्टीएथ सेवेंटी टू तक है वो आपका क्या करेगा ऑर्डर पास करेगा अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट ए और उस ऑर्डर में बताएगा कि आपका किस वन फोर्टी एट के लिए फिट है या फिट नहीं है अब क्वेश्चन यह आता है कि वन फोर्टी एट ए का जो ऑर्डर आता है उसके अगेंस्ट में क्या हम अपील में जा सकते हैं आंसर इज नो 148 ए के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में नहीं जा सकते असेसमेंट का जब 147 होगा पूरा और असेसमेंट ऑर्डर आएगा उसके अगेंस्ट में आप अपील में जा सकते हैं बाकी आप 148 ए के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में नहीं जा सकते है. तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है सिर्फ ये नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड ही पढ़ना है थर्ड नहीं पढ़ना है अभी देखिए अपील टू सीआईटी अपील और आई नॉट पॉसिबल अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन वन ए रिट पिटन टू कोर्टिपल ऑफरलोड में रिटीशन का पावर है वो कोई इनकम टैक्स लॉ का पावर नहीं है तो देखिए वापस मैं बोल रहा हूं एक बार जो मैंने पढ़ाया उसको मैं देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया सबसे पहली, चीज, सबसे पहली चीज मैंने आपको यह बताई वन फोर्टी सेवन का जो सेक्शन बोलती है कि एओ के पास है और उसके बेसिस पे आपकी इनकम एसेस आपकी इनकम एस्केप हुई है वो उसका assess, re -assess, re कर सकता है वो क्या कर सकता है उस साल की और भी कुछ इनकम मिली तो सबको कर सकता है लेकिन 147 करने के लिए प्रोसीजर फॉलो करना का एक प्रोसीजर है।, है वो प्रोसीजर फॉलो करना मैंडेटरी है अब आप बोलोगे वन फोर्टी एट ए का प्रोसीजर फॉलो करना मैंडेटरी आंसर इज यस बट वॉट इज दन फोर्टी एट ए का प्रोसीजर ये प्रोसीजर क्या बोलता है सबसे पहले एओ के पास इंफॉर्मेशन है अगर वो चाहे तो पहले पॉइंट में कंडक्ट एनी इंक्वायरी वो इंक्वायरी कर सकता है बट इंक्वायरी करने से पहले उसको हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेके ही वो इंक्वायरी कर सकता है उसके बाद वो क्या करेगा अपॉर्चुनिटी देगा एसएससी को और एस को पूछेगा कि तुम बताओ यार क्यों ना मैं तुम्हारा केस 148 में खोल दूं मेरे पास इंफॉर्मेशन है और मेरे पास इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पता चलता है आपकी इनकम एस्केप हुई है क्यों ना मैं आपको 148 का नोटिस इश्यू करूं आप बताइए आपको टाइम देगा कितना सेवन दे डेज से लेके और थर्टी डेज तक का वो लिखेगा नोटिस में आपको सात दिन दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन जो भी लिखना है वो लिखेगा आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए आप एक्स्ट्रा टाइम भी मांग सकते हो और उसके बाद में आप रिप्लाई करोगे उसके रिकॉर्ड में जो जो अवेलेबल उसके बाद वो डिसाइड करेगा एक ऑर्डर पास करेगा वन ए का और उस ऑर्डर में वो लिखेगा कि आपका केस 148 का नोटिस इश्यू करने के लिए फिट है या नहीं है अगर फिट है तो फिर आगे प्रोसीजर बढ़ेगा फिट नहीं है यही खत्म हो जाएगा यही खत्म हो जाएगा आपका वन नहीं होगा अब क्वेश्चन यह आता है कि यहां पे सर वो वन फोर्टी का ऑर्डर कब तक बनाएगा तो वन फोर्टी का ऑर्डर बनाने का टाइम लिमिट है वन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिप्लाई ऑफ शोकोज नोटिस इज रिसीव बाय द एओ या फिर टाइम लिमिट टू शोकोज इज एक्सपायर्ड मीन टाइम लिमिट जो शोकोज शोकोस का रिप्लाई करने का जो टाइम लिमिट था वो टाइम लिमिट एक्सपायर हुआ जिस मंथ में एक्सपायर हुआ उस मंथ के एंड से वन मंथ या फिर आपने रिप्लाई किया उस मंथ के एंड से आपका एक महीने के अंदर अंदर यह ऑर्डर बनाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस चलिए अपन एक काम करते हैं मैं आपको अगर कुछ प्रैक्टिकल चीज बताना चाहूं तो चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं कि ये नोटिस ऑर्डर कैसे होते हैं करके ठीक है ये जो नोटिस है या ऑर्डर है ये कैसा प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा दिखता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसा दिखता है चलिए जैसे मैं आपको बताता हूं ये तो आपका देखिए ये शोकोज नोटिस का एक

ये लोग क्या लिखते हैं इसमें देखिए ये लोग ऐसे लिखते हैं इसमें देखिए सबसे पहले देखिए क्या लिखते हैं वन फोर्टी एट ए बी का बी का मतलब इंक्वायरी कर ली उसके बाद शोकोज नोटिस दे रहे पहला सबसे पहला पार्ट डियर सर मैडम मैसेस अगर कंपनी है तो असेसमेंट एटीन एटी नाइनटीन के लिए ये दे रहे हैं डेट दे, इस डेट को ये लोग दे रहे हैं शोकोज नोटिस अब एक बात समझना ये क्या बोलते हैं ज आई हैव इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असमेंट इटीन नाइनटीन हैज एस्केसमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन वन फोर्टी सेवन ये लोग बोलते हैं कि भाई आई हैव इंफॉर्मेशन एओ बोल रहा है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पता चलता है कि आपकी इनकम एस्केप हुई है वन में द डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंक्वायरी अगर इन्होंने कंडक्ट की है आर एनक्लोज विद नोटिस इन एनेक्चर ए ये लोग बताएंगे कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है ये लोग बताएंगे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है अब आपसे पूछ क्या आ रहे ये ये पूछ रहे कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो कॉज एज वाई इन व्यू ऑफ द डिटेल कंटेन इन एनेक्चर एनेक्चर ए में जो इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे क्यों ना अ नोटिस अंडर सेक्शन 148 फोर्टी एट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट शुड नॉट बी इशूड आपको क्यों ना मैं नोटिस इशू ना करूं आप बताइए आपको शो कॉज दे रहे हैं। आप बताइए क्यों ना मैं आपको 148 का नोटिस ना इश्यू करूं आप बताइए आप क्यों ना करूं एंड उसके बाद इन्होंने बोला है You may, to the extent technology feasible, submit your response with supporting document, if any, on the above mentioned issue electronically in the e-preceding facility through your account in the e-filing portal at your convenience on or before 25th March 2022. तो इन्होंने टाइम दिया ट्वेंटी फिफ्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक आप फाइल कर दीजिए देखिए उसने इश्यू कब किया है सत्रह मार्च को और भाई साहब टाइम सात आठ दिन का ही दिया है बंदे ने सात आठ दिन का ही टाइम दिया है करके ठीक है तीस तीन का देना चाहिए मतलब मैक्सिमम थर्टी डेज का मिनिमम सेवन डेज का तो उसने सात दिन का ही टाइम दिया है और उसने बोला है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे पता चलता है आपकी इनकम एस्केप हुई है उस साल की और मुझे लग रहा है कि इनकम एस्केपिंग हुई है क्यों ना मैं आपको 148 का नोटिस इशू कर दूं बताइए मुझे आप रिप्लाई करिए अब एक बात समझिए इसके साथ वो इन्फॉर्मेशन देते हैं इन्फॉर्मेशन देते हैं यहां देखिए है, ये यह लोग इंफॉर्मेशन देंगे करके ठीक है यहां पे इन्फॉर्मेशन देंगे कि भैया ये इन्फॉर्मेशन इनके पास कहां से आई थी कैसे आई थी अब इन्होंने बोला कि यहां सर्च कंडक्ट हुआ था फैंटम फिल्म प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है फैंटम फिल्म जो अनुराग

एक बात समझिए ये 148A का ऑर्डर पास करेंगे और 148A का ऑर्डर कैसे पास करते हैं देखिए मैं आपके लिए ये भी ले आया हूं करके ठीक है और ऑर्डर पास करते टाइम लिखेंगे आपका केस फिट है या नहीं है आपका केस जो है वो फिट है या नहीं है 148 के लिए तो आपने जो इंफॉर्मेशन दी होगी तो देखिए फिर यहां पे इन्होंने बताया कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था ऐसे ऐसे हमको आपकी इंफॉर्मेशन मिली थी करके ठीक है इंफॉर्मेशन कहां से मिली थी वो ये बताते हैं कि इंफॉर्मेशन हमको वहां वहां से मिली थी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको ये यहां पे देखिए क्या बताते हैं इस पैराग्राफ में समझिए ये लोग बोलते हैं हमने आपको शो को नोटिस दिया था देखिए इन व्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन नोटिस अंडर सेक्शन वन ए क्लॉज नंबर बी डेटेड सत्रह तारीख को सेवनटीन मार्च को इश्यू किया था ना was issued to the assessee online through the ITBA assessment module after taking approval of the PCIT में उसका higher authority का approval पहले लेना पड़ता था अब नहीं लेना पड़ता last year तक क्या था कि आपको ये notice issue show cause notice issue करने से पहले भी higher authority का approval था अब नहीं लेना पड़ता अब कहाँ पे लेना पड़ता है एक तो inquiry करना है तो लेना है और एक last में 148A का order बनाना है तब लेना है वन फोर्टी एट ए का ऑर्डर बनाना है कि आपका केस फिट है या ना फिट है करके ठीक है तो आपको 148A में आपका केस फिट फिट है है या ना है, उसके लिए अप्रूवल लेना है तो ये बोलते हैं कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन एट ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टू एक्सप्लेन एज वाई नोटिस अंडर सेक्शन 148 शुड नॉट बी इशूड इनकेस ऑन देश अबोव स्टेटेड इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्समेंट इनके असेसमेंट इंडर द कंसिडरेशन यह हमने किया था लेकिन हाउ एवर इट इज सीन दट देर इज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम दी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइप अस एससी बेशरम है। और असएससी बेशरम है तो एक बात बताइए आपका टाइम दिया था वो मार्च के एंड तक था तो ऑर्डर कब तक बनेगा थर्टियत अप्रैल 2000 एंड आपका जो भी थर्टियत अप्रैल तक ऑर्डर बनेगा ये देखिए ये ऑर्डर कौन सी डेट को बना रहे हैं ये अप्रैल को ही ऑर्डर बना रहे हैं क्योंकि अप्रैल के एंड तक बना सकते थे अप्रैल के एंड तक बना सकते थे ये आपका सेवेंथ अप्रैल 2022 तक ऑर्डर बना रहे हैं फोर्टी ए का और बोल रहे हैं कि आपका केस फिट है या नहीं तो देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि एस जो है एस ने कोई रिप्लाई नहीं किया असेससी ने कोई रिप्लाई नहीं किया करके ठीक है असेससी ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया तो उस केस में ये लोग बोलते हैं यहां पे लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट नंबर सेवन पे चलते हैं सीधा इन व्यू ऑफ द अब डिस्कशन इट इज फिट केस फॉर द इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन एट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वन फॉर द असेसमेंट असमेंट अंडर कंसिडरेशन एंड हेंस ऑर्डर अंडर सेक्शन एट ए डी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज आफ्टर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड हायर स्पेसिफाइडोरिटी का अप्रूवल लेके और मैं ये ऑर्डर पास कर रहा हूं हूँ डी का और वन फोर्टी एट का नोटिस अब आपको आ रहा है अब आप जाइए और वन फोर्टी एट का नोटिस आ रहा है अब वन फोर्टी एट का नोटिस कैसे आता है ये मैंने अगले पेज पे ले रखा है ये 148 का नोटिस है ये आपका मैंने अगले पेज पे दे रखा है कि 148 का नोटिस कैसे आता है अब 148 में आपका केस खुल गया अब आपका केस खुल गया और 148 के नोटिस में देखिए कैसे लिखते हैं ये लोग ये लोग कैसे लिखते हैं 148 के जो नोटिस भेज रहे हैं अब इस नोटिस में देखिए आपसे रिटर्न मंगा रहे ये लोग आपसे रिटर्न मंगा रहे हैं और देखिए है ये लोग कैसे लिख रहे हैं 148 का नोटिस अब आपको इशू हो रहा है देखिए 148 का नोटिस ये क्या बोलता है सर आई हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ द पर्सन मेरे पास इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन फ्लैग हुआ था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कुछ रिस्क स्ट्रेटेजी है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी उसमें फ्लैग हुआ था कैसे कैसे फ्लैग हुआ था वो बोलता है, मैं सब बता चुका हूं करके ठीक है आपको अब देखिए आगे क्या देर का आई देरफोर प्रपोज टू असेस और रीअसेस सच इनकम और रिकम्प्यूट द लॉस और डेप्रिशिएशन अलाउंस और एनी अदर अलाउंस और डिडक्शन फॉर असेसमेंट एटीन नाइनटीन का मैं केस खोल रहा हूं करके ठीक है एंड आई हियर बाय रिक्वायर यू टू फर्निश विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ दिस नोटिस अ रिटर्न इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर द असेसमेंट ईयर एटीन नाइनटीन का रिटर्न फाइल करिए आप असेसमेंट ईयर एटीन नाइनटीन का रिटर्न फाइल करिए करके ठीक है आप असेसमेंट ईयर एटीन नाइनटीन का रिटर्न फाइल करिए आप असेसमेंट एन नाइनटीन का रिटर्न फाइल करिए ये अब आपको रिटर्न मंगा रहा है एट में तो आप सीक्वेंस को समझ रहे हैं नहीं एक बात बताइए मैंने जितना अभी तक आपको कुछ बता रहा हूं वो आपके दिमाग में चीजें जा, जा रही है या नहीं तो हमने अभी तक पढ़ा एक सेक्शन है वन फोर्टी सेवन और वन फोर्टी सेवन क्या बोलती है, 147 जो है वो वन फोर्टी सेवन ये बोलती है कि असेसिंग ऑफिसर के पास में कुछ इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पता चलता है आपकी इनकम एस्केप हुई है तो एओ के पास पावर है क्या वो इनकम एस्केपिंग के केस में भैया असेसमेंट रीअसेसमेंट कर सकता है और असेसमेंट में एक बात समझना अगर मान लो वो जो बंदा है वो असेसमेंट रीअसेसमेंट कर सकता है एंड अगर असेसमेंट करते करते उसको कुछ और इनकम भी मिल जाती है तो उसको भी वो साथ में कंसिडर कर सकता है आंसर इज यस वो साथ में कंसिडर कर सकता है अब एक चीज समझना यहां पे 147 में असेसमेंट करने के लिए एक 148 का नोटिस इश्यू करना पड़ता है लेकिन 148 का नोटिस इशू करने से पहले एक 148 फोर्टी ए का प्रोसीजर फॉलो करना है और अभी तक हमने 148 फोर्टी ए का प्रोसीजर देखा 148 फोर्टी ए का प्रोसीजर क्या बोलता है सबसे पहले वो कंडक्ट करेगा इंक्वायरी अगर रिक्वायर है तो लेकिन ये इंडक्ट जो कंडक्ट इंक्वायरी होगी ये प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा हायर अथॉरिटी का हायर ऑथोरिटी में कौन आएगा यहां पे करके ठीक है हायर ऑथॉरिटी में कौन आएगा तो हायर में अगर तीन साल के अंदर अंदर नोटिस भेज रहे हैं तो सीआईटी पीसीआईटी डीआईटी पीडीआईटी और अगर तीन साल के बाद भेज रहे हैं तो सबसे ऊपर वाले पीसीसीआईटी पीडीजीआईटी बट पीसीसीआईटी पीसीआईटी डीजीआईटी नहीं है तो सीसीआईटी या फिर डीजीआईटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा उसके बाद वो आपको एक नोटिस भेजेगा अंडर सेक्शन 148 फोर्टी का ही शोकोज नोटिस जिसको वन फोर्टी एट बी बोलते वन फोर्टींट में इसलिए तो एक नोटिस भेजेगा शोकोज नोटिस और वो आपसे पूछेगा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है क्यों नहीं मैं आपका 148 का नोटिस इशू कर दू आप बताइए आपको वो मिनिमम सेवन डेज का मैक्सिमम है थर्टी डेज का आपको टाइम देगा लेकिन अगर आप टाइम बढ़वाना चाहते हो तो आप टाइम बढ़वा भी सकते हो उसके बाद जो भी रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा और आपने जो रिप्लाई वगैरह किया होगा उन सबके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि आपका केस है वो वन के लिए फिट है या नहीं है और वो वन फोर्टी एट एट डी का एक ऑर्डर पास करेगा और उस ऑर्डर में लिखेगा कि के योर केस इज फिट टू इशू वन फोर्टी एट और नॉट वो बताएगा कि के ये केस फिट है या फिट नहीं है करके ठीक है चलिए फिट है तो फिर वो आगे बढ़ेगा फिट नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में वो आगे नहीं बढ़ेगा अब एक चीज समझना अगर फिट है तो फिर वो वन फोर्टी एट जाएगा लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है 148 ए का ऑर्डर कब तक पास करेगा तो देखिए अगर आपने नोटिस का रिप्लाई कर दिया तो जिस जिस मंथ में आप रिप्लाई करते हो उस मंथ के एंड से वन ए अंदर अंदर का ऑर्डर बनाएगा बट अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो तो जो टाइम लिमिट आपको रिप्लाई करने के लिए दे रखी थी वो टाइम जैसे ही एक्सपायर हो जाता है उस मंथ के एंड से जिस मंथ में एक्सपायर हुआ उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर, अंदर वो ऑर्डर बनाएगा अब बाबू एक बात समझना मैंने आपको बोला 148 का नोटिस भेजने से पहले ये 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है बट बेटा एक बात बताऊं इसके तीन एक्सेप्शनल केसेस जिसमें आपको ये 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है कितने एक्सेप्शनल केसेस है तीन तीन एक्सेप्शनल केसेस है आदित्य जहां पे आपको जहां पे आपको जहां पे आपको ये आपका प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है देर इज नो नीड टू फॉलो द प्रोसीजर प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है कितने केसेस हैं? तीन केसेस कौन कौन से सबसे पहला अगर आपके केस में रेड हुई थी अगर आपके केस में रेड हुई थी मीन्स आपके केस में सर्च हुआ था तो देखिए क्या लिखा हुआ है सेक्शन 148 ए नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस इसका मतलब एओ कैन इश्यू द नोटिस अंडर सेक्शन 148 विदाउट फॉलोइंग द सेक्शन 148a 148a फॉलो करने की जरूरत ही नहीं प्रोसीजर फॉलो ही नहीं करना सीधा 148 दाग दो करके ठीक है कौन से केसेस में तीन पहला अ सर्च इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 132 और बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट और एनी असेट्स आर रिक्वेजनेड अंडर सेक्शन 132 थर्टी आपके केस में रेड हुई थी या फिर रेड आपके केस में ही हुई थी लेकिन आपके केस में रेड जो की थी वो इलेक्शन कमीशन ने की थी किसी और ने की थी और उससे डॉक्यूमेंट्स असेट वगैरह मिली उसके बाद दूसरा इफ एओ इज सेटिस्फाइड प्रायर अप्रूवल ऑफ द सी आई टी पी दैट एनी अट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट सीज्ड और रिक्विजनेड अंडर सेक्शन वन थर्टी टू वन थर्टी टू ए इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन बिलोंग्स टू और परटेन्स टू और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एस एससी मतलब रेड आपके केस में नहीं हुई रेड किसी और के केस में हुई थी रेड जैसे मान लो मेरे मामा के वहां पे सर्च हुआ था लेकिन मेरे मामा के वहां पे सर्च हुआ था और सर्च के केस में मामा के वहां पे कुछ असेट मिली बुक्स मिली और वो बिलोंग्स मेरे को करती है वो रिलेट्स मेरे से है वो पर्टेनिंग टू मेरे से और मेरे को ये इंफॉर्मेशन मिल गई तो मेरा यो क्या करेगा चेक करेगा कि भैया ये बीबी सर से रिलेटेड है तो बीबी सर पे सीधा 148 का नोटिस भेज देगा ये 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है और लास्ट पाला, लास्ट पार्ट दिस इंफॉर्मेशन अंडर द स्कीम नोटिफाइड अंडर सेक्शन income इनकम to टू टैक्स एस्केपिंग असेसमेंट फॉर एनी year इन केस ऑफ एसे एक बात समझना ये 135 ए का एक स्कीम है अभी थर्टी 135 ए का स्कीम जो है वो पूरा अपने सिलेबस में नहीं दे रखा आईसीआई ने 135 ए का स्कीम क्या होता है जैसा कल मैंने आपको एक सेक्शन 133 सी में बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि मान ले जैसे स्विट्जरलैंड की बैंक से आपके उनके पास इंफॉर्मेशन आई वो इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद इन्वेस्टिगेशन विंग क्या करती है जब वो अपने आप में श्योर हो जाती है कि ये सही है आपसे वेरीफाई करती है उसके बाद वो किसको देती है एओ को देती है तो वो एओ को इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन वन ए में दी जाती है तो देखिए आप ये कि देखिए बेटा दो केसेज तीन केसेस है टोटल ये तीन ये तीन केसेस में 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है जरूरत ही नहीं है बाबू ये 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है सीधा 148 का नोटिस दाग दो सीधा 148 का नोटिस दाग दो कौन से तीन केसेस सबसे पहले आपके केस में सर्च हुआ है दूसरे केस में किसी और के केस में सर्च हुआ लेकिन वहां पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट असेट मिला दैट बिलोंग्स टू परटेन्स टू रिलेट्स टू यू तो उस केस में और तीसरा अगर 135 ए की गवर्नमेंट की स्कीम है और स्कीम के अंतर्गत कोई भी अगर इंफॉर्मेशन मिली थी तो उस पर्टिकुलर केस में भैया सीधा आप पे 148 आएगा, 148 आएगा ए का प्रोसीजर एओ को फॉलो करने की जरूरत नहीं है अब आप बोलोगे 148, 148, 148 है क्या करके ठीक है तो चलिए अब अपन पढ़ना चालू करते हैं 148 करके आ जाइए सब लोग इधर ध्यान दीजिए 148 तो देखिए चालू कहां से किया अपन ने सीक्वेंस एओ के पास इंफॉर्मेशन थी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उसको लगता है इनकम एस्केपिंग हुई है पहले वो प्रोसीजर फॉलो करेगा 148 ए का बट प्रोसीजर फॉलो नहीं करना कौन से में 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 रेड रेड प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है 148 का नोटिस भेज रहा है अब देखिए तो अब अपन चालू करते हैं 148 करके तो देखिए इधर देखिए सब लोग सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए अब हम पढ़ना चालू कर रहे हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन 148 और यहां से चालू होता है सेक्शन 148 और इसको बोलते हैं नोटिस अंडर सेक्शन 148 अब एक बात समझिए 148 का नोटिस मुझे एक बार ये चार्जिंग में डालने दे दीजिए आईपैड मेरा नहीं तो आईपैड बंद हो जाएगा थोड़ी देर में तो एक सेकंड समझिए आप लोग हॉस्टल में खाना खत्म हो जाता है तो पूर्णिमा तुम है ना जल्दी जा सकती हो खाना बड़ा जरूरी है करके ठीक है जल्दी जा सकती हो मतलब आज या तो फिर जोमेटो ऑर्डर कर लेना या फिर ये रिकॉर्डेड देख लेना लास्ट वाला जो भी नौ साढ़े नौ बजे के बाद रहता है वो रिकॉर्डेड देख लेना तुमको जो ठीक लगे वैसा कर लेना चलिए नोटिस अंडर सेक्शन 148 148 का नोटिस क्या बोलता है तो देखिए सबसे पहले लॉ मेकर्स बोलते हैं कि भैया अगर एओ के पास में इंफॉर्मेशन है पहली चीज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अब आप बोलोगे इंफॉर्मेशन का मतलब क्या मैं अभी समझाऊंगा यहां पे इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन के बाद उसने एक प्रोसीजर फॉलो किया अंडर सेक्शन 148 ए का जब भी उसको लगा कहीं कहीं पे रेड केसेस में फॉलो नहीं करना बाकी जगह फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर फॉलो किया उसके बाद में वो एक नोटिस भेजेगा नोटिस सर्व करवाएगा अंडर सेक्शन 148 का और 148 का नोटिस भेज के आपको बोलेगा कि आप एक काम करिए रिटर्न फाइल करिए क्या करिए आप रिटर्न फाइल करिए इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148 आपसे रिटर्न मंगवाएगा अब एक बात समझना रिटर्न आपसे मंगवाएगा आपको टाइम देगा कि भाई इतने दिन में आप जो है वो अपना रिटर्न फाइल करिए अब आप मुझे बोलोगे कि सर अगर उस साल का रिटर्न फाइल किया हुआ है तो क्या वापस फाइल करेंगे आंसर यस, आपको करना रहेगा या तो आप एक काम करिए पहले जो रिटर्न फाइल किया था वो एज इट इज वापस फाइल कर दीजिए पहले जो आपने रिटर्न फाइल किया था एज इट इज वापस आप अपलोड कर लीजिए सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज हो जाएगा अब आपने रिटर्न अपलोड किया इन टू नोटिस अंडर सेक्शन मैं जैसा कि आपको यहां पर बता रहा था कि देखिए ये जो आपका रहता है वो कैसा रहता है मैं अभी जो आपको बता रहा था नोटिस करके ठीक है ये जैसे, ये जैसे 148 का जो लास्ट नोटिस मैं आपको बता रहा था इसमें देखिए ये ऐसा बोलते हैं ये लोग नोटिस अंडर सेक्शन 148 आपसे पूछा होगा इन्होंने देखिए पहले बोलेगा कि भाई मैंने 148 फोर्टी फॉलो किया डी में ऑर्डर बनाया the losses or depreciation allowance so and so. पूछा है आई हर बाय रिक्वायर यू टू फर्निश विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ दिस नोटिस रिटर्न ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर द असेसमेंट इन एटीन मुझे एक बात बताइए अब मैं आपके साथ थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करता हूँ प्रैक्टिकल बातें कैसे जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आपका एक क्लाइंट है उस क्लाइंट ने असेसमेंट ईयर 1819 का रिटर्न फाइल किया था और रिटर्न में इनकम थी 40 लाख बट उस ईयर के लिए आपको नोटिस आ गया अंडर सेक्शन 148 का और आपसे बोला कि 148 के रेस्पॉन्स में आप रिटर्न फाइल करिए पहले वो फाइल कर चुका है चालीस लाख की इनकम पे अब एक बात बताइए देखो आपको 148 का जब नोटिस आता है तो उससे पहले आपको इंफॉर्मेशन पता रहती है कि इनके पास क्या इंफॉर्मेशन है करके ठीक है क्वेश्चन ये आता है आप अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस करेंगे जैसे आपका क्लाइंट है और आपके क्लाइंट के केस में कुछ इनकम एस्केप हुई है इनकम एस्केप हुई है और इनकम एस्केप हुई है उसमें एक ए इनकम है एक बी इनकम है एक सी इनकम है ये डी इनकम है चार इनकम एस्केप हुई है ठीक है मान लो चारों का अमाउंट है वो फिफ्टी फिफ्टी लाख है चार इनकम है फिफ्टी फिफ्टी लाख है मीन दो करोड़ की इनकम का आपने टैक्स नहीं भरा था अब एओ को सिर्फ एक ही मिली है अभी तक एओ को एक ही मिली है एओ को सिर्फ ये पचास लाख मिल गई और इंफॉर्मेशन उसने आपको बताई कि मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है एंड ऑल उसके बेसिस पे आपको पता चल रहा है कि ये 50 लाख है आप मुझे बताइए आप अपने क्लाइंट को क्या सजेस्ट करेंगे पहले मैं एक काम करता हूं ये ब सीडी छोड़िए आप एक बार ये सब छोड़िए अगर एक इनकम स्केप हुई थी 50 लाख और जैसे ही आपको नोटिस आया 148 का तो 148 का जैसे ही नोटिस आया आपको पता है कि 50 लाख रुपए की इनकम एस्केप हुई है आप अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस करेंगे कि ये पचास लाख की इनकम को रिटर्न में बता देना चाहिए या नहीं बताना चाहिए एक बात बताइए आप अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस करेंगे क्योंकि अब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे और रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 148 का 148 में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे आप मुझे बताइए आप अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस करेंगे कि ये इनकम बता देनी चाहिए या नहीं बता देनी चाहिए हां बता देनी चाहिए या नहीं आप बताइए आप क्या बोलेंगे कि ये जब रिटर्न फाइल करने का आपको मौका दे रहे कि आप रिटर्न फाइल करिए तो वॉट यू विल सजेस्ट टू योर क्लाइंट कि यू शुड डिस्कलोज दिस इनकम ये बता देनी चाहिए फिफ्टी लाख ,00 या नहीं कुछ लोग बोलते हैं बता देनी चाहिए सर क्योंकि पकड़े जाओगे पता ही है पकड़े जाओगे तो बता देनी चाहिए राइट आंसर इज हम भी हमारे क्लाइंट को यही एडवाइस करेंगे या आप भी अपने क्लाइंट को यही एडवाइस करोगे कि जब आपको पता है इनकम स्केपिंग है तो आपको बता देनी चाहिए उससे क्या फायदा होता है उससे फायदा यह होता है उससे फायदा खुजाइमा यह होता है कि जब आप बता देते हो ना तो उस केस में जब लास्ट में पेनल्टी लगाने की बात आती है तो पेनल्टी आपकी वेव हो जाती है रिड्यूस कर देते हैं कम पेनल्टी लगती है लेकिन अगर आपने ये 50 लाख नहीं बताया आपने ये 50 लाख नहीं बताया आपने ये 50 लाख नहीं बताया तो क्वेश्चन यहां पे यह आता है क्वेश्चन अगर आपने ये 50 लाख नहीं बताया तो क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि फिफ्टी लैख आप ये नहीं बताते तो क्वेश्चन यहां पर

मैं यहां पे अलग बात कर रहा हूं करके मैं यहां पे बोल रहा हूं आपकी कोई इनकम एस्केपिंग हुई है आपको 148 का नोटिस आया आपसे पूछा जाएगा आपसे बोला जाएगा आप रिटर्न फाइल, तो फाइल करेंगे तो आपको पता है कि आपकी इनकम एस्केप हुई है तो क्या इस इनकम पे आपको टैक्स भर देना चाहिए या नहीं मिस इनकम बता देनी चाहिए या नहीं आप अपने क्लाइंट को करो एडवाइस करोगे आंसर इज यस बता देनी चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है ना जब आप आगे से बता देते हो तो आपको पेनल्टी कम ली जाती है पेनल्टी ली तो जाती है बट कम ली जाती है लेकिन अगर आप नहीं बताओगे आगे से तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी पेनल्टी बहुत ज्यादा लगती है रूक आप जाएगी उतनी पेनल्टी लगेगी अगर आप आगे से नहीं बताओगे तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल के बता देनी चाहिए लेकिन एक बात बताओ आपके क्लाइंट के केस में एक 148 का नोटिस आया और 148 के नोटिस के रेस्पॉन्स में बोला आप रिटर्न फाइल करिए आप रिटर्न फाइल करिए अब आपके क्लाइंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से 50 लाख के इनकम एस्पिंग की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन पहले देते हैं आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये ये इंफॉर्मेशन में हमको आपका मिला है और इसके बेसिस पे इनकम एस्केपिंग है तो इंफॉर्मेशन पहले मिलती है अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सर एक बात बताइए अगर इंफॉर्मेशन में पचास लाख है बट हमारे क्लाइंट तो बड़ा बेशरम है उसकी तो टोटल ऐसे दो करोड़ की इनकम है जो एस्केपिंग है आप क्या एडवाइस करोगे आप क्या एडवाइस करोगे कि पूरा दो करोड़ इस रिटर्न में बता दे जो इंफॉर्मेशन उनके पास अभी तक है नहीं जो इंफॉर्मेशन उनके पास अभी तक है नहीं उनके पास इंफॉर्मेशन सिर्फ पचास लाख की है और अब आपको मौका दिया जा रहा है आप रिटर्न फाइल करिए तो जब आप रिटर्न फाइल करने जाओगे एक बात बताइए जब आप रिटर्न फाइल करने जाओगे तो आप क्या एडवाइस करोगे क्लाइंट को क्या पूरा टू करोड़ का इनकम बता दे रिटर्न में पहले टू करोड़ का इनकम बता दे या नहीं आप क्या बोलोगे आप अपने क्लाइंट को क्या बोलोगे इस केस में इस केस में आप अपने क्लाइंट को क्या बोलोगे इस केस में आप अपने क्लाइंट को क्या बोलोगे राइट आंसर इज कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हम क्लाइंट को यह बताएंगे कुछ लोग बोलते हैं कि हम क्लाइंट को बोलेंगे सर है ना एक काम करिए पचास लाख जो इंफॉर्मेशन है इतनी इनकम बता दीजिए यह मत बताइए करके ठीक है ये मत बताइए ये मत बताइए नहीं बताएंगे ठीक है कोई बात नहीं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है बट मेरे जैसा अगर कोई बंदा है तो मैं तो बोलूंगा यार पूरा बता दे खत्म करना केस अगर वापस मिलती है आगे क्योंकि अगर असेसमेंट हो रहा है और असेसमेंट में पता चल गया दूसरी इनकम भी थी अगर मान लो ये पता चल गया उसको कि भाई साहब आपकी तो ये भी, ये भी थी ये भी थी ये भी थी अगर पता चल गया तो बाद में लंका लग जाएगी तो आप चाहे तो ये भी बता सकते हैं पूरा बता सकते हैं अब एक बात बताओ आप मेरी एडवाइस लेके चले गए और मैंने तो बोला पूरा टू करोड़ बता दो आपने बता दी और आपने रिटर्न फाइल किया अंडर सेक्शन 148 क्वेश्चन आता है 148 में जो रिटर्न फाइल करते हैं क्या इसको रिवाइज कर सकते हैं या नहीं अगर आपने 148 का रिटर्न फाइल किया तो क्या इस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं आंसर इज नो आप इसको रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपको याद रहेगा मैंने आपको रिटर्न फाइलिंग वाले टॉपिक में बताया था कि आप अगर वन थर्टी में रिटर्न फाइल करते हैं वन थर्टी में रिटर्न फाइल करते हैं वन थर्टी में रिटर्न फाइल करते हैं यह रिटर्न ही आप रिवाइज कर सकते हैं अंडर सेक्शन वन थर्टी इसको छोड़ के और कोई रिटर्न है वो आप रिवाइज नहीं कर सकते तो ये रिटर्न तो आप जो फाइल कर रहे हैं वो तो किस में फाइल कर रहे हैं 148 में फाइल कर रहे हैं तो आप इसको रिवाइज नहीं कर सकते आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे आप इसको रिवाइज है वो रिवाइज नहीं कर पाएंगे अब एक और चीज समझना यह 148 का नोटिस भेजने से पहले 148 का नोटिस भेजने से पहले एक बार इनको हायर अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा वन ये 148 का नोटिस आपको सर्व करवाया जाएगा उससे पहले पहले प्रतीक एक बार इनको जो है मिस एओ को हायर ऑथोरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा हायर ऑथोरिटी मतलब वही तीन साल के अंदर भेज रहे हैं तो सीआईटी पीसीआईटी डीआईटी पीडीआईटी तीन साल के बाद भेज रहे हैं तो आपका पीडीडी पीडीजीआईटी और पीसीसीआईटी अदरवाइज सीसीआईटी और डीजीआईटी उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा चलिए अपने काम करते हैं वन पे चलते हैं देखिए है क्या दे रखा है 148 आ जाइए सब लोग 148 पे आपकी बुक में दे रखा है अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना देखिए क्या लिखा हुआ है देखिए बिफोर मेकिंग द असेसमेंट रीअसेसमेंट रिकंप्यूटेशन अंडर सेक्शन 147 फोर्टी 147 में आपका असेसमेंट रीअसेसमेंट रिकम्प्यूटेशन करने से पहले एओ शेल सर्व ऑन द एससी अटिस एओ है वो अस एससी को एक नोटिस सर्व करवाएगा क्या करवाएगा सर्व करवाएगा सर्व करवाएगा अलॉन्ग विदी ऑफ ऑर्डर पास इफ रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट ए डी मीन वन फोर्टी एट ए डी जो है उसमें वो ऑर्डर का उसमें जो ऑर्डर पास हुआ था कि के तुम्हारा केस फिट है या नहीं फिट है उसका कॉपी भी इसके साथ में लगाएगा इस नोटिस के साथ में लेकिन वो इफ रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड का मतलब क्यों क्योंकि एक बात बताइए वन फोर्टी एट ए का प्रोसीजर फॉलो नहीं करना था कहां पे रेड के केसेस में तो रेड के केसेस में जब वन फोर्टी एट ए का प्रोसीजर फॉलो ही नहीं करना था तो रेड के केसेस में तो वन फोर्टी एट ए लगेगा ही नहीं तो वहां तो सीधा वन फोर्टी एट सेक्शन ही जाएगा तो यहां पे फिर सीधा आपको नोटिस भेजना है ऑर्डर लगाना है 148A ए का अगर 148A ए का प्रोसीजर फॉलो करना था तो वो करने के बाद 148A D ए डी का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर का कॉपी और ये 148 सेक्शन की नोटिस दोनों चीजें साथ में आपको एसएससी को देनी है तो देखिए क्या लिखा हुआ है बिफोर मेकिंग द असेसमेंट रीअसेसमेंट री अंडर सेक्शन वन फोर्टी सेवन दैल सर्व ऑन द एससी नोटिस अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ ऑर्डर पास अंडर सेक्शन वन ए डी

इट शैल डीम्डी वॉज रिक्वाइर्ड टू फाइल सेक्शन अब आप मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आप तो यह बोलोगे सर, लो, हमारा उस साल का इनकम बेसिक एग्जाम से कम था तो हम तो रिक्वायर ही नहीं है रिटर्न करने का क्यों 148 में फाइल करे यहां लॉमेकर हम यह अज्यूम करेंगे उस साल की इनकम सिर्फ फिफ्टी थाउजेंड ही थी ज नॉट सपोज टू फाइल रिटर्न अब वन फोर्टी में भी रिटर्न क्यों फाइल करो आप तो बोलोगे मैं तो नहीं फाइल करूंगा करके ठीक है बोला ऐसा कैसे करके ठीक है तो देखिए इन रेस्पॉन्स टू नोटिसक्शनएसम फॉर दैट ईयर इट शैल बी डीम दट एस एस सी वॉज रिक्वाइर्ड टू फर्निशर सेक्शन वन थर्टीसी इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन एट इवन इफ ही नॉर्मल प्रोविजन ऑफ रिटर्न एंड रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन एट कैन नॉट बी रिवाइज एज रिटर्न कैन बी रिवाइज ओनली वन फोर्टी एट का नोटिस तभी इशू हो सकता है जब यहां पर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होगी सबसे पहली कंडीशन वन फोर्टी एट का नोटिस इशू करने के लिए भैया उनके पास एओ के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन के बिना तो आगे बढ़ेगा ही कैसी नहीं बढ़ सकता इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अब आप बोलोगे इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है सर कौन सी इंफॉर्मेशन आप सुबह सुबह से बोल रहे हो जब से ये सेक्शन चालू की 147 की आप हर बार बोले जा रहे हो एओ के पास इंफॉर्मेशन है एओ के पास इंफॉर्मेशन है एओ के पास इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन है क्या क्या इंफॉर्मेशन कहां से आई इंफॉर्मेशन तो देखिए एओ द इंफॉर्मेशन और वो इंफॉर्मेशन सजेस्ट करती है दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट और इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा यहां पांच पॉइंट दे रखे क्या ये पांच जगह से इंफॉर्मेशन आई है तो ये इंफॉर्मेशन मानी जाएगी सबसे पहली इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड बाय द सीबीडीटी सीबीडी क्या करती है कुछ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड करती है और उसके अंतर्गत कोई इंफॉर्मेशन सीबीडीटी के पास आई CBDT ने कुछ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर रखी है और उसके अंदर CBDT के पास इंफॉर्मेशन आती है जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं आपने सुना होगा कि आजकल वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आता है डिपार्टमेंट के पास तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्ट्रेट एनुअल इंफॉर्मेशन जो क्या बोलते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट है उससे उनको पता चलेगा कि भैया यहां पर आपकी कोई इनकम है जो आपने रिटर्न में नहीं बताई एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूं कि बैंक क्या करती है हर साल एक एस एफ टी फाइल करती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड रिपोर्टेबल अकाउंट कि भाई आपने एफडी अगर इस पर्टिकुलर दस लाख से ज्यादा की एफडी कराई तो आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है आपने अगर कोई भी आपने जो है अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी बेची है और वो प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन थर्टी लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो आपकी डिटेल अपने आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है आपने क्रेडिट कार्ड का कोई बिल पेमेंट किया है और पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है आपकी डिटेल है वो ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने है ना एक झाल फैला रखा है

या इंफॉर्मेशन फ्रॉम जैसे इन्वेस्टिगेशन विंग से कुछ इंफॉर्मेशन आई 133 सी में ये नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे भी दे रखा है 135 135 है तो एंड सी इज सेम इन्वेस्टिगेशन विंग से कुछ इंफॉर्मेशन आई दूसरा दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर डिपार्टमेंट को पता चलता है कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन आया है टू द इफेक्ट दैट असेसमेंट इन केस ऑफ एसेससी फॉर रिलेवेंट असेसमेंट हैज नॉट बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट यहां ऑडिट ऑब्जेक्शन आया ऑडिट ऑब्जेक्शन का मतलब क्या ऑडिट ऑब्जेक्शन क्या किसी सीए ने ऑडिट का ऑब्जेक्शन ना, ना यहां पे ऑडिट ऑब्जेक्शन के पास में आप एग्जांपल में लिख सकते हैं कि दैट इज द सीएजी ऑडिट ऑब्जेक्शन सीएजी ऑडिट ऑब्जेक्शन आप ऐसा यहां पे लिख सकते हैं सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल सीएजी ऑडिट ऑब्जेक्शन ये क्या होता है एक बात बताऊ डिपार्टमेंट जितने असेसमेंट करता है ना एस के उसमें से कुछ असेसमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको सीएजी चेक करता है सीएजी भी ऑडिट करता है सीएजी डिपार्टमेंट की ऑडिट करता है सीएजी जो है जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनकी ऑडिट करता है तो सीएजी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑडिट कर रहा है और सीएजी को ऑडिट करते टाइम पता चला कि किसी असएससी का असेसमेंट डिपार्टमेंट ने ऐसे किया है किसी डिपार्टमेंट ने किसी असएससी का असेसमेंट ऐसे किया जिसमें इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन फॉलो नहीं किए इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से नहीं किया और ऑडिट ऑब्जेक्शन रेज किया है तो वो ऑब्जेक्शन है वो भी इंफॉर्मेशन में जाएगा और आपका वन फोर्टी एट का नोटिस इश्यू हो सकता है तो देखिए रीड करिए इस लैंग्वेज को क्या बोला हुआ है एनी ऑब्जेक्शन ऑडिट ऑब्जेक्शन टू द इफेक्ट दैट असेसमेंट इन केस ऑफ अस फॉर रिलेवेंट असेसमेंट इॉट बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इस एक्ट के अकॉर्डिंगली आपका असेसमेंट नहीं हुआ है तीसरा एनी इन्फॉर्मेशन रिसीव अंडर डबल टैक्सेशन अवॉयडेंस एग्रीमेंट फ्रॉम द फॉरन कंट्री मीन फॉर कंट्री से कुछ इंफॉर्मेशन आई है या फिर एनी इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू दंडर द स्कीम नोटिफाइड अंडर सेक्शन वन थर्टी फाइव ए ये स्कीम वही वाली मैं बात कर रहा हूं जो इन्वेस्टिगेशन विंग से जो इन्फॉर्मेशन आती है तो इस स्कीम वन थर्टी फाइव ए की स्कीम के अंतर्गत कुछ इंफॉर्मेशन आई है या फिर एनी इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आई है एक्शन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल और एनी कोर्ट मतलब किसी दूसरे कोर्ट का या किसी ट्राइब्यूनल का ऐसा कोई ऑर्डर आया है किसी दूसरे कोर्ट का या किसी दूसरे ट्राइब्यूनल का कोई ऐसा ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर से पता चलता है कि आपकी इनकम ऐसा हुई है जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर फॉर एन एग्जाम्पल मान लो जीएसटी के में कुछ ऑर्डर आया है मान लो जीएसटी में किसी और लॉ में ऑर्डर आया और उस इंफॉर्मेशन से पता चलता है आपकी इनकम स्केपिंग हुई है तो यहां पे बेटा आपका 147 हो सकता है मिस 148 जो है उसके लिए आपको नोटिस इश्यू हो सकता है करके ठीक है तो देखिए मैंने आपको क्या बोला समझने की कोशिश करना 148 का नोटिस आपको तभी इश्यू हो सकता है जब पहली कंडीशन है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन कहां से आ सकती है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन में पांच तरह की इंफॉर्मेशन पांच तरह की इंफॉर्मेशन क्या है सबसे पहले अगर सीबीडीटी का रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है उससे कुछ इंफॉर्मेशन मिला या फिर सीएजी का ऑडिट ऑब्जेक्शन आया और ऑडिट ऑब्जेक्शन से पता चलता है किसी एस का असेसमेंट प्रॉपर मैनर में नहीं हुआ है या फिर फॉरन से कुछ इंफॉर्मेशन आई या फिर एक 135 A की वन थर्टी फाइव ए की स्कीम अपने सिलेबस में नहीं है बट की स्कीम क्या है पता है पता मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है और उसको वेरीफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग है उससे और इंफॉर्मेशन मंगाती है और वेरीफाई करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन असेसमेंट विंग को दे देती है तो, तो दैट इज इस वन स्कीम एक स्कीम क्या है देखो मैंने आपको वन सी बताया था वन सी है वो आजकल नहीं लगता है उसकी जगह एक नई स्कीम आई है वन ए और 135 ए में क्या होता है कि डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करने के लिए आपसे और कोई इंफॉर्मेशन मंगाते हैं और वो इंफॉर्मेशन जब वेरीफाई हो जाती है तो वो इंफॉर्मेशन असेसमेंट विंग को दे देते हैं एंड लास्ट पार्ट किसी और किसी ट्राइब्यूनल या कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उसके कॉन्सिक्वेंस की वजह से अगर ऐसा पता चलता है कि आपकी इनकम पर्टिकुलर केस में आपको इश्यू हो सकता है तो पहला रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्शन आया है तीसरा फॉरनसे से इंफॉर्मेशन डीटी डबल स्कीम के हिसाब से मिली है या किसी और कोर्ट या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया और उसके कॉन्सिक्वेंस की वजह से पता चलता है कि आपकी इनकम एस्केप हुई है तो ये पांच इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपका 147 में असेसमेंट हो सकता है अब एक और चीज समझना नेक्स्ट पार्ट तो दूसरी कंडीशन पहली कंडीशन तो क्या थी कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दूसरी कंडीशन एओ हैज ऑप्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटी मींस हायर अथॉरिटी का आपने अप्रूवल लेके ये नोटिस भेज सकते हो लेकिन एक्सेप्ट व्हेन एओ पास ऑर्डर अंडर सेक्शन एट ए डी विद अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी देखो 148 का नोटिस इश्यू करने के लिए 148 का नोटिस इश्यू करने के लिए आपको प्रायर अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा लेकिन अगर आपने प्रायर अथॉरिटी का अप्रूवल हायर अथॉरिटी का अप्रूवल ऑलरेडी लिया हुआ है ये वन ए डी का ऑर्डर पास करने के लिए भाई आपने ये जब डिसाइड किया होगा कि आपका केस फिट है या नहीं फिट है तो इसमें अगर ऑलरेडी यहां अप्रूवल लिया हुआ है क्योंकि मैंने बोला हुआ है अप्रूवल ऑफ हायर ऑथोरिटी यहां अगर आपने ले रखा है तो वापस 148 फोर्टी इश्यू करने के लिए आपको प्रायर अप्रूवल प्रायर हायर ऑथोरिटी का प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है बट अदरवाइज आपको हायर ऑथोरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा और तीसरा एओ हैज कंप्लाइड विद द प्रोसीजर गिवन अंडर सेक्शन 148 ए 148 ए में जो प्रोसीजर दे रखा है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा बट सर्च केसेस में मैंने बोला था फॉलो करने की जरूरत नहीं है तो देखिए मैं वापस से चलते हैं और वापस एक बार समझते हैं कि मैंने क्या बोला अभी तक सीक्वेंसिंग को समझिए आप देखिए सीक्वेंसिंग को दिमाग में बिठाइए 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट एओ के पास इंफॉर्मेशन है आपकी इनकम को वो असेस रीअसेस कर सकता है उसके लिए पहले उसको 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करना है 148 ए क्या बोलता है सबसे पहले अगर वो इसको इंक्वायरी करनी है वो कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द प्रायर अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटी इंक्वायरी करने के बाद आपको शोकोस नोटिस भेजेगा और बोलेगा क्यों ना मैं वन का नोटिस इशू कर दू तू तो तेरा रिप्लाई दे सेवन डेज मिनिमम देगा मैक्सिमम थर्टी डेज एक्सटेंड हो सकता है उसके बाद में वो ऑर्डर पास करेगा एट ए डी का और उस ऑर्डर में बोलेगा क्या आपका केस फिट है 148 के लिए?

या फिर से इंफॉर्मेशन आई है या फिर एक सेक्शन वन थर्टी फाइव एक स्कीम होता है उसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन आई है या फिर किसी कोर्ट का ऑर्डर आया ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया और उसके कॉन्सिक्वेंस से लग रहा है कि आपकी इनकम एस्केप हुई है तो ये इंफॉर्मेशन में आएगा अब एक चीज समझना दूसरी कंडीशन ये है कि यहां 148 148 का नोटिस इश्यू करने के लिए हायर अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा लेकिन अगर उसने 148 फोर्टी डी का ऑर्डर पास करते टाइम ऑलरेडी हायर अथॉरिटी का अप्रूवल ले लिया है, तो 148 का नोटिस करने के लिए प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है तीसरी कंडीशन 148 का नोटिस इश्यू करने के लिए वन ए का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा लेकिन सर्च केसेस में करने की जरूरत नहीं है मैं बताया सर्च केसेस में करने की जरूरत नहीं है अब एक और चीज समझना लॉमेकर बोलते हैं बड़ा सिंपल सा आप है समझना कि भाई आपको 148 का नोटिस तभी आ सकता है जब एओ के पास इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन का मतलब ये पांच इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन का मतलब ये पांच इंफॉर्मेशन ये पांच इंफॉर्मेशन है तो ही आपके पास 148 का नोटिस आ सकता है लेकिन बेटा इसके तीन एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें ये मान लिया जाएगा कि एओ के पास इंफॉर्मेशन है भले इंफॉर्मेशन नहीं है तीन ऐसे केसेस है जिसमें यह मान लिया जाएगा कि एओ के पास इंफॉर्मेशन है भले एओ के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तीन केसेस में कौन कौन से तीन केस पहला अगर आप पे रेड हो गई देखो आप पे रेड हो गई ना सीधा वो नोटिस भेज सकते हैं भले उनके पास इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड कुछ नहीं है रेड हो गई सर्च हो गया आपके ऊपर तो दूसरा आपके ऊपर सर्वे हो गया टीडीएस टीसीएस सर्वे को छोड़ के अगर आपके ऊपर कोई सर्वे हो गया और सर्वे में टीडीएस टीसीएस सर्वे को छोड़ के और तीसरा अगर मान लो रेड किसी और पर्सन पे हुई थी मेरे मामा पे हुई थी और उनके पास कुछ असेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट ऐसा मिला है जो मेरे से रिलेटेड है मेरे को पर्टेन करता है मेरे से रिलेटेड है मे, मैं, मेरे से रिलेटेड है तो उस पार्टी मैं उसको बिलोंग करता हूं तो उस पर्टिकुलर केस में मेरा एओ है वो सीधा वन भेज सकता है उसको इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है तो देखो मैंने क्या बोला तीन केसेस ऐसे हैं जिसमें यह मान लिया जाएगा कि एओ के पास इंफॉर्मेशन है करके एओ के पास इंफॉर्मेशन है यह कौन कौन से तीन केसेस तो देखिए डीम टू हैविंग द एओ इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग केसेस इट बी डीम्ड दैट एओ इज हैविंग द इंफॉर्मेशन कौन कौन से केसेस में पहला सर्च इज इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 132 और रिक्विजिशन इज मेड अंडर सेक्शन 132 ए या तो आपके केस में रेड हुई है दूसरा सर्वे इज कंडक्टेड अंडर सेक्शन वन थर्टी थ्री ए बट अदर देन टीडीएस टीसी एक बात समझना यहां सर्वे हुआ टी डी एस टीसीएस सर्वे को छोड़कर तीसरा दू इज सेटिस विदायर अप्रूवल ऑफ द सी आई टी पीसीआईटी दैट एनी अट और बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट सीजड और रिक्विजेड इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन किसी और पर्सन पे रेड हुई लेकिन उसमें जो असेट या बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट मिला है दैट्स बिलोंग्स टू और परटेन टू और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दी वो है या फिर डॉक्यूमेंट है या फिर वो है, वो है मेरे से रिलेटेड मैंने दिया देखिए सर्च कंडक्टेड अंडर सेक्शन वन थर्टी टू ऑन फिफ्टीन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन द प्रिमाइसिस ऑफ द बाला तो यहां पर बाला पे रेड हुई है ड्यूरिंग द सर्च एओ फाउंड दैट सम डॉक्यूमेंट रिलेट टू मिस्टर गणेश इन दिस केस एओ ऑफ बाला विल फॉरवर्ड सच डॉक्यूमेंट्स टू द एओ हैविंग ओवर द गणेश गणेश के एओ एओ को भेजेगा अब गणेश का क्या करेगा इन दिस केस इट इज डीम्ड दैट रेस्पेक्टिव एओ मिस गणेश का एओ एज वेल एज द बाला का एओ हैविंग द इन्फॉर्मेशन एंड नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैन बी इशूड यहां पे 148 में नोटिस सीधा इशू हो सकता है इन्फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है देखो वापस बोल रहा हूं मैं 148 का नोटिस आपको इश्यू किया जाएगा आपसे बोला जाएगा आप रिटर्न फाइल करिए बट 148 का नोटिस इश्यू करने के लिए तीन कंडीशन पहली कंडीशन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इंफॉर्मेशन पांच इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से आई है ऑडिट ऑब्जेक्शन सीएजी का समझिए तीसरा अगर फॉरन कंट्री से मिला है चौथा आपका वन थर्टी फाइव ए के स्कीम के अंतर्गत मिला है और लास्ट वाला अगर किसी और कोर्ट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया और उसकी वजह से पता चल रहा है आपकी इनकम एस्केप हुई है तो उस पर्टिकुलर केस में यह डीम टू बी हैविंग इंफॉर्मेशन मान लिया जाएगा सॉरी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन में आएगा लेकिन एक चीज समझना पहली कंडीशन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दूसरी कंडीशन वन ए का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा बट वन ए का फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर रेड हुई थी तो तीसरी कंडीशन कि भैया हायर ऑथोरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा 148 का नोटिस इश्यू करने के लिए 148 का नोटिस इशू करने के लिए हायर ऑथोरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा लेकिन 148 फोर्टी ए डी का ऑर्डर पास करते टाइम ऑलरेडी आपने अगर हायर ऑथोरिटी का अप्रूवल ले लिया है तो वापस लेने की जरूरत नहीं है लेकिन बाबू इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है लेकिन तीन ऐसे एक्सेप्शनल केसेज है जिसमें यह मान लिया जाएगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन है डीम टू हैविंग द इंफॉर्मेशन कौन कौन से guesses? तीन केस सबसे पहला केस आपका कि अगर मान लो आप पे रेड हुई थी दूसरा आप पे सर्वे हुआ था टीडीएस टीसीएस को छोड़ के और तीसरा रेड किसी और पे हुई थी बट उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बुक्स असेट आपके रिलेटेड मिली तो आपके एओ को मिली तो आपका एओ सीधा आपको 148 का नोटिस भेज सकता है इंफॉर्मेशन होने की कोई जरूरत नहीं है दिस इज द कंप्लीशन ऑफ थ्री सेक्शन 147 148 एंड 148 ए करके अब अपन आगे चलेंगे एक सेक्शन आई 148 बी करके और 148 बी जो है वो सेक्शन क्या बोलती है बड़ी सिंपल सी सेक्शन आई इसी साल से ऐड की गई और बड़ी लॉजिकल सेक्शन है ये सेक्शन बोलती है कि अगर किसी assessee के केस में रेड हुई है मींस सर्च हुआ है रेड हुई है या फिर आपके केस में सर्वे हुआ है टीडीएस टीसीएस सर्वे को छोड़ के तो आपका 147 में असेसमेंट होगा बट ये असेसमेंट हमेशा सबसे बड़ा एओ करेगा सबसे बड़ा एओ सबसे बड़ा एओ कौन होता है ज्वाइंट कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर या फिर ज्वाइंट डायरेक्टर या एडिशनल कमिश्नर या एडिशनल डायरेक्टर आपका वो ही असेसमेंट करेगा कभी भी छोटा नन्ना मुन्ना एओ जो होता है आईटीओ एसीडीसी वो नहीं करेगा तो देखिए बट वो अगर अप्रूवल दे देता है जेसी तो जेसी के लोअर लेवल का बंदा आपका केस कर सकता मतलब असेसमेंट कंप्लीट कर सकता है अदरवाइज बाबू आपका जो असेसमेंट कंप्लीट करेगा वो सिर्फ जेसी ही करेगा ज्वाइंट कमिश्नर एओ में सबसे ऊपर कौन होता है जेसी होता है एओ में सबसे ऊपर कौन होता है जेसी होता है तो जेसी एसी डीसी आई होते हैं तो भैया सबसे हाईएस्ट लेवल का टॉप एओ कौन होता है जेसी तो आपके केस में अगर रेड हुई थी या सर्वे हुआ था और अब आपका 147 में असेसमेंट हो रहा है क्योंकि रेड होगी तो 147 होगा हो ही होगा और 147 में असेसमेंट हो रहा है तो बाबू आपका जो असेसमेंट कंप्लीट करेगा वो कौन करेगा सिर्फ एंड सिर्फ बेस्ट जो हाइएस्ट लेवल का है वो ही करेगा देखिए क्या लिखा हुआ है प्रायर अप्रूवल फॉर असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन ऑफ सर्टेन इनकम वेयर सर्च इनिशिएटेड अंडर सेक्शन वन थर्टी टू इन केस ऑफ एस एससी और एनी अदर पर्सन और सर्वे कंडक्टेड अंडर सेक्शन वन थर्टी थ्री ए अदर देन टी डी एस टी सी ए सर्वे देन असेसमेंट और रीअसेसमेंट शेल नॉट बी मेड बाय एओ बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द जेसी जेडी एडिशनल सीआईटी और एडिशनल डीआईटी मीन जेसी से लोअर लेवल का बंदा कोई भी असेसमेंट नहीं करेगा बड़ा ऑफिसर करेगा जेसी आपका असेसमेंट कंप्लीट करेगा बट अगर मान लो जेसी जेडी एडिशनल सीआईटी एडिशनल डीआईटी वो अगर अप्रूवल देते हैं तो आईटीओ या फिर एसीडीसी भी कर सकता है करके चलिए अब एक बात समझिए 148 का नोटिस इशू कब तक हो सकता है 148 का नोटिस इशू कब तक हो सकता है एक बात बताऊं 148 का नोटिस इश्यू करने का टाइम लिमिट ऐसा आप 148 का. देखो, पहले 148 है, का होता है बट वो प्रोसीजर के बाद में फिर 148 का नोटिस आएगा आपको बोला जाएगा रिटर्न फाइल करिए वो कब तक इश्यू हो सकता है मैं बताऊं उसका इश्यू करने का टाइम लिमिट है नॉर्मली इट इज टू विद इन थ्री इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर के एंड से थ्री इस के अंदर अंदर लेकिन अगर टेन ईयर्स हो जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इफ इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट अमाउंट्स टू और इज लाइकली टू अमाउंट्स टू फिफ्टी लाख रुपीज और मोर फॉर दैट ईयर मींस भैया आपका 50 लेख या उससे ज्यादा का इनकम एस्केपिंग है तो आपको 10 साल तक नोटिस इशू हो सकता है करके चलिए एक बात बताइए ये टाइम लिमिट में लिखा हुआ है नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट लेकिन 148 बोल रही थी कि नोटिस सर्व करवाना पड़ेगा देखो 148 का अगर आप देखोगे पहली लाइन में यहां मैंने दे रखा है ऑन द पेज नंबर 317 वन सेवन यहां मैंने दे रखा है नोटिस सर्व करवाना पड़ेगा मुझे बताइए दोनों सेक्शन सही बोल रही है या गलत बोल रही है मीन यहां कोई मिस्टेक है लॉ में क्योंकि यहां पे क्या दे रखा था कि 147 का असेसमेंट करने के लिए 148 का नोटिस है वो सर्व करवाना पड़ेगा लेकिन टाइम लिमिट दे रखी है इशू करवाने की टाइम लिमिट जो दे रखी है वो इशू करने की दे रखी है थ्री इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड गाइस थ्री इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड टेन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तो माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू मेरा क्वेश्चन आपसे यह है क्या यह सही है लॉ या लॉ में शायद कोई डिफेक्ट है आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है लॉ सही है या लॉ में कुछ डिफेक्ट है लॉ सही है या लॉ में डिफेक्ट है क्योंकि 148 में ये लिखा हुआ है कि 148 का नोटिस है वो सर्व करवाना पड़ेगा सर्व करवाना पड़ेगा लेकिन 149 फोर्टी वन में जो टाइम लिमिट दे रखी है वो बोलती है कि 148 का नोटिस इश्यू करवाना पड़ेगा विद इन थ्री ईयर्स फ्रॉम एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और टेन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट इयर तो सही है या लॉ में डिफेक्ट है राइट आंसर इज राइट आंसर इज राइट आंसर इज टाइम लिमिट इश्यू करने का दे रखा है बट बोला एंड नोटिस सर्व कराना पड़ेगा राइट आंसर इज लॉ मेकर्स ने क्या सही बनाया है लॉ या कोई गलती है राइट आंसर इज लॉ बहुत ही सही बनाया है जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं एक बात समझिए बहुत सही बनाया नोटिस आपको इशू करना पड़ेगा नोटिस आपको इशू कराना पड़ेगा टाइम लिमिट में सर्व उसके बाद भी हो सकता है सर्व का मतलब होता है सर्व का मतलब होता है सर्व का मतलब होता है एक बात समझिए सर्व का मतलब होता है नोटिस सर्व करवाना पड़ेगा सर्व का मतलब होता है रिसीव होना और इशू का मतलब होता है इशू कर देना दोनों में फर्क है ऐसा क्यों बनाया इसके पीछे एक रीजन है जैसे मैं एक, एक, एक लेता हूं आज की डेट में मुझे बताइए विजय माल्या ट्रेसेबल नहीं है विजय कहां है आपको पता नहीं मान लो विजय माल्या का असमेंट इवेल्व थर्टीन का कोई इनकम एस्केपिंग मिल जाता है और वो फिफ्टी लैख से ज्यादा है तो भैया जब वो बंदा ट्रेसेबल ही नहीं है उसको आप ट्रैक ही नहीं कर सकते तो नोटिस सर्व तो कैसे कराओगे तो देखो ये लोग क्या करेंगे लॉ में बोला हुआ है नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट है और नोटिस इश्यू करने का टाइम लिमिट आपका असेसमेंट ईयर के एंड से अगर मैं टेन ईयर्स लेता हूं तो यहां पे असेसमेंट ईयर के एंड से टेन ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ये लोग यहां पे नोटिस इश्यू करना है कोई बात नहीं इस डेट को ये लोग क्या करेंगे इससे पहले पहले इश्यू करके रख लेंगे नोटिस साइन करके रख लेंगे विजय माल्या मिल नहीं रहा है कोई बात नहीं मान लो विजय माल्या यहां पे मिल गया इसने मान लो छह सात महीने बाद यहां मिल गया तो इसको नोटिस सर्व करवा देंगे क्या ये लॉ का सही कंप्लायंस है आंसर इज यस देखो 148 में बोला था नोटिस सर्व करवाना है बट टाइम लिमिट इशू का दीर्घ है बड़ा सोच समझ के बनाया है ऐसा क्योंकि एक बात बताइए कोई पर्सन अगर ट्रैकेबल नहीं है ट्रेसेबल नहीं है उसका मेल आईडी ही नहीं है उसका कुछ डिटेल नहीं है तो कहां नोटिस अपन सर्व करवाए उसको कोई बात नहीं डिपार्टमेंट इशू करके रख लेगा इश्यू करके रख लेगा जब वो मिलेगा तो उसको बोला जाएगा धापा इधर आ करके ठीक है तुझे धापते है इधर आ करके ठीक है और उसको नोटिस है वो सर्व करवाया जाएगा यू गॉट माई पॉइंट ऑन नॉट यस तो लॉ में कोई डिफेक्ट नहीं है लॉ बड़ा क्लियर है टाइम लिमिट नोटिस इशू करने का है सर्व उसके बाद भी करा सकते हैं सर उसके बाद भी करा सकते हैं लॉ मेकर्स ने टाइम लिमिट नोटिस इशू करने का दे रखा है कि 148 का नोटिस इशू होता है Within इन थ्री from फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट year ईयर जिसका इनकम एस्केपिंग है या फिर आपका टेन years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट assessment ईयर करके चलिए अब आप एक बात समझना बड़ी इंटरेस्टिंग डन अब एक बात समझना मैं अगले कुछ दस मिनट तक आपको मैं जो एक फंडा समझाने वाला हूं यह फंडा अगर आपको समझ में आए पॉइंट नंबर दो उसी से रिलेटेड है एज वेल एज द पॉइंट नंबर एग्जाम्पल नंबर टू है ये पॉइंट नंबर टू जो है ये उसी से रिलेटेड अगर आपको समझ में आए तो ठीक है नहीं समझ में आए तो भी ठीक है एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है एग्जाम्पल के एग्जाम के लिए आपको ये पॉइंट पूछा नहीं जाएगा बट प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में ये काम आता है एक बात बताऊं मैं आपको ये जो पूरा लॉ किया गया ना निर्मला सीतारमन जी ने 147 वन फोर्टी सेवन का यह रीवें टू थाउजेंड एंड था। ट्वेंटी था। वन से मीन लास्ट ईयर लास्ट ईयर से इन्होंने ये 14 2021 से पूरा लॉ रिवैम्प किया गया 147 की पूरी सीरीज इससे पहले क्या था गिरीश पता है इससे पहले क्या था अगर मैं इससे पहले बोलू अभी देखो अभी 149 का टाइम लिमिट क्या है तो 149 का टाइम लिमिट थ्री ईयर एंड टेन ईयरस है थ्री इस एंड टेन ईयर अब एक बात समझिए थ्री इय एंड टेन ईयर लेकिन इससे पहले टाइम क्या हुआ करता था पता है वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से अमेंड किया गया उससे पहले बिफोर वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से पहले यहां पे टाइम लिमिट इस सेक्शन में कैसा था पता है कि नॉर्मल टाइम लिमिट था फोर ईयर का मीन फोर इयर्स तक आप जो है वो भेज सकते हैं नोटिस फोर ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और इनकम एस्केपिंग अगर वन लाख रुपीज या उससे ज्यादा है तो सिर्फ सिक्स ईयर तक नोटिस भेज सकते हैं सिर्फ छह साल तक ही नोटिस पहले भेज सकते थे आप इसको सिर्फ सिक्स ईयर याद रखिए कि देखिए पहले क्या था लॉ वन फोर टू थाउजेंड वन फोर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन से पहले वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से पहले इससे बिफोर वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन यहां टाइम लिमिट हुआ करती थी ना वो सिर्फ सिक्स ईयर की हुआ करती थी दैट इज सिक्स ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर मीन असेसमेंट ईयर के एंड से छह साल के अंदर अंदर ही आप नोटिस भेज सकते थे ये टाइम लिमिट पहले हुआ करती थी बट हमारी निर्मला सीतारमन जी आई उन्होंने बोला कि नहीं छह साल नहीं हमको छोड़ा ज्यादा चाहिए मोदी जी का काम है कहीं ना कहीं से पैसा लाओ करके ठीक है इन्होंने बोला हम इसको दस साल करेंगे तो उन्होंने टाइम लिमिट कर दिया कि इनकम एस्केपिंग अगर आपका कितना भी है तो थ्री इयर्स और अगर फिफ्टी लेके उससे ज्यादा है तो हम दस साल तक जाएंगे टेन इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तो तो लोग बोलेंगे ये गलत है हमारे साथ पहले लॉ क्या था फर्स्ट अप्रैल टू से पहले लॉ क्या था

अगर हम आपको पुराने लॉ के हिसाब से नोटिस इशू नहीं कर सकते तो डोंट वरी हम आपको नए लॉ के हिसाब से नोटिस इशू नहीं करेंगे इन्होंने क्या मस्त प्रोविजन डाला बढ़िया सही सीधी सी थी थी बात है यार एक बात बताओ कल आज तक मान लो फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट अप्रैल 2021 से पहले लोग क्या सोचते थे कि भाई छह साल तक ही अपना केस खुल सकते हैं अब आपने फर्स्ट अप्रैल 2021 से लॉ बना दिया बोला नहीं नहीं हम तो दस साल के खोलोगे ये तो गलत है ना यार तो इन्होंने बोला क्या हम यहां चेक करेंगे कि पुराने लॉ के हिसाब से आपका केस खुल सकता है यानी अगर पुराने लॉ के हिसाब से केस खुल सकता है नए लॉ के हिसाब से खुल सकता है तो ही हम आपका केस खोलेंगे अगर पुराने लॉ के हिसाब से आपका केस नहीं खुल सकता तो डोंट वरी हम नए लॉ के हिसाब से आपका केस नहीं खोलेंगे ऐसा उन्होंने एक यू कैन से दैट द ग्रैंड फादरिंग रूल दिया अब यह एग्जामिनेशन है यह रिलेवेंट नहीं है करके ठीक देखिए क्या लिखा हुआ है नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट कैन नॉट बी इश्यूड फॉर असेसमेंट इ्वेंटी वन ट्वेंटी टू एंड अर्लियर असेसमेंट इयर असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर बीस इक्कीस प्रीवियस ईयर बीस इक्कीस एंड उसके पिछले सालों के लिए आपको नोटिस इश्यू नहीं होगा इफ सच नोटिस कुड नॉट हैव बिन इशूड एज पर द ओल्ड प्रोविजन ऑफ सेक्शन वन फोर्टी नाइन एंड एज पर ओल्ड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 149 नोटिस कुड बी ओनली सेक्शनोटिस अपू सिक्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इफ इनकम एस्केपिंग रिलउंट टू रुपीज वन लाख रुपीज और मोर तो पहले लॉ ये बोलता था कि छह साल तक ही नोटिस इश्यू कर सकते हैं भाई पहले लॉ ये बोलता था कि छह साल तक ही नोटिस इश्यू कर सकते हैं अब आपने दस साल ला लिया तो दस साल वाला प्रोविजन नहीं लगेगा अगर भैया पुराने इयर्स के लिए आपका छह साल वाले के हिसाब से नोटिस इशू नहीं कर सकते तो दस साल वाले के हिसाब से नहीं करेंगे अब मैंने इसके लिए कुछ एग्जांपल बनाए देखिए एओ हैविंग द इन्फॉर्मेशन दट इनकम एस्केपिंग इज सिक्सटी लाख रुपीज इच ईयर फॉर फोर मिस्टर के के एस्केप्ड फ्रॉम असेसमेंट इेन इलेवन से लेकर असेसमेंट इवेंटी वन ट्वेंटी टू तक एओ विश टू इश्यू नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट ऑन सेवनटीन ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को तो एओ चाहता है कि 17 अगस्त 2021 को वो नोटिस इश्यू करना चाहता है 148 के के असेसमेंट असेसमेंट ईयर ईयर 10, 11 से के, 21, 22 तक और हर साल की इनकम एस्केप हुई है आपका कितनी 60, 60 लाख क्या एओ कर सकता है या नहीं एओ क्या है वो कर सकता है या नहीं तो देखिए मैं एक 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 चीज समझाता हूं पहले मैं लेता हूं असेसमेंट ईयर इेन इलेवन पहले मैं लेता हूं समझने की कोशिश करना प्रत्येक रुप जा असेसमेंट इेन इलेवन तो असेसमेंट ईयर टेन इलेवन की अगर मैं बात करूं तो पुराने लॉ के हिसाब से नोटिस छह साल तक इशू हो सकता था पुराने लॉ के हिसाब से नोटिस छह साल तक इशू हो सकता था इसका मतलब असेसमेंट ईयर एंड कब होगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड इलेवन तो वहां से सिक्स इर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवनटीन तक हो सकता था नए लॉ के हिसाब से टेन ईयर तो नए लॉ के हिसाब से टेन ईयर में थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एक बात बताइए एक बात बताइए ये कब इशू करना चाहता है 17 अगस्त 2021 को तो इस दिन तो ओल्ड लॉ के हिसाब से भी नहीं कर सकता नए लॉ के हिसाब से भी नहीं कर सकता इसका मतलब 148 का नोटिस इशू नहीं हो सकता तो देखिए 10 11 का नोटिस नो एज पर ओल्ड प्रोविजन नो एज नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैन बी इशू ओनली टिल थर्टी फर्स्ट मार्च टू एंड नए लॉ के हिसाब से थर्टी फर्स्ट मार्च टू वन और आप इश्यू कब करना चाहते हो 17 2021 तो आप नहीं कर सकते लेकिन एक बात असेसमेंट ईयर अगर मैं 11-12 तो का आप नोटिस है वो कब तक एज पर द न्यू लॉ ओल्ड लॉ के हिसाब से कब तक कर सकते थे 12 से लेके 6 ईयर लोगे तो 31 मार्च 2018 तक तो एक बात बताइए आप ओल्ड लॉ के हिसाब से आज इश्यू नहीं कर सकते तो न्यू लॉ के हिसाब से भले कर सकते हैं बट तो भी आप नोटिस इश्यू नहीं कर पाएंगे उसके अगले साल का दैट इज असेसमेंट ट्वेल्व थर्टीन का एक बात बताइए ट्वेल्व थर्टीन का आप थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन तक कर सकते थे आप ओल्ड लॉ के हिसाब से टाइम चला गया है आज नहीं कर पाओगे उसके अगले साल का थर्टीन फोर्टीन का थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी तक कर सकते थे वो भी चला गया उसके अगले साल असेसमेंट फोर्टीन फिफ्टीन का थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक कर सकते थे वो भी टाइम चला गया तो एक बात बताओ असेसमेंट ईयर 11, 12 से लेके असेसमेंट ईयर 14, 15 का आप ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से नो एज पर नोटिस कैन बी इशू टिल 31 मार्च 18, 19, ट्वेंटी 21 वो जा चुके हैं तो ओल्ड लॉ के हिसाब से इश्यू नहीं कर सकते बट यस नोटिस आप न्यू लॉ के हिसाब से इश्यू कर सकते हैं तो आप नोटिस ओल्ड लॉ के हिसाब से जब आप इशू नहीं कर सकते तो अब आप न्यू लॉ के हिसाब से भी नोटिस इश्यू नहीं कर पाएंगे तो नोटिस अंडर सेक्शन 148 फोर्टी एट कैन नॉट बी इश्यू एज पर द फर्स्ट प्रोवाइज टू सेक्शन वन फोर्टी नाइन नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट कुड नॉट बी इश्यूड एज पर ओल्ड प्रोविज़न देन एओ कैन नॉट इश्यू द नोटिस एज पर द न्यू प्रोविजन अब एक बात बताओ असेसमेंट 15, 16 का नोटिस ओल्ड लॉ के हिसाब से कब तक इश्यू हो सकता है तो ओल्ड लॉ के हिसाब से यहां 16 से अगर आप लेंगे तो 16 असेसमेंट uh, 15, 16 का एंड 31 मार्च 2016 और वहां से सिक्स ईयर 31 मार्च 2022 तो आज आप कर सकते हैं ओल्ड लॉ के हिसाब से आंसर इज यस के हिसाब से भी कर सकते yes. तो बेटा यहां पे असेसमेंट 15 16 से लेके के ये नोटिस आप ओल्ड लॉ के हिसाब से भी कर सकते हैं न्यू के हिसाब से भी कर सकते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में आज की डेट में आप नोटिस इशू कर सकते हैं आंसर इज यस 17 अगस्त 2021 को आप उन को के लिए नोटिस इश्यू कर सकते हैं करके यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक चीज समझना लेकिन देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि ओल्ड लॉ के हिसाब से कर सकते हैं बट न्यू लॉ के हिसाब से नहीं कर सकते ऐसा कब हो सकता है एक बात बताओ अगर आपकी इनकम एस्केपिंग 50 लाख से कम है अगर आपकी इनकम एस्केपिंग है वो इनकम एस्केपिंग 50 लाख से कम है तो न्यू लॉ तो के हिसाब से तो आप थ्री ईयरस तक ही कर सकते हैं ओल्ड लॉ के हिसाब से आप सिक्स ईयर तक कर सकते हैं तो अगर आप ओल्ड लॉ के हिसाब से कर सकते हैं न्यू लॉ के हिसाब से नहीं कर सकते तो डोंट वरी आपका केस ओपन नहीं होगा भाई सीधी सी बात है अभी तो न्यू लॉ देखेंगे तो न्यू लॉ के हिसाब से अगर आप नहीं कर सकते ओल्ड लॉ के हिसाब से आप कर सकते हैं आपका केस यहां पे ओपन नहीं होगा और ये मैंने एग्जांपल नंबर टू लिया तो देखिए मैंने क्या बोला समझना सपोज इन एग्जांपल नंबर वन इनकम एस्केपिंग इज ट्वेंटी लैख इंस्टेड ऑफ द सिक्सटी लैख पहली चीज तो देखो टेन इलेवन का तो ना तो ओल्ड लॉ के हिसाब से कर सकते ना न्यू लॉ के हिसाब से तो नहीं करेंगे उसके बाद 11, 12 से लेके 14, 15 के से नहीं कर सकते न्यू लॉ के हिसाब से भी नहीं कर सकते तो नहीं हो बट न्यू लॉ के हिसाब से, से नहीं कर सकते तो नोटिस कैन नॉट बी इश्यू एंड बेटा लास्ट के अब ये तीन चार साल है इसका 18, 19 से 21, 22 ओल्ड लॉ के हिसाब से भी कर सकते न्यू के हिसाब से भी कर सकते हैं तो आप नोटिस अंडर सेक्शन 148 है वो आपका इश्यू हो सकता है करके ठीक है चलिए अगर मैंने जो आपको समझाया यहां पे अगर आपको समझ में आया तो ठीक है अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी ठीक है अगर आपको समझ में आया तो ठीक है अगर आपको समझ में नहीं आया ये वाला पार्ट तो भी ठीक है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए नो, नो डाउट इसको अपन ध्यान रखते हैं बट एग्जामिनेशन ऑब्वियसली एग्जामिनर नहीं पूछेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आपको पुराने प्रोविजन नहीं दे रखे पुराना लॉ क्या था वो आपको नहीं दे रखा मैंने तो यहां पर तो भी एग्जाम्पल लेके और आपको कराया है एक बात बताओ मुझे मुझे एक बात बताओ वापस 148 का नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट क्या है बताओ ना 148 का नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट क्या है थ्री इयर्स एंड थ्री इयर्स एंड टेन इयर्स मिस नॉर्मल केस में आपका थ्री इयर्स फ्रॉम एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और दूसरा टेन ईयर फ्राम द एंड ऑफ द रिलेवेंट अट ईयर तो टाइम लिमिट वन फोर्टी एट का नोटिस इशू करने का थ्री इय फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट अट ईयर और दूसरे केस में टेन फ्रॉम द एंड एक बात बताओ लॉमेकर बोलते हैं कि यह जो टाइम लिमिट आपका थ्री इयर्स और टेन ईयर्स है ना इसमें कुछ टाइम है वो हम एक्सटेंड करेंगे एक्सटेंड कौन सा करेंगे तो देखो सबसे पहला बड़ा लॉजिकल है आप चीजों को समझना पहला प्रोवाइडेड दैट द टाइम लिमिट टू इश्यू नोटिस अंडर सेक्शन 148 148 का टाइम लिमिट है थ्री इयर्स एंड टेन इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिल असेसमेंट ईयर इल बी एक्सटेंडेड बाय द फॉलोइंग टाइम कौन सा टाइम पहला टाइम और एक्सटेंडेड टाइम अलाउड टू अस टू फाइल रेस्पॉन्स ऑफ शोकोज नोटिस अंडर सेक्शन वन ए मिस आपको पता है 148 का नोटिस भेजने से पहले एक 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करते थे प्रोसीजर में सबसे पहले इंक्वायरी करते थे इंक्वायरी करने के बाद आपको शो शोकोज नोटिस भेजते थे क्यों ना तुमको 148 का नोटिस भेज दे आपको मिनिमम सेवन डेज से लेके मैक्सिमम थर्टी डेज का टाइम देते थे उसको एक्सटेंड भी कर सकते थे तो उसमें जितना टाइम खराब होगा मींस जितना शो कोज नोटिस में आपको टाइम दिया है उतना टाइम एओ को यहां एक्स्ट्रा मिलेगा उतना टाइम है वो एओ को एक्स्ट्रा मिलेगा या फिर अगर किसी कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया मिस टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 148 ए का प्रोसीडिंग जो आपका हो रहा था जो प्रोसीजर 148 फोर्टी एट ए में फॉलो करते हैं उस पर किसी कोर्ट ने स्टे लगा दिया कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो जितना टाइम खराब हुआ वो टाइम यहां एओ को एडिशनल मिलेगा वाइल कैलकुलेटिंग द टाइम लिमिट ऑफ द थ्री ईयर एंड टेन ईयर तो थ्री ईयर एंड टेन ईयर का टाइम कैलकुलेट करने के लिए एओ को एडिशनल टाइम मिलेगा कौन सा एक तो 148 फोर्टी ए के वहां पर शोकोज नोटिस आपको भेजा था रेस्पॉन्स करने के लिए मिनिमम सेवन डेज मैक्सिमम थर्टी डेज का जो टाइम देते थे उसमें जितना टाइम आपको दिया गया था उतना एओ को यहां एक्स्ट्रा मिलेगा और अगर किसी कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया अगर किसी कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया अगर किसी कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया तो स्टे ऑर्डर में जितना टाइम खराब हुआ उतना एओ को एक्स्ट्रा मिलेगा चलिए मैंने एग्जांपल लिया नंबर पे देखिए से एस्केप फ्रॉम असेसमेंट मान लो एटीन नाइनटीन का इन्फॉर्मेशन है एओ के पास कि आपकी जो है वो ट्वेंटी लैख की इनकम है वो एस्केप्ड असेसमेंट है एक बात बताओ नोटिस कब तक इशू हो सकता है नॉर्मल टाइम इज इयर्स तो थ्री इयर्स कहां से लेंगे ये असेसमेंट ईयर कंप्लीट कब होगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड नाइनटीन और वहां से अगर आप थ्री का टाइम लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो 19 के बाद 20, 21, 22 तो इसका मतलब 31 मार्च 2022 इस डेट तक आपको नोटिस भेज सकते हैं इस डेट तक आपको नोटिस इश्यू कर सकते हैं अब हुआ क्या देखना एओ इश्यू द शोकोज नोटिस अंडर सेक्शन 148 ए ऑन द 10 मार्च 2022 एओ ने 10 मार्च 2022 को आपको शोकोस नोटिस दिया था तो तो काउंट करेंगे पता है? कि जितने दिन आपने दिए थे तो कब से दिए थे 10 मार्च 2022 से काउंट करिए तो मार्च के नाइन डेज हटा दीजिए तो 10 से आप काउंट करेंगे अगर फिंगर पे तो आपका मैं बता दू मार्च में थर्टी डेज होते हैं नाइन को हटा दीजिए तो आपका ट्वेंटी डेज तो मार्च का और बेटा अप्रैल में आपको फिफ्थ अप्रैल तक बोला था फिफ्थ अप्रैल तक बोला था तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका पांच दिन है वो आपका अप्रैल का तो मैं बताऊ ट्वेंटी सेवन डेज आपको दिए हैं ट्वेंटी सेवन डेज आपको दिए हैं तो ट्वेंटी सेवन डेज दिए हैं तो एओ को यहां एडिशनल टाइम लिमिट मिलेगा ट्वेंटी सेवन डेज इसका मतलब यह हुआ कि एओ बेटा थर्टी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के बाद इस मतलब नोटिस कर सकता है इस डेट तक आपको वो वो का नोटिस है है कर सकता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर देखिए देखिए आपको यहां तक टाइम दिया अब एक बात समझता इस डेट को अब एक बात बताओ असेसी ने जो रेस्पॉन्स किया शोकोज नोटिस का तो एक बात बताओ यहां जब असेसी एससी रेस्पॉन्स करेगा उस मंथ के एंड से इसको एक 148 ए का ऑर्डर भी तो बनाना पड़ेगा कब तक विद इन वन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एसएससी असेसी ने रेस्पोंड किया और असेसी ने रेस्पोंड कब किया 28 मार्च 2022 को तो भैया 28 मार्च 2022 मतलब मार्च का एंड और उसके एक महीने के अंदर अंदर मीन इसको अप्रैल 2022 तक एक ऑर्डर बनाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 148 फोर्टी ए डी का ऑर्डर बनाना पड़ेगा अब एक बात समझिए यहां तक टाइम लिमिट है वो ऑर्डर बनाने की और यहां तक टाइम लिमिट है नोटिस इश्यू करने की 148 का देखो यहां पे ये टाइम लिमिट है 148 का नोटिस इश्यू करने की और ये टाइम लिमिट हुई 148A फोर्टी ए डी का ऑर्डर बनाने की और ये दोनों चीजें साथ में भेजनी पड़ती है तो मैं बताऊं यहां ऑर्डर जो बनाने का वो 30 अप्रैल 2022 है तो भी एओ क्या करेगा 27 अप्रैल 2022 तक 27 अप्रैल 2022 तक वो नोटिस भी इशू करेगा और ये ऑर्डर भी बनाएगा वो नोटिस भी इश्यू करेगा और ऑर्डर भी बनाएगा वन ए का तो देखिए क्या लिखा हुआ है इन दिस केस एवा हैज टू पास ऑर्डर अंडर सेक्शन 148 ए 148 ए का ऑर्डर कब तक बनाते है? देखो आपने शोकोज नोटिस का रिप्लाई किया उस रिप्लाई किया जिस मंथ में उस मंथ के एंड से वन मंथ या फिर आपने रिप्लाई किया नहीं टाइम एक्सपायर हो गया तो जिस मंथ में टाइम एक्सपायर हुआ उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर जिस मंथ में टाइम एक्सपायर हुआ उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर तो आपने रिप्लाई कर दिया तो रिप्लाई कर दिया कौन सी डेट को आपने शोकोस नोटिस का रिप्लाई किया 28 मार्च 2022 को तो यहां थर्टीएथ अप्रैल टू और वन का नोटिस इशू करने में सत्ताईस दिन एड हो जाएगा तो ट्वेंटी अप्रैल टू सिंस नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट इशू अलॉन्ग विदर अंडर सेक्शन एट ए सो एल इशू द नोटिस अंडर सेक्शन 148 एंड पास ऑर्डर अंडर सेक्शन 148 ए अप टू ट्वेंटी अप्रैल 2022 करके इतना समझा के नहीं समझा यहां तक आपको समझा एग्जाम्पल नंबर वन या नहीं समझा बताइए मुझे एग्जाम्पल नंबर वन आपको समझा या नहीं समझा एग्जाम्पल नंबर वन समझा या नहीं समझा समझा या नहीं समझा एग्जाम्पल नंबर वन समझा हाँ बाबू ओ बेटा एग्जाम्पल नंबर वन समझा कि नहीं समझा हम्म चलिए अब एक बात समझते हैं अंबुज बोलता है हैवी हो गया तो होगा यार कैसी बात कर रहे हो ऐसे ही फाइनल ऐसे ही क्लियर करते हैं हाँ फाइनल ऐसे ही क्लियर करते हैं चलिए अब आप एक और चीज समझना एक और लॉ बोलता है एक बात समझना देखिए पहला तो कि मैंने क्या बोला कि 148 का नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट है थ्री इेन ईयर बट इसमें टाइम एक्सटेंड होगा कौन सा एक तो अगर आपको शोकोज नोटिस दिया था रिप्लाई करने के लिए पंद्रह दिन बीस दिन पच्चीस दिन ठीक है जो भी दिया था जितना टाइम अलाउ किया था उतने से ऐड हो जाएगा और दूसरा अगर कोई कोर्ट का स्टे आया तो ऐड हो जाएगा अब एक बात समझना ये तो एक्सटेंड करना ही करना है बट ये एक्सटेंड करने के बाद ये एक्सटेंड करने के बाद मतलब ये तो एक्सटेंड करना ही करना है बट ये एक्सटेंड करने के बाद अगर एओ के पास 148 फोर्टी ए का ऑर्डर पास करने के लिए अगर सेवन डेज से कम बचता है 148 फोर्टी एट ए डी वो जिसमें वो बोलता है ना कि आपका केस फिट है या नहीं फिट है वो वाला वो ऑर्डर पास करने के लिए अगर एओ के पास में सेवन डेज से कम बचा है तो 148 फोर्टी एट ए का ऑर्डर पास करने के लिए मिनिमम सेवन डेज मिलेगा और सेवन डेज अगर इधर बड़ा है तो 148 का नोटिस इश्यू करने के लिए और एक्स्ट्रा सेवन डेज मिलेगा अब आप बोलोगे क्या बोला सर नहीं समझा डोंट वरी मैं एग्जाम्पल लूंगा अभी देखिए रुकिए रुकिए मैं बताता हूं देखिए पहले इसको पढ़ते हैं पॉइंट नंबर फोर को उसके बाद चीजों को समझते हैं। देखिए इफ एओ इज है टाइम ऑफ सेवन डेज टू पास ऑर्डर अंडर सेक्शन वन ए एंड टाइम पीरियड ऑफ इशू नोटिस अंडर सेक्शन एट शैल बी ऑल्सो इंक्रीज अकॉर्डिंगली क्या है अपन एक काम करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से आप इजिली समझ पाओगे कि ये बंदा क्या बोल रहा है देखो फोर असेसमेंट समझते हैं समझते फोर असेसमेंट 18-19 चीजों को समझना आपको चाहिए तो ड्रॉइंग भी कर सकते हो तो इजीली समझ पाओगे फोर असेसमेंट 18-19

और थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आपका नॉर्मल टाइम लिमिट अब एक बात बताइए थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक आपको जो है वो नोटिस इशू कर सकते हैं का लेकिन हुआ क्या देखना एओ इशू द शोकोज नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट ए ऑन द टेन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एओ ने शोकोज नोटिस दिया किसको को को और बोला कि भैया एस टू फाइल रेस्पॉन्स टिल 5th अप्रैल 2022 तो कितने 27 दिन खराब हुए भाई शोकोज नोटिस दिया 10 मार्च को लास्ट से एग्जांपल का सेम रिपीटेशन मैंने लिया है तो 10 मार्च से लेके और 5th अप्रैल तक उसको रिस्पोंस करना था तो भैया एक बात बताओ इसमें एक तो 27 दिन आपका ये ऐड हो जाएगा 27 दिन ये ऐड हो जाएगा अब एक बात समझना फाइल द रिट पिटीशन टू हाई कोर्ट अगेंस्ट द 148A का ऑडिट 148A का प्रोसीजर भैया 148 ए के नोटिस के अगेंस्ट में एससी चला गया हाई कोर्ट और हुआ क्या 6th अप्रैल 2022 को और हाई कोर्ट स्टे द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 148 ए ऑन द 6th अप्रैल 2022 एंड सच स्टेज वेकेटेड ऑन 17 जून 2022 एक बात बताओ यहां 6 अप्रैल को हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया छह अप्रैल को हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया और बोला 16 जून 2022 तक वो स्टे ऑर्डर रहा उसके बाद वैकेट हो गया तो एक बात बताऊ यहां 6 अप्रैल 2022 6 अप्रैल 2022 से लेके और 17 जून 2022 तक भी तो टाइम खराब हुआ क्योंकि तो मैंने क्या बोला था एक तो जितना टाइम आपको 148 ए के रेस्पॉन्स में शोकोज नोटिस के रेस्पॉन्स के लिए जितना टाइम दिया जाता है और दूसरा कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से जितना टाइम खराब हुआ तो स्टे ऑर्डर की वजह से कितना टाइम खराब हुआ तो आप काउंट करिए अप्रैल से तो आप आप दिन छोड़ दीजिए आप। तो आपका ट्वेंटी थर्टी वन डेज और जून का कितना आपका सेवनटीन डेज इट्स टू द सेवन थ्री डेज आया सेवेंटी थ्री डेज आया तो मैं बताऊं ये कोर्ट का स्टे ऑर्डर रहा अब मुझे एक बात बताइए आया 73 आया अरे आपने अगेंस्ट में आप CIT नहीं कर सकते हाईकोर्ट में नहीं जा सकते आप हाई में तो ही हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का पावर आपने यूज करके हाईकोर्ट में रिट डाल दी थी कि मेरे को नेचुरल जस्टिस नहीं दिया शोकोज नोटिस में कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ बोला आपने ठीक है चलिए इधर देखिए अब मुझे हटा कोर्ट का स्टे इस दिन हटा इस दिन कोर्ट का स्टे हट गया 17 जून 2022 अब मुझे एक बात बताइए 148 AD का ऑर्डर बनाने का टाइम लिमिट क्या होता है 148 AD एक बात बताइए 148 AD का जो ऑर्डर बनाते हैं कि के योर केस इज फिट और नॉट उसका टाइम लिमिट जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपने शोकोज नोटिस का रिप्लाई किया तो तो शोकोज नोटिस का जो रिप्लाई करोगे रिप्लाई वाले मंथ के एंड से वन मंथ और अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो रिप्लाई करने का टाइम एक्सपायर हुआ उस मंथ के एंड से वन मंथ एक बात बताओ आप कोर्ट में चले गए थे कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया था अब स्टे हटा अब मुझे एक बात बताइए स्टे हट गया स्टे हटा 17 जून 2022 को आप एक बात बताइए वन फोर्टी एट एट डी का ऑर्डर बनाने का टाइम लिमिट क्या रहता है वन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एस एस सी रिप्लाइड और वन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टाइम लिमिट टू रेस्पॉन्स वॉज एक्सपायर एक बात बताइए को टाइम लिमिट दिया था रेस्पॉन्स करने के लिए सिक्स अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और 6 अप्रैल तक उसने मान लो रिप्लाई सॉरी फिफ्थ अप्रैल 2022 दिया था ट्वेंटी अप्रैल 2022 तक उसने रिप्लाई नहीं किया तो एक बात बताइए अप्रैल का एंड कब होगा टू अप्रैल 2022 और वहां से अगर आप एक महीना माई, काउंट करोगे तो थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थर्टी फर्स्ट मे टू तक वन ए का ऑर्डर बनाना था लेकिन वो तो टाइम चला गया यार क्योंकि कोर्ट का बीच में स्टे आ गया तो वो टाइम तो चला गया आज एक बात बताइए 17 जून 2022 को आपका 31 मई 2022 ऑलरेडी जा चुका है 31 मई 2022 ऑलरेडी जा चुका है तो भैया एक बात बताइए आप 148A का ऑर्डर तो बना ही नहीं पाओगे फिर तो यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर 148A का ऑर्डर बनाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो हम आपको 7 डेज का टाइम देंगे तो सेवन डेज का टाइम जैसे ही कोर्ट का स्टे हटा सेवनटीन जून को उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23 ट्वेंटी टू अब आपको 148 ए का ऑर्डर कब तक बनाना है पता है 24th जून 2022 तक और बेटा यहां अगर सेवन डेज बढ़ा है तो आपका 148 का नोटिस इश्यू करने के लिए वहां पे भी सेवन डेज हम और बढ़ा देंगे वहां पे भी हम सेवन डेज और बढ़ा देंगे तो एक बात बताइए यहां सेवेंटी थ्री डेज में आपका सेवन डेज यहां पे और ऐड हो जाएगा और जो भी अब आएगी डेट दैट विल बी द टाइम लिमिट टू इश्यू नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट करके देखिए थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही है बट आई कांट डू एनीथिंग करके मैंने एग्जाम्पल लेके ट्राई किया है पूरा बनाने का तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि थोड़ा इंडरस्टैंडेबल बने तो देखिए क्या लिखा हुआ है

Now, time limit to issue notice under section 148 shall also be like increase that 31st March 2022 ये original time था। इसमें आप 27 days add कर दीजिए show cause notice वाला, 73 days वाला आपका stay period वाला और 7 days है जो आपका 148 A के लिए बड़ा था, तो ये आप 7 days यहाँ पे add कर दीजिए, तो total तो 107 दिन add कर दीजिए, तो आपका 16 July 2022 आएगा। This is the time limit टू इशू द नोटिस अंडर सेक्शन 148 फोर्टी एट यहां तक आप वन फोर्टी एट का नोटिस आपको इशू किया जा सकता है करके यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस सो दिस इज वन पॉइंट अब एक बात समझना यहां पर एक और नोट दैट इज नोट नंबर फाइव देखिए क्या दे रखा है सबसे पहले नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट कैन बी इशूड बियॉन्ड थ्री इर्स ओनली इफ एओ इन हिज पोजेशन बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट और एविडेंस टू टैक्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द अट मीन आपकी जो इनकम है वो इनकम इन द फॉर्म ऑफ द अट है जैसे आपकी इनकम एस्केपिंग हुई है वो 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो ये आपको 10 साल तक जाएंगे अदरवाइज तो थ्री इयर्स ही रहेगा तो 10 साल तक कब जा सकते हैं जब आपकी इनकम एस्केपिंग है इनकम चार्जेबल टू टैक्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ असेट है या कोई एक्सपेंडिचर है या इन रेस्पेक्ट ऑफ कोई ट्रांजेक्शन है और इन रिलेशन टू एनी इवेंट है ऑकेजन है एंट्री है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट अमाउंट्स टू और लाइकली टू अमाउंट फिफ्टी लाख रुपीज और मोर अब एक बात समझिए यहां एक्सपेंडिचर भी हो सकता है कैसे मैं एक एग्जाम्पल लूंगा अभी आपको समझ में आएगा तो मैंने क्या बोला कि भैया थ्री इयर्स के बियॉन्ड कब जाएंगे जब उनको लगता है इनकम एस्केपिंग आपका लाइकली टू बी फिफ्टी लाख रुपीज और मोर है

असेट शेल इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी बींग लैंड बिल्डिंग बोथ हो सकता है इसके अलावा भी चीजें आ सकती है सो वी कैन सी दैट इवन इनकम एस्केपिंग इज इन दफ एनी अदर अट कैन ऑल्सो भी असेस एंड रीअसेस इन दिस से समझना बैठा इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए एक बात बताइए मैं बोल रहा हूं 50 लाख या उससे ज्यादा का इनकम एस्केपिंग होना चाहिए वो उस ईयर का जिस ईयर की इनकम एस्केपिंग है जैसे एक बात बताओ मेरा असेसमेंट ईयर मान लो 12 तेरह का फॉर एग्जांपल 12 तेरह का इनकम एस्केपिंग है वो सिर्फ 10 लाख है एज वेल well एज द असेसमेंट ईयर तेरह चौदह का इनकम एस्केपिंग है वो मान लो फोर्टी लाख है क्या मेरे को नोटिस इश्यू हो सकते हैं दोनों साल के लिए मेरे को मान लो टेन इयर्स में आ, टेन नहीं आ, तो थ्री में आ 50 से ज्यादा नहीं है तो क्या मुझे इन दोनों सालों के नोटिस ऐसे मिला के पचास लाख होगा क्या अलग अलग होगा राइट right आंसर अलग अलग होगा मिला के नहीं मतलब जिस किसी की एस्केपिंग है उस पर्टिकुलर इनकम एस्केपिंग फिफ्टी लैक या उससे ज्यादा होनी चाहिए जिस ईयर की इनकम एस्केपिंग है उस पर्टिकुलर ईयर की इनकम एस्केपिंग 50 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए ऐसा मिलाना नहीं है कि जैसे पांच साल है तो पांचों को जोड़ दिया 50 लाख या उससे ज्यादा तो दस साल पांचों के लिए ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है मिस जिस ईयर की इनकम एस्केपिंग है उस ईयर का इनकम एस्केपिंग फिफ्टी लाख रुपीज या उससे ज्यादा होना चाहिए लेकिन इसमें इस बार एक अमेंडमेंट किया और वो अमेंडमेंट क्या बोलता है उसके लिए डोंट वरी मैंने कुछ एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं बहुत बढ़िया वाले तो देखिए एग्जाम्पल क्रिएट किए आपको समझ में आएगा देखिए क्या लिखा हुआ है एक नई सेक्शन क्रिएट की वन फोर्टी नाइन वन एक सेक्शन क्या बोलती है देखिए वेयर अगर आपकी इनकम एस्केपिंग है वेयर द इनकम इन द फॉर्म ऑफ कुछ असेट है या एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू द इवेंट मीन इनकम जो है इन द फॉर्म ऑफ असेट है या एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इवेंट है और ओकेजन है ऑफ द वैल्यू ऑफ फिफ्टी लैख रुपीज और मोर हैज एस्केप्ड द असेसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन सच अट और एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू सच इवेंट और ऑकेजन हैज बीन मेड और इंकर्ड इन मोर देन वन प्रीवियस ईयर अ नोटिस अंडर सेक्शन 148 फोर्टी एट शेल बी इश्यूड फॉर एवरी सच असेसमेंट ईयर फॉर द असेसमेंट और रीअसेसमेंट इन्होंने क्या बोला देखो ये दो चीजें बोल रहा है कि अगर आपकी कोई असेट है या आपने कोई इवेंट है या ओकेजन पे कोई एक्सपेंडिचर किया है अब ये असेट फिफ्टी लैख से ज्यादा की है असेट फिफ्टी लैख से ज्यादा की है लेकिन वो असेट अगर मल्टीपल ईयर में एक्वायर की है तो भी वो मल्टीपल ईयर के लिए आपको नोटिस भेज सकते हैं दो एग्जाम्पल दो चीजें या तो कोई असेट है वो असेट फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैं घर का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैंने एक साल ट्वेंटी लैख घर में डाला दूसरे साल ट्वेंटी लैख डाला तीसरे साल ट्वेंटी लैख डाला मैं तीन अलग अलग साल में घर में ट्वेंटी, ट्वेंटी 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 डाला अब मैं वो बोलूंगा कि हर साल की ट्वेंटी 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 है टेन ईयर्स का पीरियड नहीं मिलेगा बट लॉ मेकर्स बोलते हैं ऐसा नहीं अगर कोई एक असेट है और वो में आपने मल्टीपल ईयर में इन्वेस्ट किया है और वो इनकम एस्केपिंग भले वो तीन साल की ट्वेंटी 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 है बट एग्रीगेट फिफ्टी हो गया तो यहां पर मान लिया जाएगा वो फिफ्टी या उससे ज्यादा है और बेटा दस साल का टाइम मिल जाएगा या फिर कोई एक ओकेजन है एक ओकेजन है या एक इवेंट है वो इवेंट एक है और उसके लिए खर्चे अलग अलग ईयर में किए हुए खर्चे अलग अलग ईयर में किए हुए बट उस उसपे टोटल खर्चा आपका फिफ्टी या उससे ज्यादा है तो आपका दस साल का टाइम लिमिट मिल जाएगा मैं इसका एक एग्जाम्पल देखिए मैंने पहले क्या लिखा वापस थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा कि इनकम एस्केपिंग इज इन द फॉर्म ऑफ असेट है और एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एनी इवेंट किसी इवेंट से रिलेटेड कोई खर्चा है या आपकी कोई असेट है और ओकेजन और इन्वेस्टमेंट इन सच असेट एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन मल्टीपल देन एओ कैन गेट बेनिफिट ऑफ टेन ईयर्स टाइम लिमिट इफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द ओकेजन ऑफ फिफ्टी लाख रुपए और मोर इवन इन द इंडिविजुअल दैट एक्सपेंडिचर इंकर्ड और इन्वेस्टमेंट मेड इज लेस देन फिफ्टी लाख रुपीज तो नॉर्मली तो क्या होता है देखो जिस इयर का इनकम स्केपिंग है उसका पचास लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए लेकिन अगर एक असेट पे खर्चा किया है या फिर एक जो है एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया है वो मल्टीपल ईयर में किया है टोटल फिफ्टी या उससे ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में भैया वो सब साल के लिए दस साल का टाइम लिमिट मिल जाएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है ऑल पीपल पे अटेंशन यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है मैंने दो एग्जांपल मेरे हिसाब से बनाए हैं पहला मिस्टर बीबी कंस्ट्रक्टेड अ हाउस फॉर नाइनटी लाख रुपए ये अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है मैंने नब्बे लाख रुपए खर्च किया एक घर पे but this house is constructed between 1617 se leke 1819 and he has incurred the expenditure of 30 30 lakh each year 3 dala assessment year 1617 1718 and 1819 in this case ao can issue the notice under section 148 for all 3 years even income escaping in individual year is less than 50 lakh तो कोई असैट है वो अगर मान लो पचास से ज्यादा है और वो अलग अलग सालों में भले एक्वायर की है टोटल मिला के पचास या उससे ज्यादा है तो सब सालों के लिए दस साल का बेनिफिट मिल जाएगा ला एक और एग्जाम्पल अक्षिता इंकर अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर ऑफ ट्वेंटी एट मार्च टू थाउजेंड सिक्सटीन फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज मीन देखिए ये कब खर्चा किया ट्वेंटी एट मार्च टू थाउजेंड सिक्सटीन को अब आप बोलोगे ये तो प्रीवियस ईयर की इनकम है पच्चीस लाख प्रीवियस ईयर की इनकम है एंड थर्टी फाइव लैक ऑन फिफ्टींथ अप्रैल टू थाउजेंड सिक्सटीन आप बोलोगे यह तो प्रीवियसटीन सेवनटीन किया बट ऑन द सेम इवेंट शादी पे खर्चा हुआ है इवेंट एक है

है असेट एक्वाइड हुआ है या कोई खर्चा किया और वो असेट एक्वाइड हुआ है वो मल्टीपल ईयर में हुआ है बट वो असेट की वैल्यू वहां इनकम स्केपिंग टोटल 50 या उससे ज्यादा है बट वो डिफरेंट डिफरेंट ईयर में है तो भी वहां पे सब ईयर के लिए नोटिस इश्यू हो सकता है और 10 साल का टाइम मिलेगा और बाबू अगर मान लो जो खर्चा है कोई खर्चा किया है वो मल्टीपल ईयर में किया है बट खर्चा एक ही इवेंट पे है एक ही ओकेजन पे है तो भैया उस केस में वो इंडिविजुअल ईयर में भले पचास से कम है बट एग्रीगेट पचास या उससे ज्यादा है तो दस साल का बेनिफिट मिल जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस दिस इज द कंप्लीशन वन फोर्टी फोर बी जो होंगे ना अब फेसलेस मैनर में होंगे अरे हॉर्स रेस के लॉसेस कहाँ हॉर्स रेस के अरे वो हॉर्स रेसेस था ही नहीं वो रेस हॉर्सेस था कृतिका दैट वाज रेस हॉर्सेस रेस हॉर्सेस और हॉर्स रेसेस में फर्क होता है यार हॉर्स रेसेस मतलब आप घोड़ों की बात नहीं कर रहे हो रेसेस की बात कर रहे हो और मैंने हर जगह रेस हॉर्सेस बोलता था मैं रेस हॉर्सेस मतलब आप घोड़ों की बात कर रहे हो आप घोड़ों को मेंटेन करते हो ओनिंग एंड मेंटेनिंग ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की बात होती थी घोड़ों की बात होती थी वहां पे वहां रेसेस की बात नहीं होती थी घोड़ो की बात होती थी वो घोड़ो के रख रखाव का लॉस है घोड़ो के रख रखाव का लॉस है वो ठीक है हाँ चलिए तो अब अपन पढ़ने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फेसलेस असेसमेंट एक सेक्शन 144 बी जो कि असेसमेंट प्रोसीजर में आपकी बाकी थी 20 मिनट की सेक्शन है और आपको लगेगा यार ये तो हमको आता था सर ऐसा फेसलेस में क्या है करके ठीक है तो चलिए जैसा कि मोदी जी का सपना है कि इंडिया में हम फेसलेस चालू करें और मोदी जी ने उसके टूवर्ड्स अपने कदम बढ़ाए हैं और भैया अच्छी चीज है बहुत बढ़िया चीज है आई अप्रिशिएट दैट एफर्ट फेसलेस को रेगुलर में कौन से चैप्टर में है असेसमेंट प्रोसीजर में है अगर आपके पास वॉल्यूम टू है रेगुलर के बच्चे हो तो आप देख सकते हो वन बी करके एक सेक्शन पेंडिंग है जो कि आपके रेगुलर में असेसमेंट प्रोसीजर में सेक्शन वन बी दिखेगी अब ये क्या है फेसलेस असेसमेंट पहले आप इधर देखिए सब लोग इधर देखिए एक बात समझिए पहले क्या होता था कि जब आपका फिजिकल असेसमेंट होता था मीनस आप डिपार्टमेंट जाते थे और डिपार्टमेंट में एओ होता था एओ क्या करता था आप लोगों से लाइक आपका असेसमेंट करता था असेसमेंट में बहुत बार करप्शन के चांसेस भी बनते थे बहुत बार करप्शन के चांसेस बनते थे तो इन्होंने बोला कि हम असेसमेंट को पूरा फेसलेस मैनर में ले जाएंगे हम असेसमेंट को पूरा फेसलेस मैनर में ले जाएंगे जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि भैया आपका असेसिंग ऑफिसर कौन है आपका असेसमेंट असेसमेंट कहां कहां हो रहा है कहां से कर रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा करके ठीक है ऐसा उन्होंने सोचा बट आजकल के लोग जो है ऐसे ऐसे सीए है जिन्होंने उसके भी जुगाड़ निकाल दिए क्या जुगाड़ निकाले वो मैं अभी आपको बताता हूं थोड़ी देर में रुकी सबसे पहली चीज फेसलेस असेसमेंट में होगा क्या तो फेसलेस असेसमेंट के लिए इन्होंने क्या किया दिल्ली में एक सेंटर बनाया जिस सेंटर को बोला जाता है एनफेक करके जिसको मैं बोलूंगा एनफेक एनफेक एनफेक्ट का मतलब होता है नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ये एक सेंट्रलाइज बॉडी बनाई गई जो कि दिल्ली में है इसका हेड ऑफिस मतलब ये ऑफिस दिल्ली में है. जैसे आपको पता है अपन बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न बैंगलोर में होता है बैंगलोर में आपका जो सीपीसी है वो बैंगलोर में वैसे ही एनफेक करके है नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर उन्होंने दिल्ली में बनाया गया जो ये मेन सेंटर है जो कि सेंट्रलाइज सेंटर है अब एक बात समझना इन्होंने क्या किया इंडिया में बहुत सारी जगह मतलब ये एनफेक्ट तो दिल्ली में है दिस इज कॉल योर नेशनलाइज बॉडी और ये जो है ये तुम्हारा दिल्ली में है ये तुम्हारा नेशनलाइज बॉडी है सेंट्रलाइज एक ऑफिस है एनफेक्ट जो दिल्ली में है अब इन्होंने क्या किया बहुत सारी जगह जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं मुंबई में मुंबई में उन्होंने चार यूनिट बनाई एक को बोलेंगे असेसमेंट यूनिट दैट इज द एयू एक को बोलेंगे वेरिफिकेशन यूनिट दैट इज द वी यू एक को बोलेंगे टेक्निकल यूनिट दैट इज द टी यू और एक को बोलेंगे रिव्यू यूनिट दैट इज द आर यू आर यू मीन रिव्यू यूनिट तो इन्होंने जैसे मुंबई में मुंबई में ऐसी यूनिट्स बनाई एक असेसमेंट ऐसे मुंबई में हो सकता है यूनिट 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 भी बना सकते हैं ऐसी असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट, रिव्यू यूनिट। तो चार यूनिट रहेगी वन इज द असेसमेंट यूनिट वन इज द वेरिफिकेशन यूनिट वन इज द टेक्निकल यूनिट वन इज द रिव्यू यूनिट ऐसे का ऐसे हो सकता है अहमदाबाद में भी ऐसी यूनिट बना दी करके ठीक है ऐसे का ऐसे हो सकता है अहमदाबाद में भी ऐसी यूनिट बनाई एज वेल कोलकाता में भी ऐसी यूनिट्स बनाई मतलब उन्होंने इंडिया में बहुत सारी जगह जो है वो ऐसी यूनिट्स बनाई है जिसका नाम है यूनिट्स कौन कौन सी रहती है एक तो असेसमेंट यूनिट एक वेरिफिकेशन यूनिट एक टेक्निकल यूनिट और एक रिव्यू यूनिट मिन्स ये बेसिकली उन्होंने यूनिट बनाई जैसे मुंबई है अहमदाबाद है जो बड़े बड़े सिटीज थे हर जगह ऐसी यूनिट्स है और मल्टीपल यूनिट्स है असेसमेंट यूनिट हो सकता है मुंबई में असेसमेंट यूनिट है वो दस हो सकती है पॉसिबिलिटी वेरिफिकेशन यूनिट है वो दस पंद्रह हो सकती है पॉसिबिलिटी है उसकी ठीक है अब एक बात समझना ये जो यूनिट्स है अब एक बात समझना इनका काम कैसे चलता है जैसे मान लो ये उन्होंने अहमदाबाद के बाद कोलकाता में भी ऐसा बना रखी है अब होता क्या है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको स्क्रूटनी का नोटिस आया वो स्क्रूटनी का नोटिस आपको भेजेगा कौन पता है एनफेक्ट भेजेगा एनफेक है वो आपको स्क्रूटनी का नोटिस भेजेगा अंडर सेक्शन वन फोर्टी थ्री टू आपको स्क्रूटनी का नोटिस आया दिल्ली का एनफेक है वो दिल्ली में एनफेक है वो आपको ऑनलाइन नोटिस भेजेगा और आप जो रिप्लाई करोगे वो किसको करोगे एनफेक को करोगे आप जो रिप्लाई है वो एनफेक को करोगे एनफेक को आपने रिप्लाई किया नोटिस का आपको जो करना था अब एक बात समझना ये एनफेक क्या करता है पता है एक ऑटोमेटेड अलोकेटेड सिस्टम से ऑटोमेटेड अलोकेटेड सिस्टम जिसको मैं बार बार ए एस बोलूंगा ए एस का मतलब होता है ऑटोमेटेड अलोकेटेड सिस्टम मीन रैंडम बेसिस पे किसी एसएससी का जो असेसमेंट है वो किसी भी असेसमेंट यूनिट को अलोकेट कर देता है जैसे हो सकता है असएससी तो दिल्ली का है करके ठीक है और दिल्ली वाले असएससी का जो केस चल रहा है वो केस हो सकता है मुंबई की असेसमेंट यूनिट में आ गया मीन मुंबई की असेसमेंट यूनिट है दैट तो इज जो मुंबई की असेसमेंट यूनिट है वो असेसमेंट कर रही है को पता नहीं होगा कि मुंबई की असेसमेंट यूनिट कर रही है क्योंकि असएससी और असेसमेंट यूनिट के बीच में कॉर्डिनेशन नहीं होगा कॉर्डिनेशन के लिए हमेशा बीच में रहेगा एनफेक्ट तो एस के और या यहां असेसमेंट यूनिट के बीच में जो कोऑर्डिनेट करेगा वो करेगा एनफेक्ट करेगा तो देखिए नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है वो आपको नोटिस भेजेगा उसके बाद में आपको रिप्लाई करना है एनफेक को करना है एनफेक क्या करेगा आपका केस एक अलोकेट कर देगा असाइन कर देगा किसी भी असेसमेंट यूनिट को थ्रू द ऑटोमेटिक अलोकेटेड सिस्टम ये ऑटोमेटिक अलोकेट allocate... <laughs>

या एस से कुछ रिप्लाई मंगवानी है कुछ इंफॉर्मेशन मंगानी है तो क्या ये असेसमेंट यूनिट है जब ये असेसमेंट कर रहा है और असेसमेंट करते करते उसको पता चला यार हमको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हमको कुछ जो है वो मान लो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हमको जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए कुछ एविडेंस चाहिए तो क्या वो सीधा एस को जाके बोलेगा अरे अरे ये डॉक्यूमेंट तो दो, ना बाबा ना ये असेसमेंट यूनिट रिक्वेस्ट करेगा एनफेक से और एनफेक को बोलेगा कि एस से ये ये चीजें मंगा के दीजिए एनफेक क्या करेगा एस के पास मेल भेजेगा एस के पास में जाएगा और अस को मेल भेजेगा और एस को बोलेगा कि हमको ये ये चीजें है जो चाहिए असेसमेंट करने में तो एस क्या करेगा एनफेक को वो चीजें देगा और एनफेक क्या करेगा वो चीजें असेसमेंट यूनिट को दे देगा तो यहां पे चीजें ऐसे चलेगी कि असेसमेंट यूनिट को अगर कोई चाहिए तो असेसमेंट यूनिट खुद एस से नहीं मांगेगा

हमको इन इन पॉइंट पे कुछ इंक्वायरी करानी है वेरिफिकेशन करानी है आप सर करा के दीजिए तो एनफेक्ट वाले क्या करेंगे पता है ऑटोमेटेड एलोकेटेड सिस्टम से इंडिया की किसी भी वेरिफिकेशन यूनिट को आपका काम दे देंगे ऐसा जरूरी नहीं है हो सकता है मुंबई की असेसमेंट यूनिट है वो असेसमेंट कर रही है देयर में भी पॉसिबिलिटी के एनफेक्ट ने आपका जो या तो ऑटोमेटेड अलोकेटेड सिस्टम से होगा तो अहमदाबाद की वेरिफिकेशन यूनिट है वो वेरिफिकेशन कर रही है अहमदाबाद की वेरिफिकेशन यूनिट है वो वेरिफिकेशन करेगी और वेरिफिकेशन करने के बाद रिपोर्ट किसको दे देगी एनफेक को दे देगी एनफेक वो रिपोर्ट किसको दे देगा यूनिट को दे देगा क्योंकि इसने रिक्वेस्ट की थी अब एक बात समझिए असेसमेंट करते करते बहुत बार क्या लगता है कुछ टेक्निकल हेल्प लगती है टेक्निकल हेल्प लगती है टेक्निकल हेल्प कौन से पॉइंट पे लग सकती है जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग के पॉइंट पे तो ट्रांसफर प्राइसिंग इज सो टेक्निकल वहां कुछ ना कुछ टेक्निकल हेल्प मांगते हैं तो टेक्निकल हेल्प कहां से ले तो टेक्निकल यूनिट के पास जाना पड़ेगा तो टेक्निकल यूनिट के पास जाना है तो क्या ये असेसमेंट यूनिट खुद ही चली जाएगी टेक्निकल यूनिट के पास और जाके बोलेगी ये टेक्निकल वाले मुझे हेल्प दे आंसर इज नो ये क्या करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे एनफेक से कि सर हमको इन इन पॉइंट्स पे टेक्निकल हेल्प चाहिए आप करा के दीजिए तो ये एनफेक क्या करेगा ऑटोमेटिक अलोकेटेड सिस्टम से किसी भी इंडिया की टेक्निकल यूनिट को केस दे देगा There may be possibility हो सकता है कोलकाता की टेक्निकल यूनिट है वो आप टेक्निकल हेल्प दे रही है मुंबई के तो बड़ा ही सिंपल सा सिस्टम है बढ़िया ही अच्छा सा सिस्टम है और बहुत बढ़िया सिस्टम उन्होंने बनाया पहले पहले तो इतनी डिफिकल्टी थी बट इस बार जो हर साल सेक्शन अमेंड होती है दो हजार बाईस में पूरी सेक्शन बी और इन्होंने क्या डाला है वो अपना पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा अब एक बात समझना तो असेसमेंट यूनिट का मेन काम क्या होगा असेसमेंट करना वेरिफिकेशन यूनिट का मेन काम क्या होगा वेरिफिकेशन करना इंक्वायरी करना टेक्निकल यूनिट का काम क्या होगा टेक्निकल हेल्प करना और रिव्यू यूनिट का काम क्या होगा कि जो भी असेसमेंट यूनिट ने कुछ चेंज किए इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि उसका रिव्यू कराता है एक बार क्या ये असेसमेंट यूनिट ने काम सही किया है या नहीं ये असेसमेंट यूनिट ने काम सही किया है या नहीं तो हो सकता उसको है उसको रिव्यू कराते और रिव्यू कराते हैं इस रिव्यू यूनिट के पास से अब रिव्यू यूनिट इंडिया का कोई भी हो सकता है किसी भी रिव्यू यूनिट के पास में भेज देंगे केस और उससे रिव्यू करा लेंगे करके ठीक है तो दैट इज कॉल्ड रिव्यू यूनिट का फंक्शन तो ऐसे ये काम करता है नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर और इसको बोलते हैं एनफेक्ट प्रैक्टिकल लाइफ में आज की डेट में करप्शन कम हो गया असेसमेंट में ड्यू टू तो दिस पर्टिकुलर स्कीम क्योंकि अभी क्या होगा ना जितने भी असेसमेंट आपके होंगे वो सब इसी स्कीम में होंगे और जब इसी स्कीम में होंगे तो आप जानते ही नहीं हो असेसमेंट यूनिट कौन है आपको पता ही नहीं असेसमेंट हमारा कौन करने वाला है तो जब आपको पता ही नहीं है असेसमेंट कौन करने वाला है तो करप्शन का चांसेस कम हो जाता है लेकिन आजकल हमारे जैसे बात कर रहा था अभी मैं जब मिला किसी फ्रेंड से तो बात कर रहे थे यार कि हमने उसके भी जुगाड़ निकाल दिए मैंने कहा कैसे बोलता कुछ नहीं करना रहता कि आप एक काम करो आपके क्लाइंट का केस है ना आप कोई भी जब डॉक्यूमेंट अपलोड करो उसके नीचे नंबर लिख लो आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो उसके नीचे आप नंबर लिख लीजिए या फिर उसके नीचे मीन आप क्या करिए कि लेटर पेड पे जो लेटर पैड होता है करके ठीक है लेटर पैड जो सीए का होता है वो लेटर पैड पे कुछ सबमिशन डाल दीजिए और जब आप लेटर पैड पे सबमिशन डालेंगे ना तो उसके नीचे आपके पास नंबर है अपने आप आपके पास कॉल आ जाएगा अपने आप आपके पास कॉल आ जाएगा जिस असेसमेंट यूनिट से है वहां से कोई ना कोई बंदा आपको कॉल कर लेगा और भैया आपसे पैसे मांग ही लेगा ऐसा ऐसा भी लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट अभी भी मतलब मैं बताऊं ना इंडिया है वो जुगाड़ का काम है तो जुगाड़ के लिए मतलब कुछ ना कुछ गलत कराने के लिए अभी इतना करने के बाद भी लोग जो है वो ऐसा कर रहे हैं कि लेटर पैड के नीचे बोलते हैं नंबर लिख लो घर के ठीक है लेटर पैड जो सीए का गया उसके नीचे नंबर तो रहता है ये फोन नंबर तो फोन आ ही जाएगा आपको कि भैया इस एस का केस चल रहा है बोलिए कैसे क्या करना है कितने में करना है क्या करना है ये चीजें पता नहीं कब स्टॉप होगी बट भैया मैं बताऊं जहां पे जो आवश्यकता है जैसा बोलते हैं ना करके ठीक है हिंदी में एक कहावत है कि दैट इज आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है तो जहां आवश्यकता है वहां आविष्कार तो लोग कर ही लेते हैं भी ठीक है तो चलिए अब अपन पढ़ते हैं दैट इज रिलेटेड टू द आपका फेसलेस असेसमेंट कैसे चलेगा तो मैंने यहां पे इसको थोड़ा इजी बना के दिया है अगर आप रेगुलर बैच की बुक लेके बैठेंगे तो थोड़ा बहुत आपको सब वही मिलेगा बट मैंने थोड़ा इसको ईजी बना के यहाँ पे ट्राई किया है प्रोसीजरल पार्ट में चार्ट बना के आपको समझाने की इसमें कैसे कैसे क्या क्या आपका असेसमेंट होगा तो देखिए

नेशनल पहले मैं आपको बता देता हूं क्योंकि बार बार वो यूनिट्स के नाम आएंगे तो मैं यूनिट्स के बारे में आपको पहले ही बता देता हूं कि फेसलेस असेसमेंट सेंटर एंड यूनिट्स कैसे चलती है तो देखिए मैंने दे रखा है नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है जो फेसिलेट करता है द कंडक्टिंग ऑफ द फेसलेस असेसमेंट प्रोसीडिंग इन द सेंट्रलाइज मैनर तो ये सेंट्रलाइज मैनर पे क्या कराता है फेसलेस असेसमेंट करने में ये जो है ये फेसिलेट करता है और ये दिल्ली में लोकेटेड है उसके बाद असेसमेंट यूनिट्स होती है असेसमेंट यूनिट्स का मेन काम होता है फंक्शन ऑफ मेकिंग द असेसमेंट इनका मेन काम है असेसमेंट करना आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट्स और इशू को ये आइडेंटिफाई करते हैं

वेरिफिकेशन यूनिट का काम होता है फंक्शन ऑफ द वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन का काम होता है इंक्वायरी करते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह है एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस और रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट वगैरह है वो होता है उसके बाद नोट no एक दे रखा है फंक्शन ऑफ वेरिफिकेशन यूनिट में ऑल्सो भी परफॉर्म बाय वेरिफिकेशन यूनिट लोकेटेड इन एनी अदर फेसलेस सेंटर सेटअप अंडर द एक्ट एंड अंडर एनी स्कीम ऑफ दिस एक्ट एंड द रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन मे ऑल्सो भी असाइन थ्रू द एनफेक्ट टू सच वी यू ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे जाके थोड़ा कि वेरिफिकेशन यूनिट है ना वो कभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन काम नहीं कर सकते अब वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन ऑनलाइन कैसे करोगे उसके लिए तो फिजिकल जाना पड़ेगा अगर स्पेशल ऑडिट वगैरह जो है तो उसके लिए तो आपको फिजिकल जाना पड़ेगा तो उस केस में क्या होगा तो उसके उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा बाद टेक्निकल यूनिट का, का काम क्या होता है फंक्शन ऑफ द टेक्निकल असिस्टेंस आप टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं और टेक्निकल असिस्टेंस कैसे कौन से मैटर पे असिस्टेंस और एडवाइस इन द लीगल अकाउंटिंग फॉरेंसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वैल्यूएशन ट्रांसफर प्राइसिंग डेटा एनालिटिक्स और मैनेजमेंट और एनी अदर टेक्निकल मैटर अंडर द एक्ट और अरेंजमेंट अंडर सेक्शन ए विच मे बी रिक्वायर्ड इन द पर्टिकुलर केस और क्लास ऑफ केसेस तो भैया पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए तो ये टेक्निकल यूनिट करती है रिव्यू यूनिट का काम होता है फंक्शन ऑफ रिव्यू ऑफ द इनकम डिटरमाइन इन द प्रपोजल अगर उन्होंने प्रपोजल में कोई भी इनकम निकाली है तो इनकम एक बार रिव्यू करेंगे वो चेकिंग वेदर द रिलेवेंट एंड मटेरियल एविडेंस हैज बिन ब्रॉट ऑन द रिकॉर्ड और नॉट और रिलेवेंट पॉइंट ऑफ द फैक्ट एंड लॉ हैव बीन ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एंड द इश्यू रिक्वायरिंग एडिशन और डिस अलाउंस बीन इनकॉर्पोरेटेड और नॉट मीन ऑर्डर वगैरह जो बनाने जा रहे हैं वो सही बना रहे हैं नहीं उन्होंने सब चीजें हैं वो चेक की है या नहीं अब क्वेश्चन ये आता है आपका कि सर एक बात बताइए इसमें कौन कौन से ऑफिसर रहते हैं

और सच आई टी ऑथोरिटी मिनिस्ट्रियल स्टाफ एग्जीक्यूटिव और कंसल्टेंट एज मे बी कंसिडर बाय द बोर्ड अगर सीबीडी टी चाहे तो दूसरे लोगों को भी अपॉइंट कर सकती है तो हो सकता है अगर CA को चाहे तो सीए को भी इसमें अपॉइंट कर सकती है जो असेसमेंट यूनिट वेरिफिकेशन यूनिट में वगैरह काम करे ये उनके पास में पावर दे रखा है तो चलिए अब ये काम कैसे होगा चलेगा कैसे काम तो अपन एक एक एक, एक पॉइंट है जिसके बारे में अपन पढ़ते जाते हैं और चीजों को समझते जाते हैं आप इसको सिर्फ इमेजिन करिए चीजों को तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा आप उसको करिए दिल्ली में एक ऑफिस है दिल्ली से एस आपका कोई भी एस पकड़ लीजिए कि एस को एक नोटिस आया फिर वो एस क्या करेगा वो ऐसी चीजें हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा तो देखिए सबसे पहले होगा क्या नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर शेल असाइन द केस सेलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ फेसलेस असेसमेंट टू द स्पेसिफिक असेसमेंट यूनिट वो लोग क्या करेंगे किसी असेसमेंट यूनिट को ये केस है वो दे देंगे थ्रू एन ऑटोमेटेड अलोकेटेड सिस्टम ये ऑटोमेटेड अलोकेटेड सिस्टम जैसे मैं बोल रहा हूं एएस बेसिस पे मीनस इंटरनेट बेसिस पे वो लोग किसी असेसमेंट यूनिट को आपका काम है वो दे देंगे तो असेसमेंट यूनिट के पास अब असेसमेंट का केस चला गया अब क्या होगा इनफेक्ट शेल इंटीमेट द अससी असएससी को इंटीमेट करेंगे दैट असेसमेंट शेल बी मेड एज पर दिस स्कीम ये असएससी को बताया जाता है कि तुम्हारा असेसमेंट जो होने वाला है ना वो फेसलेस मैनर में होने वाला है एस को बताया जाता है एस को ये मेल जाता है कि तुम्हारा असेसमेंट ये फेसलेस मैनर में होगा करके ठीक है उसके बाद क्या होगा एनफेक शेल सर्व नोटिस अंडर सेक्शन 143 फोर्टी टू वन टू जो स्क्रूटनी के लिए नोटिस जाता है और अंडर सेक्शन 142 फोर्टी वन, वन दैट इज रिया वाला नोटिस रिटर्न इंफॉर्मेशन अकाउंट्स के लिए टू द एस

वन 147 होता है ना 147 में भी आपको नोटिस तो स्क्रूटनी का आता ही है क्योंकि 147 में जब आप रिटर्न फाइल कर देते हो 148 के रेस्पॉन्स में तो 148 के रेस्पॉन्स में जब आप रिटर्न फाइल करते हो उसके बाद में मैंने एक केस लॉ बताया था एक ब्लू मून होटल का और उसमें ये मैंडेटरी था कि आपको फिर वन का नोटिस आएगा तो वन का नोटिस तो आएगा तो एनफेक्ट एन आपको वन का नोटिस भेजेगी वन का नोटिस भेजेगी वन 141 का नोटिस भेजेगी आप चाहे तो उसका रिप्लाई कर सकते हैं आप चाहे तो उसका रिप्लाई कर सकते हैं उस नोटिस में टाइम दे रखा होता है आजकल बोला जाता है कि आपका केस स्क्रूटनी में लगा है इतने दिन में आपको रिप्लाई करना है तो आप रिप्लाई करिए आपको टाइम दिया जाता है उसके बाद क्या होगा असेसमेंट यूनिट मेक रिक्वेस्ट टू एनफेक्ट एन असेसमेंट यूनिट है वो रिक्वेस्ट करेगी किससे से एनफेक्स से क्या रिक्वेस्ट कर सकती है असेसमेंट यूनिट असेसमेंट यूनिट ने रिक्वेस्ट किया कि हमको इंफॉर्मेशन चाहिए या डॉक्यूमेंट चाहिए या एविडेंस चाहिए फ्रॉम द फ्रॉमसी और एनी अदर पर्सन हमको से या इन, किसी और पर्सन से इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एविडेंस से चाहिए करके ठीक है या फिर असेसमेंट यूनिट बोलेगी हमको इंक्वायरी करा के दीजिए फ्रॉम वेरिफिकेशन यूनिट करके वेरिफिकेशन यूनिट से हमको इंक्वायरी करा के दीजिए या वो असेसमेंट यूनिट बोलेगी हमको टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए किसी टेक्निकल यूनिट से करा के दीजिए तो अब क्या होगा देखो एनफेक्ट को बोला एनफेक्ट क्या करेगा एनफेक्ट टू इशू द नोटिस टू और एनी अदर पर्सन फॉर इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड विद इन द द द टाइम गिवन इन नोटिस टू अगर मान लो असेसमेंट यूनिट ने रिक्वेस्ट की थी कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के लिए तो असएससी या किसी अदर पर्सन को जिससे डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन लेना है उनको एक नोटिस भेजेंगे और बोलेंगे कि भैया ये मान लो पंद्रह दिन है बीस दिन है इसके अंदर अंदर आप इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हमको दे दीजिए

क्योंकि एनफेक्ट ने वेरिफिकेशन यूनिट टेक्निकल यूनिट असस्सी को बोला था तो सबसे जो रिप्लाई आएंगे वो किसके पास आएंगे एनफेक के पास आएंगे तो एनफेक के पास वेरिफिकेशन यूनिट एंड टेक्निकल यूनिट ने रिपोर्ट दी अब क्या होगा

क्योंकि अल्टीमेटली असेसमेंट कौन कर रहा है असेसमेंट यूनिट कर रहा है ना तो वो किसको दे देगा असेसमेंट यूनिट को देगा तो देखिए एनफेक्ट शेल सेंड रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द वेरिफिकेशन यूनिट और टेक्निकल यूनिट एंड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द दी और अदर पर्सन टू द असेसमेंट यूनिट असेसमेंट यूनिट को सब चीजें दे देगा करके कर अब एक बात समझना क्या हुआ हा एनफेक्ट मीडिएटर का काम कर का का रहा है क्या कर रहा है अभी दिखती हैं करके ठीक है अब एक बात समझना मान लो अस जो है ना वो अस एससी बेशरम है स को नोटिस भेजा था उसका रिप्लाई नहीं कर रहा है रिप्लाई नहीं कर रहा है ऐसा हो सकता ना बेशरम होता है करके ठीक है तो अस जब बेशम होता है तो उसको बोला जाता है कि भैया तुम्हारा बेच जजमेंट असेसमेंट कर लेंगे करके ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अबोव नोटिस नोटिस भेजा एस एस सी को एस एस सी कम्प्लाई नहीं कर रहा है उसका यार एस है वो कंप्लाई नहीं कर रहा एकदम 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 ही एकदमसी है कम्प्लाई नहीं कर रहा है करके ठीक है फेल्स टू कम्प्लाई विदोव नोटिस और नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 142(1) रिया का नोटिस भेजा था या इन द टर्म्स ऑफ नोटिस इशूड अंडर सेक्शन वन टू स्क्रूटनी के लिए नोटिस भेजा था उसका रिप्लाई करना था वो कर ही नहीं रहा है तो एनफेक्ट क्या करेगा बताए शेल इंटीमेट सच फेलियर टू द असेसमेंट यूनिट असेसमेंट यूनिट को बोलेगा कि वो जो असेसी है ना वो बड़ा बेकार असेसी है वो बोलेगा किसको असेसमेंट यूनिट को एस एस जो है वो बेकार असेसी है करके ठीक है वो रिप्लाई नहीं कर रहा है हमको हमने उसको नोटिस भेजा था कुछ इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के लिए रिप्लाई नहीं कर रहा है या उसको रिया का नोटिस भेजा था उसका रिप्लाई नहीं कर रहा है या स्क्रूटनी का नोटिस भेजा है उसका रिप्लाई नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या होगा ये इंटीमेट किसको करेगा एयू को क्या भैया वो कर नहीं रहा है रिप्लाई अब एयू क्या करेगा एयू सर्व नोटिस थ्रू द एनफेक् एयू क्या करेगा एक शोकोज नोटिस बनाएगा और शोकोज नोटिस बना के एनफेक को दे देगा अंडर सेक्शन वन और एनफेक्ट क्या करेगा गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज एज वाई असेसमेंट इन हिस केस शुड नॉट बी कंप्लीटेड एज पर बेड जजमेंट यहां पे एयू को जैसे ही पता चला कि किसी तो बेशर है असेस्सी तो भैया है, है रिप्लाई नहीं कर रहा तो उस केस में एयू क्या करेगा एक शो शोकोज नोटिस बनाएगा और और शो नोटिस नोटिस बना के को को देगा और को बोलेगा कि ये भेज दो असएससी को और बोलोगे तुम्हारा बैच जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा करके ठीक है तुम्हारा बैच जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा तुम बताओ क्यों ना हम तुम्हारा बैच जजमेंट असेसमेंट कर दे करके ठीक है एक शो शोकोज नोटिस बैच जजमेंट असेसमेंट में जाता था वो वाला इफ फाइल द एलपॉन्स अगर असएससी फाइल कर देता है रेस्पॉन्स फॉरवर्ड दट रेस्पॉन्स टू असमेंट यूनिट और अस एससी फेल्स टू फाइल उसने अगर मान लो उसका भी रेस्पॉन्स फाइल नहीं किया तो शेल इंटीमेट सच फेलियर टू दूनमेंट को बताएंगे भैया ये assessi तो बड़ा वायत है कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है और रिप्लाई किया तो वो असेसमेंट यूनिट को दे देंगे अब असेसमेंट यूनिट क्या करेंगे देखो असेसमेंट यूनिटर टेकिंग इन टू अकाउंट ऑल द रिलेवेंट मटीरियल अवेलेबल ऑन द रेक उनके रेकॉर्ड में प्रिपेयर इन राइटिंग ये राइटिंग में अब ऑर्डर बनाने जा रहे हैं ये लोग अब ये ऑर्डर बनाने जा रहा है कौन असेसमेंट यूनिट क्योंकि असेसमेंट यूनिट ने सब चीजें कर ली असेसमेंट यूनिट ने अससी से इंफॉर्मेशन मंगाता था वो इनफॉर्मेशन मंगाया टेक्निकल यूनिट से टेक्निकल हेल्प ले ली वेरिफिकेशन यूनिट से वेरिफिकेशन हेल्प ले ली और इन सबके बाद में जो है अब देखो ये असेसमेंट यूनिट क्या करने जा रहा है असेसमेंट यूनिट शेल आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट ऑल द रिलेवेंट मटीरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड प्रिपेयर इन राइटिंग इन राइटिंग में क्या बनाएंगे दो पार्ट आइदर और है करके, ठीक है तो देखिए दो पार्ट कौन कौन से समझने की कोशिश करना पहला एन इनकम और लॉस डिटरमिनेशन प्रपोजल मीनस वो इनकम और लॉस का प्रपोजल बनाएंगे मीनस आपका कुल मिला के असेसमेंट ऑर्डर फाइनल नहीं बना रहे वो प्रपोज कर रहे हैं करके ठीक है एन इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल वेयर नो वेरिएशन प्री जुडिशियल टू असेसिस प्रपोज एंड सेंड अ कॉपी ऑफ सच इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल टू द एनफैक्ट उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया एस के साथ कुछ भी हार्मफुल नहीं किया जैसे मान लो आपने इनकम पहले बताई थी वो रिटर्न में दस लाख बताई थी और इन्होंने भी बोला ठीक है दस लाख ही होनी चाहिए तो इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल वेयर द वेरिएशन नो वेरिएशन प्री जुडिशियल टू द एस एस के लिए कुछ भी हार्मफुल नहीं है तो वो प्रपोजल का ऑर्डर के और किसको भेजेंगे एनफेक्ट को भेजेंगे लेकिन अगर मान लो वो वेरिएशन कर रहे हैं मीन जो आपका असेसमेंट यूनिट है वो असेसमेंट यूनिट वेरिएशन कर रहा है और ऐसा होता होगा असेसमेंट यूनिट वेरिएशन तो करता ही होगा करके ठीक है बिकॉज असेसमेंट कर रहा है तो हो सकता है कुछ कुछ में वेरिएशन ना हो बट हो सकता है मैक्सिमम केसेज में वेरिएशन होता होगा आपकी रिटर्न इनकम दस लाख थी अब यहां पे असेसमेंट यूनिट ने सब चीजों को एनालाइज करने के बाद पता चला कि आपकी इनकम तो पच्चीस लाख होनी चाहिए दस लाख से पच्चीस लाख होनी चाहिए पंद्रह लाख बढ़ा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा समझना हाँ इन एनी अदर केस एनी अदर केस मीनस यहां पे वेरिएशन हो रहा है करके ठीक है यहां पे वेरिएशन हो रहा है और वो वेरिएशन एस के लिए हार्मफुल है तो हार्मफुल है तो जब भी आप बकरे को काटते हो एक बार उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड तो दे दो करके ठीक है तो उसको अपॉर्चुनिटी देंगे इन एनी अदर केस अ अशोकोज नोटिस स्टेटिंग द वेरिएशन वेरिएशन बताएंगे शोकोज नोटिस में हम ये ये वेरिएशन कर रहे हैं हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ एस एससी प्रपोज टू बी मेड calling upon him to submit as to why the proposed variation should not be made and serve such show cause notice on the assessee through the n fact अगर मान लो यहाँ कोई variation नहीं कर रहे तो तो क्या करेंगे कि जो भी income और loss का determination का proposal है वो सीधा n fact को भेज लेना है assessee को कोई opportunity देना ही नहीं है लेकिन अगर एस के लिए कुछ वेरिएशन कर रहा है असेसमेंट यूनिट कुछ ना कुछ हार्मफुल कर रहा है उसकी इनकम बढ़ा रहा है या लॉसेस को कम कर रहा है तो कुछ ना कुछ वेरिएशन कर रहा है तो उस केस में क्या होगा एस को अपॉर्चुनिटी ऑफ बी हर्ड देना पड़ेगा एक शोकोज नोटिस भेजेगा और यह शोकोज नोटिस बना के भेजेगा कौन ये शोकोज नोटिस असेसमेंट यूनिट बनाएगा और एनफेक्ट को भेजेगा और एनफेक्ट क्या करेगा उस एस को दे देगा अब एक बात समझना असएससी जो है वो एस को क्या करना पड़ेगा उसका रिस्पॉन्स करना चाहिए करके ठीक है

assessment unit.

और उसके बाद में उसका रिप्लाई आया होगा उसको कंसिडर किया होगा उसके बाद में आया है और अगर वेरिएशन नहीं है तो सीधा ही इसके पास में एनफेक्ट के पास में आया है अब एक बात समझना एनफेक्ट क्या करेगा दो पार्ट हो सकते हैं क्या एनफेक्ट कर सकता है और दोनों में से एक चीज होगी एनफेक्ट क्या करेगा एनफेक्ट शेल कन्वे द असेसमेंट यूनिट टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द इनकम और लॉस डिनेशन प्रपोजल विच शेल देयर आफ्टर प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑर्डर सीधा वो असेसमेंट यूनिट को बोल देगा कि एक काम करो जो भी है करके ठीक है तुम एक काम करो ड्राफ्ट ऑर्डर बना दो ड्राफ्ट ऑर्डर बना दो क्योंकि वेरिएशन का जो वेरिएशन हुआ या नहीं हुआ जो भी उन्होंने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और लॉस का जो स्टेटमेंट था उसको देख के फिर वो बता देंगे कि आप एक काम करिए इसका आप ड्राफ्ट ऑर्डर बना दीजिए अब. अब आप इसका ड्राफ्ट ऑर्डर बनाइए तो यहां पे असेसमेंट यूनिट ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा लेकिन अगर मान लो यहीं पे एनफेक्ट को ये लगता है कि नहीं नहीं जो इन्होंने जो किया है जो इन्होंने जो किया है दैट इज द जिसको अपन बार बार बोल रहे हैं दैट इज द इनकम और लॉस प्रपोजल जो इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल है हो सकता है उसमें वेरिएशन हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक बार क्यों ना हम रिव्यू यूनिट से रिव्यू करा लेते तो एनफेक्ट को लगता है तो वो रिव्यू यूनिट को भेजेगा और रिव्यू कराएगा रिव्यू यूनिट से तो देखिए क्या लिखा होगा यहां पर या तो क्या बोलेगा कि सीधा ही रिव्यू कराने की जरूरत नहीं है चलेगा आप एक काम करो इसका ड्राफ्ट ऑर्डर बना दो एनफेक्ट सीधा किसको बोलेगा असेसमेंट असेसमेंट यूनिट यूनिट को यूनिट ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा लेकिन एनफेक्ट शेल असाइन द इनकम और लॉस डिनेशन प्रपोजल टू द रिव्यू यूनिट थ्रू द ऑटोमेटेड एलोकेटेड सिस्टम फॉर कंडक्टिंग द रिव्यू ऑन सच प्रपोजल रिव्यू यूनिट को बोलेगा कि इन्होंने जो असेसमेंट यूनिट ने किया है एटलीस्ट एक बार आप रिव्यू कर लीजिए रिव्यू यूनिट शैल कंडक्ट द रिव्यू ऑफ इनकम और लॉस डिनेशन प्रपोजल टू इट बाई द एनफेक्ट एंड इट शेल प्रिपेयर अ रिव्यू रिपोर्ट एंड सेंड टू द एनफेक्ट वो रिव्यू रिपोर्ट बनाएंगे और रिव्यू रिपोर्ट बनाकर किसको भेज देंगे एनफेक को भेज देंगे चलिए हमने रिव्यू करने के बाद यह पता चला रिव्यू की रिपोर्ट किसके पास आ गई एनफेक के पास आ गई अब क्या होगा इनफेक्ट शेल अपॉन रिसिविंग द रिव्यू रिपोर्ट जैसे उनको रिव्यू रिपोर्ट मिली फॉरवर्ड को भेजेंगे भाई हमने रिव्यू कराया था हमको ये चीजें मिली है रिव्यू यूनिट में रिव्यू यूनिट ने दी है कुछ रिपोर्ट दिया आप देख लो करके proposed the income or loss determination in the proposal now assessment unit shall after considering such review report review report को assessment unit consider करेगा एक्सेप्ट कर सकता है रिजेक्ट कर सकता है सम और ऑल ऑफ द मॉडिफिकेशन हो सकता है कि कोई चीजों को अगर असेसमेंट यूनिट यूनिट को लगा कि रिव्यू सही बोल रही है तो हो सकता है उसको कंसिडर कर लेगी बट बहुत बार ऐसा हो सकता है नहीं नहीं ईगो है बोले नहीं नहीं मैं तो इसको कंसिडर नहीं करूंगा रिव्यू यूनिट ने जो रिपोर्ट दी है वो सही नहीं है उसमें मैं तो कंसिडर नहीं करूंगा तो असेसमेंट यूनिट हो सकती है उसको रिजेक्ट भी कर सकती है लेकिन अगर रिजेक्ट करेगी तो उसका रीजन लिखना पड़ेगा रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं अगर रिव्यू यूनिट ने कुछ मान लो सजेशन दिए हैं और वो रिव्यू यूनिट्स के जो सजेशन है उसको अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो कम से कम से उसको बताना पड़ेगा ना कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो देखिए असेसमेंट यूनिट आफ्टर सच रिव्यू रिपोर्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट सम और ऑल ऑफ द मॉडिफिकेशन एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ सच मॉडिफिकेशन प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑर्डर इसके बाद में ये लोग क्या करेंगे असेसमेंट यूनिट ड्राफ्ट ऑर्डर बना देगी असेसमेंट यूनिट ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगी अब असेसमेंट यूनिट ने ड्राफ्ट ऑर्डर देखो यहां रिव्यू के पास भेजा तो रिव्यू होने के बाद जो रिपोर्ट वगैरह है उसके बाद ड्राफ्ट ऑर्डर बनेगा और अगर रिव्यू के लिए नहीं भेजा था डायरेक्टली बोला था तो डायरेक्टली सीधा क्या बन गया था ड्राफ्ट ऑर्डर अब कुल मिला के यहां पे एनफेक जो है वो एनफेक के पास में ड्राफ्ट ऑर्डर आ गया दैट इज एयू शेल सेंड सच ड्राफ्ट ऑर्डर टू द एनफेक अब एनफेक के पास में क्या पड़ा है ड्राफ्ट ऑर्डर पड़ा है अब इस ड्राफ्ट ऑर्डर को क्या करना है तो देखिए ड्राफ्ट ऑर्डर पड़ा है अब ड्राफ्ट ऑर्डर पड़ा है तो दो चीजें हो सकती है सबसे पहला इन केस एलिजिबल असेसी है अंडर सेक्शन 144 फोर्टी फोर सी सबसेक्शन वन वाला द इनफेक्ट सर्व द ड्राफ्ट ऑर्डर अगर मान लो जो असेसी है वो असेसी 144 सी वन फोर्टी फोर सी सबसेक्शन वन वाला है आपको याद करो डीआरपी को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में मैंने बताया था कि दो असेसी ऐसे होते हैं ना जिनको कभी भी डिपार्टमेंट फाइनल ऑर्डर नहीं भेजती पहले ड्राफ्ट ऑर्डर भेजती है और वो दो एस कौन कौन से थे अगर आपको याद रहेगा तो एक तो एस जो तुम्हारा था एक तो जो एस था दैट इज द एक तो एस जो तुम्हारा था एक तो एस जो तुम्हारा था दट इज द नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी उसके केस में कुछ वेरिएशन हुआ है और दूसरा अगर मान लो कोई भी अदर एस था जिसका टीपीओ के ऑर्डर की वजह से कोई वेरिएशन हुआ तो आपको याद रहेगा वो अपन ने एक चार्ट पढ़ा था कि एओ क्या करेगा पहले ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगा एसएससी क्या देगा या तो एक्सेप्टेंस देगा या ऑब्जेक्शन करेगा

एंड अपॉन रिसीविंग द फाइनल ऑर्डर इन फैक्ट शेल सर्व कॉपी ऑफ सच ऑर्डर एंड नोटिस फॉर इनिशियटिंग पेनल्टी प्रोसीडिंग इफ एनी ऑन द एस एस सी अलॉन्ग विदिमांड नोटिस और रिफंड ऑफ एनी अमाउंट ड्यू टू दस एस सी ऑन द बेसिस ऑफ सच असेसमेंट तो यहां पर अगर मान लो वो एस एस सी डीआरपी वाला नहीं है अदर है तो फिर क्या बोलेगा ये इनफेक्ट उसको बोलेगा किसको असेसमेंट यूनिट को कि भाई तुम फाइनल ऑर्डर बना दो और वो फाइनल ऑर्डर बना के भेजेंगे फाइनल ऑर्डर एस उसके साथ में डिमांड है तो डिमांड नोटिस भेजेंगे रिफंड है तो उसको रिफंड दे दिया जाएगा और उसको एक नोटिस भेजा जाएगा कि तुम पे पेनल्टी भी लगने वाली है तो पेनल्टी अगर चालू होने वाली है पेनल्टी प्रोसीडिंग चालू होने वाला है तो उसके लिए उसको नोटिस दिया जाएगा कि पेनल्टी लगने वाली है लेकिन अगर मान लो वो असएससी वो वाला है जो डीआरपी वाला है तो क्या होगा एस क्या करेगा

पहले एक्सेप्टेंस वाला उधर वाला पढ़ लेते हैं अगर एक्सेप्टेंस दे दिया तो एयू शेल अपॉन रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन पास द असेसमेंट ऑर्डर इन अकॉर्डेंस रिलेवेंट ड्राफ्ट ऑर्डर एंड इनिशिएट पेनल्टी प्रोसीडिंग इफ एनी एंड सेंड द ऑर्डर टू द एनफेक्ट वो क्या करेगा एनफेक्ट को ऑर्डर भेज देगा करके ठीक है एनफेक्ट को जो है वो ऑर्डर एनफेक्ट को ऑर्डर फाइनल बना के भेज देगा अगर एसएससी का एक्सेप्टेंस आ गया लेकिन अएससी ने अगर ऑब्जेक्शन किया तो क्या होगा डीआरपी से डायरेक्शन आएंगे डीआरपी के डायरेक्शन किसके पास आएंगे एनफेक के पास आएगा एनफेक्ट वो डायरेक्शन किसको देगा असेसमेंट यूनिट को देगा असेसमेंट यूनिट उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा क्योंकि वो बाइंडिंग होगा और असेसमेंट यूनिट उसके हिसाब से फाइनल ऑर्डर बना के एनफेक को देगा एनफेक्ट वो ऑर्डर किसको भेज देगा असएसी को भेज देगा तो देखिए वेयर एलिजिबल एस फाइल द ऑब्जेक्शन विद द डीआरपी एनफेक्ट शेल सेंट सच इंटीमेशन अलॉन्ग विदी ऑफ ऑब्जेक्शन फाइल टू दसेसमेंट यूनिट वो असेसमेंट यूनिट को बताएगा कौन एनफेक्ट के भैया यहां पर एनफेक्ट अपॉन रिसिड द डायरेक्शन इश्यूड बाय द डीआरपी फॉरवर्ड सच डायरेक्शन टू द असमेंट यूनिट असेसमेंट यूनिट को डायरेक्शन भेज देगा जो डीआरपी से आए किसके पास एनफेक्ट के पास इन कन्फर्मेटिव विदायरेक्शन क्योंकि असेसमेंट यूनिट पे वो डायरेक्शन डीआरपी के बाइंडिंग रहेंगे फॉलो करनी पड़ेंगे कन्फर्मेट विद द डायरेक्शन directions

के पास में है जितना उनके पास में रिकॉर्ड है वो सब रिकॉर्ड किसको भेज देगा करके ठीक है, वो सब रिकॉर्ड भेज देगा असेसिंग ऑफिसर को जो आपका एओ है, जैसे आप मान लो

तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो एग्जाम में क्वेश्चन तो प्रोसीजरल पार्ट पे क्या आएगा करके ठीक है हो सकता है कुछ ऐसा मेरे को भी आइडिया नहीं आ रहा है इस पर क्वेश्चन क्या आ सकता है करके ठीक है चलिए अब एक बात समझते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स है वो अपन पढ़ते हैं एडिशनल पॉइंट्स क्या है तो एडिशनल पॉइंट दे रखे मैंने पॉइंट नंबर डी में इधर देखिए सब लोग आप एडिशनल पॉइंट आप यहां से देखिए आपकी बुक से ना देखिए देखिए जिनके भी जो कम्युनिकेशन होंगे ना वो सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही होंगे मीन्स आप मेल के थ्रू ही होंगे कभी भी ऐसा फोन नहीं करेंगे या फिर आपको क्या बोलते हैं लाइक like, आप फिजिकली नहीं जाएंगे लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है It shall not apply to the and होता है। तो हो सकता है किसी वेरिफिकेशन यूनिट को बोला वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे वो ऑनलाइन नहीं कर रहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं कर रहे क्योंकि क्या होता है ना जब वेरिफिकेशन करना होता है तो वेरिफिकेशन तो आप कैसे कर सकते यार, कैसे हो सकता है देयर में भी पॉसिबिलिटी दैट वेरिफिकेशन एंड इंक्वायरी है वो फिजिकल मोड में होगी रेदर देन द ऑनलाइन मोड करके उसके बाद पॉइंट नंबर टू क्या बोलता है इन केस वे एनी वेरिएशन इज प्रपोज इन द इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल मीन यहां असेसमेंट यूनिट ने कुछ वेरिएशन किए है जो कि एस एससी के लिए हार्मुल है और द ड्राफ्ट ऑर्डर एंड ऑपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड टू एस एससी बाइंग द सर्विंग द शो कोज नोटिस यहां पे अगर असेसी को शोकोज नोटिस है वो नोटिस सर्व किया है तो असेसी और हिज रिप्रेजेंटेटिव दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज द केस में भी मे रिक्वेस्ट फॉर द पर्सनल हियरिंग आप पर्सनल हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं जब अगर मान लो आपको जब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है क्योंकि आपका वेरिएशन हुआ है तो असेसमेंट यूनिट आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी थ्रू द इनफेक्ट और जब एनफेक्ट से आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिला तो उस केस में आप आप लोग जो है वो आप लोग पर्सनल हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं बट पर्सनल हियरिंग का मतलब ये नहीं है कि वहां जाने के बाद आपको पर्सनली लाइक क्या बोलते हैं आपको जाने दिया जाएगा नहीं मीन यहाँ पे आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत आप कुछ बोल सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं अगर ठीक है तो देखिए क्या लिखा हुआ है एसएससी में रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल हियरिंग So, as to make his oral submission or present his case before the income tax authority in the relevant unit. इनकम टैक्स ऑथोरिटी फॉर द रिलेवेंट यूनिट सच हरिंग थ्रू द एन फैक्ट एंडली थ्रू दीडियो और टेलीफोनिंग अगर मान लो आपको अपॉर्चुनिटी है आप चाहते हो कि हम अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड का रिप्लाई हम मेल में नहीं कर सकते हमको सुनो करके हम ओरल सबमिशन हम आपको समझाना चाहते हैं है? अगर आप समझाना चाहते हैं ऐसा बोलते तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे और आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो असेसमेंट यूनिट है वो आपसे बात करेगी बट उसमें नाम वगैरह वो लोग अपने डिस्क्लोज नहीं करते जगह डिस्क्लोज नहीं करते आप जो बोलना चाहे वो बोलेंगे वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आप उसके आंसर करेंगे आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से होगा ये और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप उनसे बात कर सकते हैं बट वो तभी जब कुछ उन्होंने वेरिएशन किया और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड दिया है नेक्स्ट पार्ट एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड और स्टेटमेंट ऑफ एससी और एनी अदर पर्सन शेल बी कंडक्टेड आई टी ऑथोरिटी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनली अगर मान लो कुछ रिकॉर्ड को एग्जाम करना स्टेटमेंट एस एससी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने हैं तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही उसको रिकॉर्ड करेंगे करके ठीक है चलिए बट उधर ऊपर जो दे रखा था वेरीफिकेशन वाला जो पार्ट है अगर मान लो कोई भी वेरिफिकेशन इंक्वायरी करनी है तो वो हो सकता है अदर देन दैट इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो सकता है उसके बाद नेक्स्ट पार्ट सीबीटीटी शैल एस्टेब्लिश फैसिलिटी फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एट वेरियस लोकेशन सो एस और एनी अदर पर्सन कैन यूज देम इफ दे आर नॉट हैविंग द फैसिलिटी एट दियर एंड ऐसा हो सकता है एस के पास में लैपटॉप नहीं है एस एससी के पास में जो है वो मान लो नेट नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो नियरेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा ना वहां पे आजकल ये बनाएंगे एक जैसे वो होते थे पहले क्या बोलते थे उसको साइबर कैफे जैसे तो साइबर कैफे जैसे ऐसे कैबिन बनाएंगे जहां पे आपको फैसिलिटी रहेगा नेट का एज वेल एज कंप्यूटर का वहां पे कैमरा लगा होगा तो वहां पर जाके आप इस फैसिलिटी का लुप्त उठा सकते हैं तो ऐसी सीबीडीटी है वो एस्टेब्लिश करेगी और ऐसा आजकल किया है उन्होंने जैसे मुंबई में मान लो नहीं है तो आप बेंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बीकेसी में वहां पर उन्होंने सेटअप किया है वहां जहां

डाउट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट मल्टीफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इन अकाउंट और स्पेसिफाइड नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इज अव ओपिनियन दैट नेसेसरी टू डू सो इट मे अपॉन रिकॉर्डिंग अ रीजन इन राइटिंग प्रिफर द केस फॉर द एन फेक स्टेटिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन वन फोर्टी टू टू ए मे बी इन बुक में ये स्पेशल ऑडिट की बात कर रहे हैं

इफ यू कंसिडर अप्रोप्रिएट देन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन वन फोर्टी टू टू दैट इज स्पेशल ऑडिट मे बी इनवोक इन द केस उनको लगता है स्पेशल ऑडिट के लिए देना चाहिए तो स्पेशल ऑडिट के लिए दे सकते हैं एंड फॉरवर्ड द रेफरेंस रिसीव फ्रॉम एयू टू द

और फेसलेस असेसमेंट चलते चलते उनको लगता है कि नहीं नहीं आपका तो फिजिकल फॉर्म में असेसमेंट होना चाहिए तो हो सकता है आपका केस इन बिटवीन है वो एओ को ट्रांसफर कर दे और फिर एओ आपका असेसमेंट करेगा ये कब हो सकता है जैसे बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर हो बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर हो ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है तो उस केस में हो सकता है कि आपका केस एओ को ट्रांसफर कर दे और फिर आपका जो जुडिस एओ है वो आपका असेसमेंट करे दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द फेसलेस असेसमेंट करके ठीक है तो आज के लेक्चर में जो हमने अमेंडमेंट डिस्कस किए वो बेसिकली असेसमेंट प्रोसेजर के बहुत ज्यादा थे और बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं असेसमेंट प्रोसेजर में फेसलेस असेसमेंट आपका पूरा चेंज हो गया 147 वाली सीरीज में काफी चेंजेस हुए 147, 148, 148 ए में 140 फोर्टी लाइक एट बी करके एक नई सेक्शन आई है तो बहुत सारे चेंजेस है वो वहां पे हुए हैं तो ये चेंजेस आप लोगों ने देखे और अब अपन क्या करेंगे एक लास्ट अमेंडमेंट लेक्चर और रहेगा जिसमें मेजर अमेंडमेंट आपके ट्रस्ट टॉपिक में रहेंगे जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है उसमें मेजर अमेंडमेंट रहेंगे तो लास्ट वाला जो लेक्चर रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू द ट्रस्ट टॉपिक से रिलेटेड और इंटरनेशनल टैक्सेशन में छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है कुछ पेनल्टीज में अमेंडमेंट्स है करके ठीक है तो बाकी वाले अमेंडमेंट है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे तो आज बड़ा लंबा लेक्चर हो गया जिसमें हमने काफी अमेंडमेंट है वो कवर की और मैंने आपको इसमें वन वाला वन वाला अपडेटेड रिटर्न है वो तो आपको रेगुलर जो बैच हमारा फास्ट ट्रैक बैच होता है उसी का आपको रिकॉर्डिंग इसमें दिया है जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ पाए और आपको बेटर तरीके से आप उसको समझ पाए करके ठीक है चलिए तो अब अपन मिलेंगे नए अमेंडमेंट लेक्चर में और उस नए अमेंडमेंट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ना चालू करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द ट्रस्ट टॉपिक और जो रिमेनिंग अमेंडमेंट्स है वो सब हम उसमें कवर करेंगे ठीक है बाकी बस मैं तो आपको यही बोलना चाहूंगा टाइम बहुत कम रहा है अभी आपके लिए जस्ट अच्छे से पढ़ाई करना चालू कर लीजिए थोड़ा फोकस करिए चीजों को लेके थोड़ा सीरियस हो जाइए लाइफ में और थोड़ा सिंसियर हो जाइए लाइफ में क्योंकि देखो मैं बताऊँ ना आप अगर पास होना चाहते हैं ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता बट अगर आप ही नहीं चाहते तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी आपको डिस्टर्ब करेगी तो आपको अपने आप को थोड़ा कूल एंड काम रहना है अपनी फोकस जो है वो चीज़ों पर ध्यान देना है और बहुत बार क्या होता है ना हमको दुनिया से बड़ी एक्सपेक्टेशन रहती है लोगों से बड़ी एक्सपेक्टेशन रहती है नहीं रखनी चाहिए और मैं बताऊं जब पास हो जाएंगे तो ऑब्वियसली सब चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएगी और जब तक पास नहीं होते तब तक चीज़ें हैं वो इतनी सही नहीं है सो मैं तो यही बोलूँगा कि जस्ट यार मतलब आप जो कर सकते हो वो आप करिए और आप हंड्रेड अपना दीजिए करके और अच्छे से पढ़ाई करिए चीज़ें हो जाएगी डोंट वरी और डायरेक्ट टैक्स ऐसा पेपर नहीं है कि जिसमें एकदम ही शॉर्टकट मार के हम पास हो जाए नहीं सी ए फाइनल में दो ही पेपर ऐसे होते हैं फर्स्ट ग्रुप में आप देखेंगे तो ऑडिट और सेकेंड ग्रुप में आप देखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स जहां पे इंस्टीट्यूट को बहुत एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज चाहिए मीन्स अच्छे लेवल का नॉलेज चाहिए और उसके लिए आपको ढंग का लिखना भी पड़ता है और ये दो ही पेपर होते हैं जिसमें बच्चे फेल होते हैं जैसा जैसा मैं बोलता हूं आप अगर फॉलो करते जाएंगे तो आप आराम से क्लियर कर पाएंगे डीटी का पेपर रिविजन लेक्चर है वो अभी चालू होने वाले हैं और मैं आपके लिए मार्च मंथ में कुछ अलग लेके आने वाला हूँ कुछ नया लेके आने वाला हूँ यू विल फील अमेज आफ्टर लाइक like, uh, जब वो आप चेक करेंगे तो उससे पहले पहले आप एक बार अमेंडमेंट कर लीजिए आपका एक बार रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपके लिए कुछ अच्छी चीजें हैं वो मैं लेके आने वाला हूँ करके ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना बहुत है मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में थैंक्स अडॉट पीपल